आई थिंक हो गया कनेक्ट हो गया हो गया राइट हेलो एवरीवन द एम आई ऑडिबल क्या मेरी बुलंद आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है फटाफट बताएं क्षमा चाहूंगा आज का सेशन 10 से 12 मिनट थोड़ा सा लेट हो गया इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू था और बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे इवेंट तो होते ही रहते हैं तो सभी लोग तैयार हैं भाई जल्दी से चैट में वन टाइप करें इफ़ ऑल ऑफ यू आर रेडी आज के सेशन में अपन लोग क्या कवर करने जा रहे हैं पता है क्या गुड इवनिंग गुड इवनिंग सोनाक्ष जैन हर्ष शर्मा कृष्ण पड़ रही है और आपको पता है कि जयस का फर्स्ट अटेम्प्ट इस समय मात्र बीस दिन दूर है तो प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखिएगा ज्यादा बाहर घूमने की जरूरत नहीं है ओके और माहौल सेट है आज बहुत ही शानदार टॉपिक एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ या हम ये कह सकते हैं फिजिक्स का एक उस चैप्टर को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें मैंने अपने ऑफलाइन कैरियर के एक्सपीरियंसेस को अगर तुम्हारे साथ शेयर करूँ तो मैंने देखा है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता है डाउट्स रहते हैं कन्फ्यूजन्स रहते हैं या हम ये कह सकते हैं उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती

मैं हर वो पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं यहां पे आपको एसी सर्किट पढ़ाने नहीं आया मैं यहां पे आप ये समझ लीजिए हर उन पॉइंट्स पे एम्फेसाइज करूंगा उन पॉइंट्स पर आपके डाउट्स क्लियर करूंगा या मैं कह सकता हूं उन पॉइंट्स पर यहां डिटेल्ड डिस्कशन होगा जहां पर हमें जनरली कंफ्यूजन रहते हैं मतलब हर छोटे से छोटा पॉइंट कवर अप करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि एसी मैं बता दूं सच में अगर आज का सेशन तुमने पूरा अटेंड कर लिया जो लगभग दो से ढाई घंटे का सेशन रहेगा तो इतनी मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको एसी में इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि आप सारे के सारे क्वेश्चन नॉट इवन जेई जयस लेवल इवन जेई एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन लगा सकते हैं क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को कहां पे होते हैं तो उन्हीं को आज अपन लोग डिस्कस करेंगे तो सभी लोग तैयार हैं जस्ट रेज योर हैंड देवान शर्मा माउल इज सेट All is high. तो चलिए सेशन फिर स्टार्ट किया जाए देखिए आपको वैसे मैं बता दूं कि एसी सर्किट में जो सीक्वेंस होता है जो स्टैंडर्ड सीक्वेंस होता है वो क्या होता है सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज करंट और आरएमएस करंट की ठीक उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट प्योरली कैपेसिटिव सर्किट प्योरली इंडक्टिव सर्किट फिर उसके बाद आर एल सी सर्किट पावर रेजोनेंस ट्रांसफॉर्मर इस तरीके से सीक्वेंस आगे बढ़ता है लेकिन भाइयों आज अपना सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा आज मैं शुरुआत में उन टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा जहां पे कंफ्यूजन ज्यादा होते हैं मतलब मैं अपने सीक्वेंस को आज थोड़ा मॉडिफाई करने वाला हूं क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि अपने ऑनलाइन सेशन जो होते हैं तो भाई लोगों में शुरुआत में जोश तो बहुत हाई होता है लेकिन जैसे 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 ये वक्त आगे बढ़ता चला जाता है भाइयों का जोश डाउन होता चला जाता है और भाइयों का होश जो है वो भी कम होने लगता है और धीरे धीरे उनके ऊपर नींद का नशा चढ़ने लगता है तो मैं चाहता हूं कि जब ये सेशन अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंचे तब तक हम इस चैप्टर के कम से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कवर कर लें चले कि जो इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, हैं, उस चैप्टर के वो जब स्टार्ट हो, तब तक भाई भाई लोग निपट चुके टॉपिक हैं।, हैं।, तो हैं, हैं उनको हम पहले अप करेंगे और फिर उसके बाद उन टॉपिक्स पर लौटेंगे जिनका वेटेज उतना हाई नहीं है लेकिन उनको समझना जरूरी है भाई अवस्थी साहब रेडी हो भाई एग्री हो सभी लोग सीक्वेंस में थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है देखो भाई बेहोश नहीं होना है मैदान में टिकना है मैदान में कौन कौन टिकने वाला है जो लोग टिकने वाले हैं आखिरी दम तक वो वन टाइप कर दें और जो नहीं टिकने वाले हैं वो जीरो टाइप कर दें भाई फटाफट बताओ भाई कौन कौन टिक रहा है आज अपने कुछ स्टूडेंट्स का कल टेस्ट है इसलिए आज के सेशन को वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं वो लोग अपनी रिकॉर्डिंग देख लेंगे एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि सर अगर कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया हो तो आज का देख सकते हैं बिल्कुल देख सकते हैं इवन किसी ने ईएमआई पढ़ा भी नहीं है किसी को ई का ई e का मतलब भी नहीं पता इसे फेराडे लॉ भी नहीं पता वो भी ए सर्किट को समझ सकता है आज का लेक्चर कल के लेक्चर से आप ये समझ लीजिए ऑलमोस्ट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है हाँ आज पूरा ए खत्म हो जाएगा शुरू से लेकर के एंड तक ठीक बिल्कुल बिल्कुल एक बार ये बताइए मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है कोई लैग तो नहीं आ रहा किसी भी तरीके का <coughs> समर्थ गोयल जीरो टाइप कर रहे हैं बराबर जीरो जीरो टाइप कर रहे हैं बेटा गोयल साहब आप जा सकते हैं आप गलत जगह आ गए हैं गोयल साहब आप जाकर के अपनी नींद पूरी करिए ठीक एसी एक दिन में अगले ढाई घंटे में निपटा देंगे प्रॉमिस है मेरा चले भाई चले माहौल सेट ऑल ऑफ यू आर रेडी चले देखिए वैसे तो एवरेज करंट आरएमएस करंट ये सारी चीजें रहती हैं आई थिंक मुझे लग रहा है आपको शायद स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है पहले तो स्क्रीन को कनेक्ट करते हैं यस yes. भैया सब लोग टोपा लगा लें चद्दर अगर ओढ़ करके बैठे हुए हैं कंबल वगैरह ओढ़ रखा है तो साइड में रख दें बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में जैसे मैं बैठा हूं वैसे ही बैठना है भैया ठीक है तो देखिए RMS और एवरेज करंट में बाद में बताऊंगा क्योंकि ये मैथमेटिक्स है ये सारी चीजें मैं बाद में कवर करूंगा यहां पर सबसे पहले जो मैं कवर करने वाला हूं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ करंट एंड द वोल्टेज इन एसी सर्किट पहले तो आप ये समझ लीजिए एसी सर्किट क्या होता है आपने इससे पहले जो सर्किट्स पढ़े थे वो डीसी सर्किट्स थे डीसी सर्किट्स में करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता लेकिन एसी सर्किट में जो करंट है ना वो चेंज होता है मतलब हम ये कह सकते हैं हाफ ऑफ द साइकिल में वो करंट पॉजिटिव हो सकता है नेक्स्ट हाफ साइकिल में वो करंट नेगेटिव हो सकता है मतलब थोड़ा सा आपको एसी का आइडिया दे देता हूँ फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहां पर एक करंट बनाता हूं देखिएगा यहां पर मैंने इस तरीके से ये ग्राफ बनाया आपके सामने ये पता है क्या हो रहा है इसमें ये करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है आई वर्सेस टी का ग्राफ है और आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि हाफ ऑफ द साइकिल में करंट पॉजिटिव है नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट नेगेटिव है तो ऐसे ऑल्टरनेट हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव होती है और ये करंट पीरियडिकली अगर चेंज हो रहा है देखिए पैटर्न कुछ भी हो सकता है जैसे कि अभी आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे ये जो पैटर्न है ये बिल्कुल आपके साइन कर्व जैसा पैटर्न है तो ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है ना ये पैटर्न आपको साइनिसोडियल करंट बोलेंगे इसको साइन्यूसोडियल स्पेलिंग क्या है भैया हम तो भूल गए स्पेलिंग अंग्रेजी याद हो तो बताना भाई ठीक है भाई तो ये है आपका साइन्यूसोडियल करंट और अगर पैटर्न बहुत सारे हो सकते हैं आपके सामने ठीक है यहाँ पे पैटर्न आपके सामने बहुत सारे हो सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पे दिखाता हूँ अगला पैटर्न अगला पैटर्न अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो देखिए इस तरीके का स्क्वायर वेव भी बन सकता है बहुत बढ़िया अक्षत वर्मा ने स्पेलिंग बता दिया चलो भैया थैंक यू भैया वर्मा जी का धन्यवाद उन्हें साइन्यू सोडियल की स्पेलिंग याद है देखो भैया अंग्रेजी भाई की अंग्रेजी थोड़ी सी वीक है यही होती है साइन्यू एस आई एन यू बहुत बढ़िया साइनिस चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों की अंग्रेजी बहुत अच्छी है लग रहा है कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं और देखिए पैटर्न बहुत सारे हो सकते हैं इसमें एक पैटर्न इस तरीके का भी हो सकता है ये वाला करंट आपको क्या लगता है एसी करंट है या डीसी करंट है ये भी एसी करंट है तो पैटर्न बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग शेप हो सकती है मुद्दे की बात यह है कि डायरेक्शन ऑफ करंट हर हाफ साइकिल के बाद चेंज होना चाहिए जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने ये दो पैटर्न जो आपके सामने बनाए हैं इनमें हर हाफ साइकिल के बाद क्या करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और अगर करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ये आपका एसी करंट कहलाएगा ठीक है भाई बस ये इतना सा याद रखिएगा इससे पहले हमने जिन करेंट्स के बारे में पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर्स में वो डीसी सी करंट थे उनमें आपने देखा होगा कि करंट वेरी तो हो सकता था लेकिन करेंट का डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होता था करंट का डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहता था चाहे आप आर एल सर्किट पढ़े चाहे आप आरसी सर्किट पढ़े वहां आप देखते थे करंट एक्सपोनेंशियली चेंज होता था लेकिन करंट का डायरेक्शन हमेशा सर्किट में थ्रू आउट द मोशन क्या रहता था सेम रहता था लेकिन आज हम एक ऐसे सर्किट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जहां पर करंट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है जैसे कि देखिएगा ध्यान से अब मैं आपको यहां पे बताता हूं कि एसी सर्किट्स में करेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है मोस्ट ऑफ द फोकस हमारा जो है वो साइनोसोडियल करंट पर रहता है साइनोसोडल करंट का मतलब हम ये कह सकते हैं वो करंट जो साइनोसोडियली वैरी कर रहा है या हम ये कह सकते हैं कि हमारे जेई का सिलेबस जो है हम उसमें साइनोसोडियल करंट को ही कवर करते हैं तो उस करंट को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर आपको इन सभी चीजों का मतलब समझ में आना चाहिए भाई क्या आपको इन सभी चीजों का मतलब पता है यहां पे जो आई नॉट लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं पीक करेंट इसे हम बोलते हैं पीक करेंट कुछ लोग इसी को करेंट एम्पलीट्यूड बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई करेंट एम्पलीट्यूड बोलते हैं ठीक और ये आई जो लिखा हुआ है आई इसको क्या बोलेंगे आप इंस्टेंटेनियस करंट इंस्टेंटेनियस करंट मतलब किसी भी टाइम टी पे जो सर्किट में करंट है वो आई है और करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू जो अचीव करेगा वो आई नॉट है ये आई और आई I और I नॉट में डिफरेंस आए हो वह आपको समझ में आ गया होगा I नॉट जो है वो I की ही मैक्सिमम वैल्यू है ये उमेगा क्या है उमेगा आप लोग पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें ये उमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है क्या कहलाती है बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहां पर अगर आप मुझसे पूछते हैं वॉट इज उमेगा टी प्लस फाइव आप उमेगा टी प्लस फाइव को क्या बोलेंगे फेज ऑफ करेंट इसको क्या बोलेंगे बेटा फेज ऑफ करेंट क्या ये बात क्लियर है आप सभी को और यहां पे ये जो फाइव लिखा हुआ है फाइव ये क्या कहलाएगा फेज एट टी बराबर जीरो या जनाब इसी को बोल सकते हैं फेज कांस्टेंट ठीक तो आज के बाद आप एसी सर्किट में जब भी करंट को देखेंगे तो जनरली आपको करंट इसी तरीके से फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा एक बात बताना इस इंफॉर्मेशन से आपको कितनी सारी वैल्यूज मिल जाएंगी क्या आपको इंस्टेंटेनियस करंट पता चल जाएगा पीक वैल्यू पता चल जाएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा एक बात बताना अगर तुम्हें एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन पता है क्या जो भाई लोग एस एच एम पढ़ चुके हैं उनको डेफिनेटली पता होगा कि यहां पे टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं टू पाई बाय ओमेगा यस और नो यस और नो और आप ये भी जानते हैं यहां पे टाइम पीरियड को हम वन बाय एफ भी लिख सकते हैं तो यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि ओमेगा की जो वैल्यू है क्या वो टू पाई एफ के बराबर होगी थोड़ा सा वी केयरफुल कभी कभी हो सकता है सवालों में आपको फ्रीक्वेंसी दी हो क्या दी हो फ्रीक्वेंसी तो जब आप फ्रीक्वेंसी को टू पाई से मल्टीप्लाई करेंगे ना तब जाकर के आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिलेगी ये है बेसिक रिलेशन मैंने अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बताई है जो मेरे गरीब भाई बंधुओं को ना पता क्योंकि जो लोग एस पढ़ चुके हैं वो इन सभी चीजों का मतलब समझ पा रहे होंगे ठीक है अब देखना यहां पर हम करेंट को ना फेजर से रिप्रेजेंट करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है हम यहां पे करंट का फेजर बनाते हैं बेटा क्या बनाते हैं फेजर और जब हम फेजर बनाते हैं तो सुनिएगा हम उसमें एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं इस वेक्टर की लेंथ हमेशा याद रखिएगा दैट शुड बी द पीक वैल्यू ये क्या होनी चाहिए पीक वैल्यू और ये फेजर आपका इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ये फेजर इस समय एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा होगा उसे हम बोलेंगे फेज ऑफ दैट यहाँ पे इस फेजर का जो प्रोजेक्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ यार ये वाई एक्सिस पर जो ये प्रोजेक्शन आ रहा है ये क्या है क्या बता पाओगे जरा ऑब्जर्व करना ये प्रोजेक्शन जो है तुम्हारा क्या ये वैल्यू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव के बराबर आ रही है अगर आपने एस में कभी फेजर पढ़ा हो तो शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये वैक्टर है और ये वैक्टर इस तरीके से रोटेट हो रहा है और इस वैक्टर का वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन है वो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रहा है यस और नो क्यों भाई अक्षत समझ में आया कि नहीं उमेश भैया क्लियर है मुद्दे की बात इंपॉर्टेंट क्या है हमेशा जब भी ये वैक्टर ड्रॉ करोगे ना तो इस वैक्टर की लेंथ क्या होनी चाहिए इस वैक्टर की लेंथ इसकी पीक वैल्यू के बराबर होनी चाहिए इसे हम फेजर डायग्राम बोलते हैं क्या बोलते हैं फेजर डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी याद रखना मैं आगे जाकर के आपको और समझाऊंगा इसका जो प्रोजेक्शन आप देख पा रहे हैं वाई एक्सिस पर दैट प्रोजेक्शन विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्लियर है मेरी बात यहां तक समझ में आया कि नहीं आया भाई और देखना ध्यान से एक चीज और बता देता हूं इसका आगे जाकर के हम यूज करेंगे जैसे अगर आपको करंट इस फॉर्म में दिया हुआ है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव तो यहां पर एक वैल्यू होती है आई आर एम एस क्लास के एंड में आपको पढ़ाऊंगा अभी कि आर एम एस और एवरेज करंट कैसे निकालते हैं लेकिन अभी इस बात को याद रखिएगा कि जो आर एम एस करंट होता है ना वो आई नॉट बाय रूट टू होता है क्या ये बात किसी को पता है क्या होता है कैसे डिफाइन किया गया इसका फिजिकल सेंस क्या है वो मैं चर्चा बाद में करूंगा लेकिन याद रखना इस करंट को बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर करंट क्या बोला जाता है भाई इसे रूट मीन स्क्वायर करंट कुछ लोग इसी वैल्यू को इफेक्टिव करंट भी बोलते हैं इफेक्टिव करंट या फिर इसका नाम है वर्चुअल करंट मतलब अगर आपने पीक वैल्यू को रूट टू से डिवाइड कर दिया ये मैं साइनोसोडियल फंक्शन के लिए बता रहा हूं अगर आपको पीक वैल्यू दी हुई है और उसे रूट टू से डिवाइड कर दिया तो ये आपका आर एम एस करेंट होता है ठीक इसको याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है अभी तो मैं समझ में आ जाएगा जैसे कि मान लो ये जो एसी सोर्स होता है ना एसी सोर्स उस एसी सोर्स को हम ऐसे बनाते हैं जैसे आप वहां पर बैटरी डीसी में ऐसे बनाया करते थे लेकिन यहां पर इस तरीके से बनाते हैं एसी सोर्स को अगर यहां पर इस तरीके का कभी भी डायग्राम बना हो तो समझ जाना ये एसी सोर्स है या एसी को कुछ लोग एसी जनरेटर भी बोलते हैं मान लो मैंने यहां पर इसकी वैल्यू इस तरीके से लिखी V बराबर 220 वोल्ट तुम इसका मतलब क्या समझोगे अगर सवाल में कुछ भी मेंशन नहीं है सिर्फ यह बोला जाए कि वोल्टेज या करंट की वैल्यू यह है तो बाय डिफॉल्ट याद रखना इसका मतलब पता है यह 220 वोल्ट उसकी पीक वैल्यू नहीं है यह सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है अगर कभी भी सर्किट में सिर्फ यह बोला जाए कि सर्किट में करंट 5 एम्पियर है या किसी पर्टिकुलर सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दस वोल्ट है तो यह क्या है क्या यह पीक वैल्यू है क्या वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है क्या समझते हो नहीं याद रखना कुछ लोग कह रहे हैं सर वो पीक वैल्यू है दिवाकर साहब वो पीक वैल्यू नहीं वो आर एम एस वैल्यू है अगर यहां पे वी बराबर 220 वोल्ट बोल्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 220 वोल्ट बोल्ट जो तुमने लिखा है ये वी आर एम एस है और अगर पीक वैल्यू निकालना चाहते हो तो वी नॉट अपॉन रूट टू के बराबर कर दो या आर एम एस को रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो तब जाके तुम्हें तुम्हारी पीक वैल्यू मिलेगी क्या ये बात आप लोगों को भाई समझ में आई कि नहीं आई हमेशा याद रखिएगा सर्किट में अगर कहीं भी कोई वोल्टेज या करंट दिया हो और कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो हमेशा तुम्हारा आरएमएस करंट होगा और हम पे साइनिसोडियल करेंट की बात कर रहे हैं तो साइनिसोडियल करंट में मैंने आपको बता दिया कि जो आर वैल्यू है वो अपनी पीक वैल्यू का वन बाय होता है जैसे मैं करंट के लिए लिख रहा हूं उसी तरीके से मैं यहां पे वोल्टेज के लिए भी लिख सकता हूं अगर मैं आपसे पूछूं वी आर क्या होगा आप डायरेक्टली बोल सकते हो दैट इज वी नॉट बाई रूट टू यहां तक मेरे भाइयों समझ में आया क्या ये बात याद रहेगी आप लोगों को बहुत बढ़िया ठीक है अब देखना यहां पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने ये सर्किट आता है कहा गया कहा गया ये रहा मान लो इस तरीके से कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ये वैसे तो हमें एस एच एम में पढ़ाया जाता है लेकिन मैं आपको यहां बता दूं जैसे कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे यहां पे दो अलग अलग करेंट्स को ऐड किया जा रहा है मान लीजिए इस करेंट को आई वन बोल दिया गया और इस करेंट को आई टू बोल दिया गया आई वन की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी ये लिखी हुई है और आई टू की वैल्यू ये लिखी हुई है और जनाब हमसे यह बोला जाए कि भैया बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी तो देखो अगर मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट तो, तो कर लिया तो पीक वैल्यू को रूट टू से डिवाइड कर देंगे तो काम हो जाएगा तो देखो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक तरीका तो है तुम्हारी मैथमेटिक्स कौन सा मैथमेटिक्स टिग्नोमेट्री वाली मैथमेट सुनने भाई जोश लेकिन देखो मुझे पता है अपने गरीब भाई बंधु मैथ्स में बहुत वीक है दसवीं क्लास तक तो भाइयों की मैथ्स बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी मैथ्स भाइयों का फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था मैथ्स के सवाल जब स्कूल में मैथ्स वाली मैडम पूछा करती थी तो एकदम से हम आग लगा दिया करते थे लेकिन जब हमने जे की तैयारी करना शुरू किया तो उस समय मैथ्स ने हमारे भैया पंख उड़ा दिए मतलब मैथ्स ने जो हमारी धज्जियां बनाई है ना मैथ्स में जिस लेवल के हमारे नंबर आए हैं उसके बाद अब हम कई बार सोचते हैं कि भैया हमने मैथ्स काहे को ली थी इससे बढ़िया तो हम बायो ले लेते बायो में हमारे दसवीं क्लास में फिर भी अच्छे नंबर आए थे कोई दिक्कत की बात नहीं है अपन लोग यहाँ पे मैथ्स में नहीं जाने वाले क्योंकि मैं जानता हूं मेरे भाई बंधु मैथ्स में बहुत गरीब है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो वैसे तो ये तरीका आपको कहां पे सिखाया गया था एस एच एम में अगर आपने सुपर पोजिशन ऑफ एस एच एम पढ़ा हो नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत की बात नहीं है पहले मेरी बात सुनिएगा जब भी तुम्हारे सामने कॉस का फंक्शन दिया हो किसका फंक्शन कॉस का फंक्शन दिया हो तो कॉस को साइन के फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बस एंगल में पाई बाई टू एड करना पड़ता है मतलब मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि बेटे यहां पे जो तुम्हारे सामने आई टू बराबर फोर कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो फोर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू क्योंकि हम जो भी चर्चा करते हैं वो साइन के फंक्शन में ही करते हैं तो आज के बाद अगर कोई भी फंक्शन कॉस में लिखा हुआ दिखाई दे जाए तो बुरा मत मानना पाई बाई टू एड कर देना क्या वो हमारा साइन का फंक्शन बन जाएगा अब इसके बाद देखो यार हमें ये दो करंट को ऐड करना है और इन दो करंट को ऐड करने का तरीका क्या है सुनिएगा ध्यान से यही से टर्निंग पॉइंट है और तुम समझ लो कि लगभग पंद्रह परसेंट कंफ्यूजन लोगों को यहीं पे रहता है यहां पर ये आई वन जो है उसकी वैल्यू कितनी है थ्री साइन ओमेगा ये जो वैल्यूज आपको दी हुई है ये आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है इनको एड करना है तो पता है मैं यहां पे वैक्ट डायग्राम ड्रॉ करूंगा जिसपे मैंने एक्स एक्सिस को रेफरेंस लिया और इसको टी मानते हुए पहले वाले को देखो आई वन इसकी पीक वैल्यू कितनी है ओमेगा मैं यहां पर इसी को रेफरेंस ले रहा हूं पहले वेक्टर को मैं ड्रॉ करूंगा और वो वेक्टर बनेगा कितने का तीन का ठीक है दूसरा वाला वेक्टर देखो कितना है आई टू वाला आई टू वाला वेक्टर का लेंथ है चार लेकिन उमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिखा हुआ है क्या इसका फेज और इसका फेज सेम है क्या अगर प्लस लिखा हुआ है तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है क्योंकि तुम्हारा फेजर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूम रहा था और अगर माइनस लिखा हो तो तो चलना है तो जैसे यहां पे मेरे भाई प्लस पाई टू लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैं अगला वाला वेक्टर जो ड्रॉ करूंगा क्या वो इस तरीके से यहां से पाई बाई टू आगे की तरफ ड्रॉ कर दू हमेशा याद रखिएगा जब भी ये वेक्टर ड्रॉ किए जाएंगे तो ये वैल्यूज इनकी पीक वैल्यूज है ठीक है मुझे एक बात बताना अगर तुमने वैक्टर्स पढ़ा हुआ है तो तीन और चार का रिजल्टेंट कितना होता है क्या तीन और चार का रिजल्टेंट तुम्हें पता है पांच होगा भाई आनंद की अनुभूति हो रही है अगर ये पांच है तो जरा ऑब्जर्व करिएगा अगर मैं पूछूं भाई ये वाला एंगल बता दो कितना होगा मान लो ये एंगल टेन अल्फा है तो यहां पे तुम ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि टेन अल्फा की वैल्यू आएगी चार बटे तीन यहां से देख करके समझ में आ गया कि हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई त्रेपन डिग्री तो देखना इसी चीज को जो तुम्हारे सामने यहां पे ये चीज लिखी हुई थी इसी को किस तरीके से लिखा जा सकता है फाइव साइन उमेगा टी कितना आगे आया कितना आगे आया त्रेपन डिग्री तो प्लस त्रेपन डिग्री ये देखो इतने सारे करंट आपस में ऐड हो रहे थे उसको क्या मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो तुम्हें पता है कि इसकी अगर आर वैल्यू लिखना चाह रहे हो भाई क्या आर वैल्यू लिखना चाह रहे हो क्या फाइव बाई लिख दोगे मेरे भाई भाई जल्दी से बताओ अगर ये मेथड तुम लोगों को समझ में नहीं आया हो तो दोबारा एक्सप्लेन करूंगा लेकिन यही समझना है पूरे एसी सर्किट में यही चलेगा मुद्दे की बात समझने की कोशिश करना हम जब पीक वैल्यूज को एड करते हैं तो वैक्टर मैथड लगाते हैं लिखो कॉपी में लिखो इस बात को जब हम पीक वैल्यूज को एड करते हैं तो वैक्टर एडिशन मैथड लगाते हैं ठीक है भाई <coughs> सभी को समझ में आई ये बात बहुत बढ़िया पीक वैल्यू है पांच लेकिन आरएमएस वैल्यू होगी फाइव बाई रूट टू जिन लोगों ने एस पढ़ा हुआ है उन लोगों को तो यह बात वैसे भी क्लियर होगी जिन लोगों ने एस पढ़ा हुआ है डेफिनेटली उनको ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे तो एक स्टेटमेंट लिख लेना फटाफट से देखना मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा यहां से असली टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है पहले वाले करंट की आई वन की सुनना ध्यान से सुनना निगाहें स्क्रीन पर रखना आई वन की अगर मैं पीक वैल्यू के बारे में पूछू थोड़ा सा थिकनेस कम कर लेते हैं हाँ, आई वन की पीक वैल्यू के बारे में पूछू पीक वैल्यू को मैं आई नॉट लिख देता हूँ वो कितनी थी थ्री और I2 की पीक वैल्यू के बारे में पूछूं तो वो कितनी थी फोर तो एक बात बताना जब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं I तो I की पीक वैल्यू को क्या मैं थ्री प्लस फोर लिख सकता हूं क्या नहीं लिख सकता ये बिल्कुल गलत है क्या यह गलत है या सही है एकदम गलत है कभी भी आपको स्केलर एडिशन नहीं लगाना क्योंकि यह दोनों करंट सेम फेज में है या अलग अलग फेज में है इन दोनों का फेज सेम है या अलग अलग है अलग अलग फेज है तो कभी भी आपसे इस तरीके के सवाल पूछे जाएं तो कभी भी ऐसे ऐड मत करना पीक वैल्यूज को जब भी ऐड किया जाएगा तो हमेशा वेक्टर एडिशन लगेगा तो देखना इंटरेस्टिंग बात लोगों को यह नहीं पता होता मैं यहां पर अगर आई की पीक वैल्यू लिख रहा हूं तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता ये सही है या गलत है ये सही है गलत है ये गलत है लेकिन ये सही है कुछ लोगों को इन दोनों में डिफरेंस ही नहीं पता होगा कुछ लोगों को इन दोनों में डिफरेंस ही नहीं पता होगा बताना ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन में क्या डिफरेंस है नीचे मैंने यहां पर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को ऐड किया है मतलब जब हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को ऐड करते हैं तो स्केलर एडिशन लगा सकते हैं कोई समस्या नहीं लेकिन पीक वैल्यूज में ये वाला मेथड नहीं लगेगा यहां पर हमें पीक वैल्यूज को ऐड करना है तो वहां पर हमें वेक्टर मेथड लगाना पड़ेगा क्या समझ में आया भाई कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है ये मतलब नहीं कर सकते, लेकिन आप इंस्टेंटेनिस को सकते। मेरा कहने का मतलब क्या है भाई ये सिचुएशन समझ पा रहे हो ये माहौल किस तरीके का क्रिएट कर रही है जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने आप लोगों ने केसीएल पढ़ा है क्या मान लो यहां से एक सर्किट है भैया करंट आ रहा है आई वन और यहां से करंट आ रहा है I2 I1 और I2 की वैल्यू आपको दी हुई है आई की वैल्यू कितनी दी हुई थी फोर कॉस उमेगा टी और आई की वैल्यू आपको क्या दी हुई थी फाइव सॉरी कितनी थी भाई थ्री हां भैया बिल्कुल बिल्कुल थ्री साइन ओमेगा टी तो आपसे पूछा जाए इस तरफ कितना करंट जाएगा तो मैं बोलूंगा इस तरफ जाने वाला करंट आई वन प्लस आई टू होगा बिल्कुल सही बात है लेकिन ये आई, वन और आई टू इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं क्लियर है क्योंकि ये डायरेक्टली क्यों ऐड नहीं कर पा रहे क्योंकि दोनों सेम फेज में नहीं है दोनों करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को एक साथ अचीव नहीं करेंगे दूसरे वाले करंट को देखो जरा आई टू को देखो आई टू जो है वो पाई बाई टू आगे भाग रहा है देख रहे हो उसका फेज आई वन से पाई बाई टू आगे है इसका मतलब दोनों सेम वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू एक साथ अचीव नहीं करेंगे ठीक है भाई सेट समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस तो यही कहानी तुम्हें समझनी है सवालों से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा बहुत बढ़िया आनंद आ गया अगला सवाल मैं चाहूंगा आप लोग इस सवाल को सॉल्व करें मान लो तीन तीन करंट जा रहे हैं। ये वाला करंट तुम्हारे सामने जो दिख रहा है ये आई वन है ये वाला जो करंट दिख रहा है ये आई टू है और ये वाला करंट जो दिख रहा है वो आई थ्री है मान लीजिए यहाँ पे तुम्हारे पास बैठे तीन वायर है एक वायर से करंट आई वन आ रहा है एक से आई टू आ रहा है एक से आई थ्री आ रहा है तीन वायर से आई वन आई टू आई थ्री करंट आ रहा है और यहां पे जाने वाला जो करंट है वो आई है मुझे उम्मीद है आपने के तो पढ़ी है तो आप ये तो समझ पा रहे होंगे आई बराबर हम यहां पे आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री लिख सकते हैं लेकिन एक बात बताना जो इस वाले वायर में करंट जा रहा है अगर मैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ लू जिसको वेक्टर एडिशन आता है उसके लिए दो कौड़ी का सवाल है बिना पेन चलाए आंसर निकाल सकता है क्या भाईयो निकाल चुके हो बहुत बढ़िया राहुल भैया बता चुके हैं प्रखर मेहता साहब भी बता चुके हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे नाइस क्या करना है सीधे सीधे वैक्टर ड्रॉ कर दिए जाए पहला वैक्टर आई वन का वेक्टर, सीधे -सीधे चार। और आप देख पा रहे हैं इसका फेज कितना है तो तो इसको बना दो एक्सिस के दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आएगा लेकिन इसका फेज पाई है इसका फेज अगर पाई है तो क्या पलट के बना दें भाई ये रहा वन तीसरे वाले को देखो गलती मत करना ये कॉस का फंक्शन लिखा हुआ है कॉज का फंक्शन लिखा हुआ है तो फेज जीरो होगा क्या नहीं तुम्हें पता है मेरे भाई इसको ऐसे लिखोगे ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, इसका फेस पाई इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है का समझ में आ रहा है चार इधर एक इधर तो फोर माइनस वन ये तुम्हारा थ्री हो जाएगा तो ये हो गया तुम्हारा थ्री ये है तुम्हारा फोर रिजल्टेंट मेरे हिसाब से वही आ गया सेम क्वेश्चन बन गया फाइव और ये एंगल अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू आ गई त्रेपन डिग्री तो जल्दी से बताना ये जब आई लिखोगे आई तो आई की वैल्यू क्या लिखने वाले हो फाइव साइन उमेगा टी क्या ये लिखने वाले हो भाई प्लस त्रेपन डिग्री लेकिन तुमसे सवाल में क्या पूछा गया है आर वैल्यू पूछा गया मतलब इस करंट की पीक वैल्यू तो पांच है पीक वैल्यू तो पांच है लेकिन आर वैल्यू अगर पूछा गया है तो क्या सीधे सीधे बेटा फाइव बाई रूट आ गया कितना समय लगा तुम्हें सॉल्व करने में मुझे जल्दी से बता दो जल्दी बताओ आप यहां पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे ये वेक्टर एडिशन है और जब हम वेक्टर एडिशन कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं पीक वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं किनको ऐड कर रहे हैं पीक वैल्यूज को क्या इस तरीके से करेंट को ऐड कर पाओगे ऐसा हमें क्यों करना पड़ रहा है ऐसा हम पहले तो नहीं किया करते थे जब डीसी सर्किट पढ़ते थे तो हम कहते थे यहां से आने वाला करंट वन यहां से आने वाला टू यहां से आने वाला थ्री तो यहां सीधे लिख देते थे क्योंकि वहां पर करंट एक तो चेंज नहीं होता था कांस्टेंट था यहां पर करंट चेंज भी हो रहा है और आई वन आई टू और आई थ्री क्या ये तीनों करंट सेम फेज में अलग अलग फेज में है अलग अलग फेज में, में है क्या भाई वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है पक्का देखो ये वाली इक्वेशन एकदम करेक्ट है ये वाली इक्वेशन एकदम करेक्ट है लेकिन अगर कल कोई मेरे सामने ये इक्वेशन लिख देता आई नॉट बराबर आई वन नॉट प्लस आई टू नॉट प्लस आई थ्री नॉट क्या ये वाली इक्वेशन करेक्ट है क्या ये गलत है तुम खुद चेक कर लो पहले वाले करंट की पीक वैल्यू चार दूसरे वाले करंट की पीक वैल्यू वन तीसरे वाले की पीक वैल्यू चार तो ये तो तुम्हारा नाइन आ रहा है लेकिन मेरा तो आंसर फाइव आ रहा है ये सही है गलत है लिख करके काट लेना मैं लिख क्यों रहा हूं जिससे तुम्हें जीवन भर याद रहे अभी तो इंसान गलतियां करता है और उन गलतियों को लिख लेता है ना तो उसको गलतियों का एहसास होता है और जो लोग गलतियां करते ही नहीं है या गलतियां करके लिखते ही नहीं है वो बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं मेरे भाई तो ये गलती करो मैं चाहता हूं और उसके बाद काटो जिससे कल कभी एसी सर्किट का रिवीजन करो और आर वाई सर की एक क्लास याद आए तो इसको देख करके कुछ वो पल याद आ जाए कि सर यहां क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे ये सही है एकदम लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि पीक वैल्यूज को ऐड नहीं कर सकते लेकिन इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को ऐड कर सकते हो क्लियर है मेरी बात बहुत मुद्दे की बात बता रहा हूं एक एक पॉइंट ध्यान से समझते चले जाना मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी ये देखो वाशने चौधरी। वाशने चौधरी स्केलर एडिशन हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज में करते हैं पीक वैल्यूज में हम स्केलर एडिशन नहीं करते पीक वैल्यूज में हम वेक्टर एडिशन करते हैं चौधरी साहब थोड़ा सा निगाहें स्क्रीन पर रखो क्लियर है क्लियर है बहुत बढ़िया तो आगे बढ़ता हूं। अब मैं यहां पे सीधे सर्किट पे आता हूं काम की बातें पहले करूंगा अब मैं सबसे पहले यहां पे बात करूंगा बेटा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स की प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का मतलब है कि आपके पास ये एसी सोर्स है और इस

रेफरेंस लेते हुए आगे बढ़ता हूँ किताबों को अगर आप देखोगे कहीं और आप हो सकता है पढ़े हो तो आपने देखा होगा कि वो वोल्टेज को रेफरेंस लेते हुए आगे बढ़ते हैं लेकिन मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है मुझे करंट से समझाने में और स्टूडेंट्स को करंट से क्वेश्चन को डील करने में थोड़ी सी आसानी होती है इसलिए मैं करंट को रेफरेंस लेते हुए आगे बढ़ता हूँ तो जैसे कि अपन ने यहाँ पे करंट को रेफरेंस ले लिया एक बात बताना क्या तुम इस सर्किट में केवीएल लगा सकते हो मुझे उम्मीद है कि केवीएल लगाना आपको आता होगा इस सर्किट में अगर केवीएल लगाते हो तो जब इसको क्रॉस करोगे तो वी और रजिस्टेंस को क्रॉस करोगे तो आई आर तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ वी माइनस आई आर के वी लगा दिया इसको कर दिया क्या जीरो यहां से आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे वी बराबर आ गया आई आर और आई की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है तो इसको लिख सकते हैं आई नॉट आर साइन ओमेगा टी ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी इसको लिखा जा सकता है वी नॉट साइन ओमेगा टी मेरे को एक बात बताना फटाफट से जरा देख करके ये रहा करंट ये रहा और ये रहा वोल्टेज क्या करंट और वोल्टेज दोनों का फेज सेम आ रहा है अगर प्योरली रजिस्टिव सर्किट है तो उस केस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में रहते हैं दोनों सेम फेज में होने का मतलब क्या होता है दोनों सेम फेज में होने का मतलब है कि करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ अपनी पीक वैल्यू को अचीव करते हैं एक बात और सुन लेना ध्यान से मुद्दे की बात यहां पर जो मैं पीक वैल्यू लिख रहा हूं वी नॉट यहां पर जो मैं पीक वैल्यू लिख रहा हूं वी नॉट क्या इस v नॉट की वैल्यू को मैं आई नॉट इन टू लिख सकता हूँ पीक वैल्यू को v नॉट और अगर इसी को दोनों तरफ रूट टू से डिवाइड मार दो तो शायद तुम्हें समझ में आ रहा होगा देखना पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये कि मैं यहां पे v आर एम एस को ऐसे भी लिख सकता हूं कि आई आर एम एस आर या फिर आप यहाँ पे ये समझ पा रहे होंगे कि जो रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है उसे आप ऐसे लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन आई नॉट बराबर आर और यहां पर हम कह सकते हैं कि वी एंड आई वी एंड आई आर ऑलवेज इन अ सेम फेज क्या मेरे भाई बंधु ये बात आपको समझ में आ रही है मतलब अगर आपके पास सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो इसका मतलब V और I हमेशा सेम फेज में होंगे सेम फेज में होने का मतलब है जब करंट अपनी पीक वैल्यू को अचीव करेगा उसी समय वोल्टेज भी अपनी पीक वैल्यू को अचीव करेगा जैसे कि इसको ग्राफिकली देखते हैं इस ग्राफ को हटा देते हैं मैं नया ग्राफ बनाऊंगा जैसे कि देखना ध्यान से मान लो मैं यहां पे करंट का ग्राफ बनाता हूं करंट आपका सान्य सोडियली वेरी कर रहा था इस तरीके से हाँ ये करंट है करंट की पीक वैल्यू है आई नॉट जब तुम यहाँ पे वोल्टेज का ग्राफ बनाओगे ना वोल्टेज का तो सुनना ध्यान से वोल्टेज का कैसे बनेगा वोल्टेज भी सेम फेज में ही चलेगा दोनों साथ साथ दौड़ रहे हैं ऐसे समझ लो मतलब यह समझ लो कि करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ दौड़ रहे हैं एक साथ दौड़ रहे हैं मतलब दोनों अपनी मैक्सिमा को एक साथ अचीव करते हैं मिनिमा को एक साथ अचीव करते हैं ये वो वाली कहानी है मतलब जब तुम यहां पर वी वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसका ग्राफ कैसे बनने वाला है उसका ग्राफ ऐसे बनेगा ये देखना अभी बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं ये बेसिक एक बार क्लियर हो गया ना इसके बाद पूरे एसी सर्किट में कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है हलवा है हलवा मुझे जल्दी से बताना इसकी जो पीक वैल्यू तुम्हें दिखाई दे रही है पीक वैल्यू उस पीक वैल्यू को क्या तुम करेंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस लिख सकते हो दैट इज वी नॉट यहां तक कितने लोगों को नहीं समझ में आया जल्दी से बताओ फटाफट जिनको समझ में आ गया वन टाइप करें जिनको समझ में नहीं आया टू टाइप करें भाई फटाफट दोनों का ही साइन कर बनेगा एक जैसा बनेगा भाई देख करके बताओ एक मिनट भैया चार्जर लगा ले भाई प्रखर मेहता शिवम ये लोग तो वन टाइप कर रहे हैं कौन है भैया कौन है जिसको नहीं समझ में आया जरा बताए तो सही देखें तो सही बहुत बढ़िया तो एक बार बताओ क्या मैं कह सकता हूं करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में एक साथ चलेंगे भैया और दोनों का फेज सेम होगा दोनों का फेज क्या होगा सेम होगा मतलब तुम्हें यहाँ पे एक और बात समझ में आ गई होगी कि अगर मैं फेजर डायग्राम बनाना चाहूं क्या बनाना फेजर डायग्राम फेजर डायग्राम क्या वही वेक्टर डायग्राम तो मैं अगर यहाँ पे करंट का फेजर बनाता हूं देखना ध्यान से जे देखो नाम देखो सोनी क्या लिख रहे हैं सोनू की टी की भैया इतना कॉम्प्लेक्स अभी जाकर के साला तैयारी वैयारी कर लो तुम भैया तुम इतने बढ़िया बढ़िया नाम रख करके लाते हो साला पंडित बनोगे तुम एक दिन जा करके जब बच्चों जब घर में बच्चे पैदा हुआ करेंगे वहां जा कर के तुम नामकरण करोगे अगर यही हरकतें रही तुम्हारी तो ठीक है तो जरा देखिएगा ध्यान से यहां पे अगर मैं करेंट का फेजर बनाता हूं तो करंट की पीक वैल्यू बनाया ये रहा ये रहा करेंट का फेजर जब मैं वोल्टेज का फेजर बनाऊंगा तो वोल्टेज का फेजर भी इसी लाइन के अलोंग बनेगा मेरे भाई अरे ये तो छिप गया भाई वोल्टेज का फेजर भी इसी लाइन के अलॉन्ग ही बनेगा दोनों एक साथ चलेंगे दोनों एक साथ चलेंगे मेरे भाई दोनों का एंगुलर उमेगा सेम होगा दोनों एक साथ चलेंगे क्या ये बात समझ में आ रही है क्लियर क्लियर <coughs> देवांश बेटा पढ़ाई पे फोकस करो हम बता रहे हैं तुम्हें <coughs> ये तो मार पड़ेगी चलिए बहुत बढ़िया मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी क्या ये बात समझ में आ गई है कि पीक वैल्यू बराबर पीक वैल्यू ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस वी करेंट इंटू रजिस्टेंस बराबर अब हम बात करेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट्स की प्योरली इंडक्टिव सर्किट भैया इंडक्टर कहा होता है क्या इंडक्टर याद आ रहा है जो करंट के चेंज का अपोज करता है जो करता है ना भाई ना हमसे करंट को चेंज मत करो अगर तुमने हमसे करंट को चेंज करने की कोशिश करी तो हम इसका पोजिशन करेंगे तो यहां पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे आपके सामने प्योरली इंडक्टिव सर्किट है मतलब एक एसी सोर्स के साथ आपने सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर को कनेक्ट किया और किसी को कनेक्ट नहीं किया और अब मैं देखना चाहता हूं कि अगर इस सर्किट में करंट ये है तो वोल्टेज क्या आएगा अगर करंट ये है तो वोल्टेज क्या आएगा क्या भाई आपको केविय लगाना आता है अगर आप केविय लगाएंगे और इस सर्किट में इस तरीके से चलेंगे तो आप यहां पर लिखेंगे वी माइनस एल इंटू डी आई उसको तो जीरो लिखेंगे अच्छा एक बात बताना आई की वैल्यू ये दी हुई है तो क्या हम यहाँ पे डी आई बाई डी कैलकुलेट कर ले डी आई बाई डी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे कितनी आएगी आई नॉट उमेगा कॉस उमेगा टी कॉस वाला फंक्शन हमें पसंद नहीं होता तो तुम समझ पा रहे हो इसी को लिख सकते हैं आई नॉट उमेगा साइन उमेगा टी प्लस पाई बाई टू अरे या सोनो जरा ऑब्जर्व करिएगा यहां पर आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे वी बराबर क्या मैं एल इंटू डी आई बाई डी टी लिख सकता हूँ यहां से डी आई वाई डी टी की वैल्यू अगर मैं यहां सब्सिट्यूट कर दू तो यहां पर ये यह एक्सप्रेशन बन रहा है आई नॉट इंटू ये तुम्हारे सामने वोल्टेज का फंक्शन निकल करके आ रहा है मेरे भाई क्या आ रहा है जरा ऑब्जर्व करिएगा यहां पर इस वी की वैल्यू को इस तरीके से भी लिख सकते हो वी नॉट साइन उमेगा टी प्लस पाई बाई टू ऑब्जर्व करना निगाहें स्क्रीन पर क्या इस बार करंट जो है वो वोल्टेज का साथ दे रहा है क्या क्या इस समय जो करंट का फेज है और जो वोल्टेज का फेज है क्या वो सेम आ रहा है क्या कौन आगे भाग रहा है जरा ऑब्जर्व करिए यहाँ पे जो वोल्टेज है उसका फेज करंट के फेज से पाई बाई टू आगे चल रहा है मतलब तुम समझ रहे हो यहां पर वोल्टेज लीड कर रहा है ये लीड का और लेक का मतलब समझ में आता है देखो तो लीड का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि एक भाई साहब हैं जो आगे भागने का प्रयास कर रहे हैं जैसे हम यहाँ पे अभी भैया बेसिक बेसिक चीजें बता रहे हैं और एक भाई साहब आकर के सर आपने आर सर्किट नहीं पढ़ाया सर आपने ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ाया समझ रहे हो हमसे आगे चल रहे हैं भागे जा रहे हैं दैट इज लीड और लेक का मतलब लेक का मतलब भैया अभी पीछे ही अटके हुए हैं यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो वो भैया लेक कर रहे हैं मतलब मुद्दे की बात यह है कि यहां पर करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में नहीं होते और आप ऑब्जर्व करिएगा यहां पे जब आप पीक वैल्यू को देख रहे हैं तो आप कंपेयर करिए यहां पे पिछले वाले सवाल में आई इंटू आर आया था लेकिन उस आर की जगह यहां ओमेगा एल आ रहा है इस ओमेगा एल के जो डायमेंशन है ना वो डायमेंशन रेजिस्टेंस वाले ही होते हैं और पता है इसका नाम हमने क्या रख दिया एक्स इस एक्सएल को पता है क्या बोला जाता है ये एक्सेल है तुम्हारा इंडक्टिव रिएक्टेंस और इसकी वैल्यू क्या होती है ओमेगा एल मतलब आप ये कह सकते हो कि इंडक्टर के अक्रॉस जो पीक वैल्यू है वो अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो करंट की पीक वैल्यू को एक्सेल से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है भाई और साथ ही साथ यहां पे ये बोलोगे कि वोल्टेज लैग कर रहा है सॉरी कौन लीड कर रहा है पहला पॉइंट ये अगला पॉइंट क्या लिखोगे वी लीड्स आई कौन आगे चलता है वी या आई वी आगे चलता है वी लीड्स आई बाई पाई बाई टू वोल्टेज करंट से पाई बाई टू आगे भागता है या इसी बात को ऐसे बोल सकते हैं करंट जो है वो वोल्टेज से पाई बाई टू लैग करता है जैसे तुम यहाँ पे एक बात समझ पा रहे हो अभी थोड़ी देर में और चीजें कनेक्ट कर पाओगे जैसे यहां पे ग्राफ देखना देखो करंट का ग्राफ तो वही बनेगा सेम क्योंकि करंट की इक्वेशन तो अपन ने चेंज ही नहीं करी है करंट की इक्वेशन क्या थी आई नॉट साइन उमेगा टी। क्या सभी को याद है भाई लेकिन तुम्हारे सामने अभी वोल्टेज की इक्वेशन देखी तो वोल्टेज यहां पे पाई बाई टू आगे चल रहा है तो अगर तुम वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो बताओ कैसा बनेगा इस समय वोल्टेज का ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और ये ऐसे चलेगा नहीं चमका मेरे भाई यहां पे जो वोल्टेज है वो करंट से पाई बाई टू आगे भाग रहा है और अगर तुम इसके फेजर की बात करते हो ना फेजर की बात तो मैं यहां पर ये कहूंगा कि अगर मैं यहां पर यहां करंट और वोल्टेज दोनों एक दूसरे का साथ नहीं देते यहां पर अगर ये करंट है तो जब तुम वोल्टेज बनाओगे इंडक्टर के अक्रॉस तो वो यहां से पाई बायू आगे बनेगा yes or no. मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट का साथ नहीं दे रहा मतलब इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हैं अगर मैंने यहां पे करंट का ये फेजर बनाया तो वोल्टेज का फेजर क्या यहां से पाई बाय टू आगे की तरफ बनेगा मेरे भाई नहीं आई मेरी बात समझ देख लो आराम से देख लो समझ लो मुद्दे की बात ये याद कर लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल यहां से काफी पूछे जाते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ओमेगा एल जल्दी से बताना क्या ये ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है कर रहा है अगर तुम यहाँ पे एक्सेल और ओमेगा का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा बनेगा सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि एक्सेल का वेरिएशन प्लॉट करो ओमेगा के साथ मतलब मैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रहा हूं और एक्सेल और ओमेगा का ग्राफ पूछ रहा हूं क्या तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है दिस ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन लीनियरली इंक्रीज करेगा जैसे जैसे ओमेगा बढ़ता चला जाएगा क्या एक्सेल बढ़ता चला जाएगा यस और नो और अगर ये एंगल अल्फा हुआ तो जल्दी से बताना क्या यहां पे इसका जो स्लोप है टेन अल्फा क्या वो तुम्हें एल देगा कि नहीं देगा कंफ्यूज मत हो जाना इसका नाम है रिएक्टेंस और इंडक्टर का है इसलिए आगे लगा दिया इंडक्टिव रिएक्टेंस और इसकी वैल्यू है उमेगा इंटू एल के बराबर ठीक है भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आर्यन भैया समझ आ रहा है एल होता है इंडक्टेंस और एक्सएल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्या भाई ये फेजर समझ आ गया कौन किसको लैक करेगा कौन किसको लीड करेगा क्या ये वाली बातें क्लियर होगी देखो मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूं जैसे पहली बार पढ़ा रहा हूं मुझे मालूम है अपने भाई लोगों के कॉन्सेप्ट हेले हुए हैं इसलिए नाम भले वन शॉट हो लेकिन हर चीज को डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर कर रहा हूं जिससे जो भाई लोग आज का सेशन अटेंड रहे हैं उनका फायदा होना चाहिए ये नहीं कि सेशन अटेंड कर लिया सवाल बन नहीं रहे क्या मतलब है जीवन के दो घंटे वेस्ट भी हो गए और सवाल भी ना बने इसलिए भले आधा घंटा ज्यादा लग जाए लेकिन ऐसा होना चाहिए आज के सेशन अटेंड करने के बाद ए सी का सवाल सामने आए तो देखते ही एकदम फायर कर दें भाई ठीक है भाई बहुत बढ़िया यहाँ पे शर्मा साहब ने एक बात और बताई है तो मैं यहाँ पे उन चीजों की भी चर्चा कर ही लेता हूँ जैसे कि आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जब आप पीक वैल्यू की बात करते हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे आई नॉट इन टू एक्स या फिर मैं कह सकता हूं अगर आप एक्सएल लिखना चाह रहे हो एक्स तो उस एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो पीक वैल्यू अपॉन दिस पीक वैल्यू और इसी वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो ये इसका वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस ये दोनों एक्सप्रेशन सही है लेकिन क्या मैं एक्सेल को ऐसे लिख सकता हूं क्या सिंपली वी अपॉन आई इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है क्या ये तीसरा वाला सही है क्या आप V अपॉन आई नहीं लिख सकते क्योंकि देखिए V और I को जब डिवाइड करेंगे तो दोनों का फेज सेम नहीं है करंट का फेज और इसका फेज सेम नहीं है तो तीसरी वाली इक्वेशन आज तुम्हारी गलत हो जाएगी ये वाली इक्वेशन गलत है आज आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते।, के केस में कर सकते थे क्योंकि के केस में तुम्हें समझ में आ रहा था, कि दोनों ही में टी आ रहा था। तो वो कैंसिल आउट हो जाता लेकिन यहां पर एक में उमेगा टी प्लस आ रहा है और एक में ओमेगा टी आ रहा है तो तीसरी वाली यहां गलत हो जाएगी क्लियर तो देख लेना भैया कौन कौन सा सही है पीक वैल्यूज का रेशियो निकालो कोई दिक्कत नहीं है RMS वैल्यूज का रेशियो निकालो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन तुमने यहां पे अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का रेशियो निकाला तो ये एकदम गलत है सुन लो ध्यान से कान खोल करके टोपा उतार के बैठो मेरी आवाज कानों तक जानी चाहिए भैया भैया आगे बढ़े क्या

और इसकी वैल्यू क्या i नॉट sin ओमेगा t लिखी जा सकती है क्या यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा है dq बराबर i नॉट sin ओमेगा t dt लिख सकते हैं क्या इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दें इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा q नॉट बाय ओमेगा cos ओमेगा t प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेकिन हम प्योर एसी सर्किट्स की बात कर रहे हैं तो ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जीरो से तुम्हारे पास क्यू की वैल्यू आ गई एक काम करो इस क्यू की वैल्यू को उठा के कर दो जरा निगाहें स्क्रीन पर रखना थोड़ा सा फास्ट करूंगा समझने की कोशिश करना कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए इंटरनेट कनेक्शन हमारे और आपके बीच में बीक नहीं होना चाहिए जियो के नेटवर्क से भी स्ट्रांग नेटवर्क रहना चाहिए देखिएगा ध्यान से v बराबर क्यू बटे सी क्या q की वैल्यू ये दी हुई है c से डिवाइड कर दूं यस और नो तो यहां पे बनेगा आई नॉट अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी मुझे लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी हाँ बिल्कुल गड़बड़ कर दी है साइन का इंटीग्रेशन जो होता है वो कॉस ओमेगा टी नहीं होता वो माइनस के कॉस ओमेगा टी होता है यस और नो तो यहाँ पे माइनस लगाना मत भूल जाइएगा माइनस जरूर लगाइएगा तो यहां पे हम कह सकते हैं एक माइनस साइन और आएगा और अगर इस माइनस साइन को अंदर ले जाए और इसको साइन के टर्म में कन्वर्ट करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई नॉट इंटू एक्सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू यहां पे तुम ऑब्जर्व करना मैंने वन अपॉन ओमेगा सी को सी लिख दिया है मतलब हम यहां पर ये यह कह सकते हैं सी बराबर होता है वन अपॉन ओमेगा सी के जल्दी बताओ क्या मैं इसको क्या बोलूं इसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या बोलेंगे इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस जैसे वहां इंडक्टिव बोलते थे उसी तरीके से इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे ये इसकी पीक वैल्यू लिखी हुई है मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू मुझे जल्दी से देख करके बताओ कि यहां से तुम्हें क्या क्या चीजें क्लिक कर रही हैं क्या इस बार जो तुम्हारा वोल्टेज निकल करके आया है और जो करंट निकल करके आया है क्या दोनों का फेज सेम है क्या इसका फेज करंट के फेज में देखो ओमेगा टी था लेकिन वोल्टेज के फेज में ओमेगा टी प्लस या माइनस माइनस आ रहा है मतलब यहां पे वोल्टेज करंट से आगे भाग रहा है या पीछे भाग रहा है लैग कर रहा है ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी कहानी है जैसे तुम्हारा होमवर्क हमेशा लैग ही करता रहता है जब मास्टर तुम्हें काइनामेटिक्स पढ़ा रहा होता है तुम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे होते हो क्या ये कहानी बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रही है क्या यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है कि जो वोल्टेज है वो करंट से पाई बाय टू लैग कर रहा है उल्टा हो गया है जो इंडक्टर में हुआ था उसका पलट हो गया है यहां पर यहां पर अपन लोग कह सकते हैं भाई जो वी है वी लैग करंट वी लैग आई बाय पाई बाई टू यस और नो या इसी बात को एक और तरीका है बोलने का कि करंट जो है आई वो करता है लीड बाय पाई बाई टू यहां पर भी करंट और वोल्टेज एक दूसरे को धोखा दे चुके हैं लेकिन इस बार कौन आगे चल रहा है अगर करंट यहां पर है तो वोल्टेज इससे आगे है या पीछे है यहां पे वोल्टेज बेटा पीछे है और कितना एंगल पीछे है पाई क्या मेरी बात समझ आ रही है अरे हाँ या ना मेरे भाई क्या करंट और वोल्टेज सेम फेज में है या आउट ऑफ फेज है जल्दी से बताइए आउट ऑफ फेज है कौन आगे भाग रहा है करंट आगे भाग रहा है देखो करंट का ग्राफ अगर ये बनेगा तो जल्दी से बताना यहां पे वोल्टेज का ग्राफ क्या बनाओगे यहां पे वोल्टेज का कॉस बनेगा लेकिन ऊपर से बनेगा या नीचे से बनेगा नीचे से बनेगा मेरे भाई क्या सही बना रहा हूं क्या चेक करो चेक करो भाई कहीं कुछ गड़बड़ होगी क्या इस तरीके से चलेगा भाई ये देखना भाई ग्राफ सही बनाए क्या यहां पर आपका ये इस तरीके से बनेगा अगर तुम इसका फेजर बनाना चाहोगे तो एक बात बताना अगर तुम करंट का फेजर बनाते हो किसका फेजर करंट का फेजर तो तुम कहोगे कि करंट का फेजर अगर ये है तो यहाँ पे वोल्टेज का फेजर आगे होगा या पीछे होगा मेरे भाई जल्दी बताओ क्या पाई पाए बायट पीछे होगा क्या पाई बाय टू पीछे होगा या नहीं होगा यहाँ कौन आगे भाग रहा है करंट आगे भाग रहा है क्यों भाई अक्षत वर्मा ये बिल्कुल वर्मा जैसी कहानी है वर्मा भाई साहब एकदम पीछे ही चल रहे हैं करंट आगे भाग रहा है और वोल्टेज पीछे भाग रहा है कितना पीछे भाग रहा है पाई बाई टू पीछे भाग रहा है क्यों वर्मा जी समझ में आया मुद्दे की बात सुनिएगा क्या मैं यहां पर यह बोल सकता हूं जो XC है वो बराबर पीक वैल्यू अपॉन करंट की पीक वैल्यू ये सही है ऊपर और नीचे दोनों को रूट टू से डिवाइड कर दो तो क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस क्या ये भी सही है क्या यस और नो लेकिन क्या मैं यहां पर यह लिख सकता हूं क्या इंस्टेंटेनियस वैल्यू अपॉन करंट वैल्यू कौन सा सही है कौन सा गलत है जल्दी बताओ क्या तीसरा वाला गलत है क्या बिल्कुल गलत है तीसरा वाला क्यों गलत है क्योंकि आज यहां पे भी वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में नहीं है क्या भाई यो ये तीनों कंक्लूजन समझ में आ गए कौन कहां पे आगे भाग रहा है कौन कहां पीछे भाग रहा है क्या ये सारी चीजें क्लियर है अच्छा एक और बात बताइएगा अगर मैं यहां पर आप लोगों से ये पूछू कि एक्सी का ग्राफ बनाना है उमेगा के साथ जरा ऑब्जर्व करिएगा एक्सी का उमेगा के साथ इस बार ग्राफ कैसा बनेगा पैराबोला हाइपरबोला या स्ट्रेट लाइन पैराबोला हाइपरबोला या स्ट्रेट लाइन जल्दी बताना बहुत बढ़िया आनंद का अनुभव हो रहा है एक अलग ही अनुभव है ये तो, इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता ये कौन है भाई कौन है सब लोग हाइपर बोल रहे हैं क्या बात कर रहे है? माथुर साहब ने भी हाइपर बोल दिया इतना पढ़ रहे हो बे तुम लोग विश्वास नहीं हो रहा भे सबका आंसर हाइपर बोला आ रहा है क्या बात है भाई तुम लोग यार वाकई में मतलब पढ़ बढ़ रहे हो इसका मतलब बोला बनेगा मतलब हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे हम उमेगा को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारी एक्सी की वैल्यू कम होती जाएगी तो मैं यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि लो फ्रिक्वेंसी पर एक्सी डोमिनेट करेगा जितना उमेगा कम होगा एक्सी उतना ज्यादा होगा समझ लेना मैं अभी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं कैपेसिटिव रिएक्टेंस उतना ज्यादा होगा जितना उमेगा कम होगा और जब मैं एक्सेल की बात करूंगा तो एक्सेल डोमिनेट करता है हाई फ्रीक्वेंसी पर क्योंकि जितना हाई फ्रीक्वेंसी होगा एक्सेल उतना ज्यादा होगा अगर कल कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस इन दोनों का आपस में मुकाबला करा दिया जाए तो मैं समझ में आ रहा है ये कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस बिल्कुल ऐसे हैं जैसे घर में छोटा भाई और बड़ा भाई होता है जो हमेशा एक दूसरे के एंटी ही रहते हैं या ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन जैसा घर में होता है भाई ने जो बोल दिया बहन उसका उल्टा ही करेगी पर भाई इंडक्टर ने बोला कि हम हम करंट करंट से से आगे आगे चलेंगे। आगे चलेंगे। तो कैपेसिटेंस ने कहा अच्छा ये आगे चलेंगे हम भैया पीछे चलेंगे हम पाई बाय टू पीछे चलेंगे सुन रहे हो लेकिन एक ऐसा भी है इनमें से जो तुम्हारी माँ की तरह है वो कहेगा कि करंट जिस दिशा में जा रहा है हम उधर ही चलेंगे ना हम आगे जाएंगे ना हम पीछे जाएंगे मतलब यह बात तय हो चुकी है कि इंडक्टर और कैपेसिटर क्या एक दूसरे के एंटी है या नहीं है भाई इंडक्टर पाई बाय टू आगे चलेगा करंट से और कैपेसिटर पाई बाय टू पीछे चलेगा लेकिन रजिस्टर एक ऐसा है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्या वो करंट के सेम फेज में चलेगा क्या मेरे भाई ये, ये बातें आपको समझ में आ रही है क्या मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे हो तुम ये समझ लो कि एसी सर्किट का लगभग पूरा सार में एक्सप्लेन कर चुका सबसे सीधा कौन है इन तीनों में जल्दी बताओ रेजिस्टेंस कैपेसिटर और इंडक्टर में सबसे सीधा कौन है सीधा है बेचारा रेजिस्टर वो कह रहा है भैया करंट तुम जो कहोगे हम वही कर लेंगे तुम जो कहोगे जिस दिशा में तुम जाओगे हम उसी दिशा में जाएंगे लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर की कहानी तो कुछ और ही है भैया एक दूसरे के एंटी हुए जा रहे हैं जल्दी से बताना एक्सएल की वैल्यू क्या ओमेगा एल होगी एक्ससी की वैल्यू क्या वन अपॉन ओमेगा सी होगी अगर हमें कभी भी एक्सेल या एक्सी निकालना है तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन पीक वैल्यू ऑफ करंट करके क्या हम एक्ससी और एक्सएल निकाल सकते हैं बहुत बढ़िया मुझे उम्मीद है कि यहां तक मेरी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी आप सारी चीजों को आपस में कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको रेजिस्टेंस बनना है इंडक्टर बनना है या कैपेसिटर बनना है ठीक है भाई आगे अब हम ऐसे सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे जहां पर इन तीनों को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस भी हो कैपेसिटर भी हो और इंडक्टर भी हो उसकी चर्चा होगी मैंने अभी तक जितना सब कुछ पढ़ाया है वो सारा ओवरव्यू यहाँ लिखा हुआ है मैं चाहूंगा एक बार आप इस पर नजर मार लें आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं एक बार यहां पर नजर मार लें आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं देखिएगा यहां पर इन्होंने, इन्होंने यहां पर थोड़ा सा उल्टे तरीके से किया है इन्होंने वोल्टेज को रेफरेंस माना है कोई दिक्कत नहीं है अगर ये वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं तो रेजिस्टेंस में आपको पता है कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होंगे लेकिन जब हम इंडक्टर की बात करेंगे तो इंडक्टर में वोल्टेज आगे चलता है तो करंट पीछे चलेगा तो अगर यहां पे वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है तो आप समझ पा रहे होंगे कि करंट का जब आप फेज लिखेंगे तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे माइनस उमे पाई बाई टू लिखेंगे ठीक और उसी तरीके से कैपेसिटेंस में आप देख पा रहे हैं कैपेसिटेंस में करंट आगे भागता है तो आपने वोल्टेज का फेज अगर ये लिखा है तो करंट के फेज में आप यहां पे प्लस पाई बाई टू कर देंगे इसी के साथ आपको पीक करंट समझ में आ गया होगा वी नॉट अपॉन ये क्या लिखा हुआ है एक्सेल या शॉर्ट मूव नजर मार लो एक बार तुम्हें बस पता होना चाहिए ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं ठीक है और यहां पर इस तरीके से लिख देंगे क्लियर इंपिडेंस ये सोनू भैया तुम यहाँ पर इतनी देर से काहे स्पैम कर रहे हो है शरम नहीं आती तुम लोगों को जब तुम रात को चद्दर ओढ़ के सोने जाओगे तो तुम्हें शर्म आएगी अपने आप पर कि तुमने पूरे दिन क्या किया है तुमने एक भी जीवन में अच्छा काम नहीं किया है पढ़ पढ़ लो नहीं पढ़ना है तो कुछ और करो पंचर जोड़ो जा करके यहाँ काहे टाइम पास कर रहे हो ना तो पढ़ना होता है इन नालायकों को और ना पढ़ाने देते हैं पता नहीं क्या करने आते हैं ऐसे ही लोग आगे जाकर के टाइपराइटर बनते हैं नौकरी लगेगी टाइप राइटर की टाइप करते रहना बैठ करके और अभी आप यहाँ पे आके हैं हैं कर रहे हो ना ये मतलब बाद में पता चलेगा तुमको दो साल बाद ना नायक यहाँ पे पीक वैल्यू समझ में आ गई रेजिस्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस सारी चीजें मैं बता चुका हूँ फेज डिफरेंस ये तुम समझ लो ये पूरी कहानी जो अभी तक मैंने तुम्हें सुनाई है ये उसका सार लिखा हुआ है जीरो पाई बाई टू माइनस पाई बाय टू क्या ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं ना भाई चलिए आगे बढ़ते हैं फिर तैयार हो जल्दी बताओ तैयार हो कि नहीं देखिएगा ध्यान से आर एल सी सर्किट मैं देखो सीधे एक्सट्रीम सिचुएशन ले रहा हूं मैं थोड़ा सा सीक्वेंस अलग रख रहा हूं जैसे क्लास में क्या करते हैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं

आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो तीनों में करंट सेम होगा और मैंने शुरुआत से करंट को ही अपना रेफरेंस मानते हुए पूरा सॉल्व किया है तो अभी भी मैं करंट को रेफरेंस मानते हुए ही आगे की कहानी आपको बताना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे अपन लोग करंट को रेफरेंस लेते हुए आगे बढ़ेंगे जैसे मैं ये कहता हूँ इस रजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो वी आएगा इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो वीएल आएगा और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा कैपेसिटर के अक्रॉस वो वी आएगा ठीक है तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं जो भी सोर्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वो बराबर होगा वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी क्या ये मैंने सही लिखा है यहां पे अभी जो मैंने वैल्यू लिखी है वी आर वी एल और वी सी आप जरा ध्यान से गौर फरमाएगा ये सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है ये क्या है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है लेकिन अब देखो यार मैं वी आर लिखना चाहता हूं तो लिखना सीखना अगर ये लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे इसकी पीक वैल्यू जिसको मैंने बोला वी आर नॉट ठीक है आगे क्या लिखोगे साइन उमेगा टी मुझे एक बात बताना पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आता है उसका फेज और करंट का फेज क्या सेम होता है और अगर सेम होता है तो मुझे सिंपली यहां उमेगा टी ही लिखना चाहिए और मुझे पता है कि आपको यह पता है कि रेजिस्टेंस की पीक वैल्यू क्या होगी कुछ नहीं वोल्टेज लिख रहे हैं तो आई इंटू आ साइन उमेगा टी क्या ये सभी को लिखना आया कि नहीं आया बहुत बढ़िया अच्छा एक बात बताओ अगर तुमसे मैं बोलूं वी एल लिखो एल तो लिखने का तरीका यही होगा वीएल नॉट पीक वैल्यू आगे क्या लिखोगे साइन ओमेगा टी लेकिन इस बार आप जब इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट से पाई बाय टू फेज आगे होता है यहां पे इसका फेज टी था तो उसका जो फेज होगा वो पाई बाय टू आगे होगा तो क्या मुझे यहां प्लस पाई बाय टू करना चाहिए और आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आप पीक वैल्यू लिखोगे एक बात बताओ इंडक्टर के अक्रॉस जो पीक वैल्यू आएगी क्या मैं उस वैल्यू को आई नॉट इन एक्सएल लिख दूं और एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल लिख दूं तो किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है साइन ओमेगा टी प्लस फाय बाई टू ये बात क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं वी लिखिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर लिखिए तो मैं लिखूंगा इसकी पीक वैल्यू साइन मुझे जल्दी से बताइएगा यहां पे प्लस आएगा या माइनस आएगा यहां पर प्लस आएगा या माइनस आएगा कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और उसका फेज और करंट का फेज सेम रहता है डिफरेंट रहता है पीछे रहता है तो प्लस करूं या माइनस करूं या माइनस करूंगा क्या बात क्लियर है बहुत बढ़िया माइनस आएगा शानदार और इसी वैल्यू को मैं लिख सकता हूं आई नॉट इंटू एक्ससी लेकिन एक्ससी की वैल्यू कितनी थी ओमेगा सी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू मेरे भाइयों एक बात बताना जल्दी से क्या ये तीनों टर्म आपको लिखना आ गए मैंने पे पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख दिया लिखना बहुत आसान है जिसको करंट पता है वो आसानी से लिख सकता है रेजिस्टेंस करंट के साथ चलता है इसका फेज पाई बाय पाइप आगे चलता है और इसका फेज पाई बाय पीछे चलता है मुझे इन तीनों को ऐड करना है इन तीनों को ऐड करते हैं ठीक है भाई जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो मैं इनकी वैल्यूज को यहाँ पे सब्सिट्यूट करता हूँ तो देखना ध्यान से जब इनकी वैल्यूज को सब्सिट्यूट करूंगा तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे नॉट वाला टर्म सभी में कॉमन आ रहा है तो एक काम करते हैं इस नॉट वाले टर्म को बाहर निकाल लेते हैं और अंदर क्या लिखोगे आर साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा एल को एक्सएल लिख देता हूँ एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय पाइबेटू बहुत ध्यान से देखना अगले पंद्रह मिनट आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगले पंद्रह मिनट अगर आपने बहुत ध्यान से सुन लिया तो आप ये समझ लीजिए कि एसी सर्किट आपका खत्म हो चुका है इसलिए मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा और नोट करते भी जाइएगा प्लस यहां पे लिख दूंगा साइन ओमेगा टी माइनस आप लोग यहां पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहां पे तीन पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं लेकिन ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंस का फेज सेम है या अलग अलग है आप देख पा रहे होंगे तीनों का फेज अलग अलग है और थोड़ी देर पहले मैंने ऐसी चीजों को ऐड करने के लिए क्या आपको वेक्टर मेथड बताया था क्या आपको वो वेक्टर मेथड याद आ रहा है तो देखिए मैं उसी वेक्टर मेथड को फॉलो करूंगा मैंने करंट का फेज ये माना था तो रेजिस्टेंस ही है जो इसका साथ देगा दैट इज आर दूसरे वाले को देखोगे तो वो पाई बाई टू आगे है लेकिन उसकी पीक वैल्यू कितनी है एक्सेल तो मैं ये बोलूंगा एक्सेल आगे और ये पीछे चलेगा एक्सी तो देखो यहां पर एक बड़ा ही अजीब सी सिचुएशन तुम्हारे सामने आ रही है एक्सेल कह रहा है कि तुम आगे जाओ और एक्सी कह रहा है तुम पीछे जाओ तो आगे होगा या पीछे होगा ये तो डिपेंड करेगा कि, कि किसका वर्जस्व ज्यादा है मतलब एक्सेल ज्यादा है या एक्सी ज्यादा है तो जैसे कि मैं यहां पर ऑब्जर्व करना मैंने माना कि केस नंबर वन क्या कि जो एक्स एल की वैल्यू है वो XC से ज्यादा है अगर XL XC से ज्यादा हुआ तो आप इस वेक्टर को ऐसे ड्रॉ कर सकते हो आर और ये वाला वेक्टर बन जाएगा तुम्हारा क्या XL -XC. ठीक है इन दोनों का बेटा ये रिजल्टेंट आएगा ये जो भी रिजल्टेंट आएगा इसका मैंने नाम रख दिया जेड और इस जेड को पता है क्या बोला जाता है इम्पेडेंस सुनना ध्यान से ये जो मैंने ट्रैंगल अभी ड्रॉ किया है इस ट्रेंगल को इम्पिडेंस ट्रेंगल भी बोलते हैं अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे z की वैल्यू बता दीजिए तो आप समझ पा रहे होंगे यहां पे z की जब आप वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस का होल स्क्वायर क्या ये लिखेंगे कि नहीं देखिएगा ध्यान से क्या मैंने एकदम सही लिखा है यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ये मैंने जेड लिखा है और एक बात बताना अगर एक्सएल एक्सी से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कौन लीड करेगा मैं कहूंगा वोल्टेज ताकतवर हो गया यहां पे वी लीड करेगा लीड्स करंट कितने एंगल से तुम्हें तो समझ में आ रहा होगा ये वाला फेजर किसका फेजर था ये वाला फेजर करंट का फेजर था कितना एंगल लीड करेगा मैंने कहा मान लो अल्फा एंगल लीड करेगा क्या बेटा तुम यहां पे टेन अल्फा की वैल्यू लिख सकते हो यहां पे तुम्हें समझ में आ रहा होगा टेन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर तो देखना तुम्हारे सामने ये वाली जो इक्वेशन थी इस वाली इक्वेशन को तुम कुछ लिख सकते हो अब इस वाली इक्वेशन जो तुमने ऊपर लिखी थी वी वाली इक्वेशन उसको पता है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई नॉट इंटू जेड साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा ये है इक्वेशन करंट के फेज में अल्फा ऐड कर दिया वोल्टेज जो है वो करंट से अल्फा आगे चल रहा है क्योंकि यहां एक्सेल ताकतवर है एक्सेल और एक्सी में कौन ताकतवर था Excel ताकतवर था Excel क्या चाहता था? चाहता था? था कि वोल्टेज से पाई बाई टू आगे चले नहीं करेगा क्योंकि तुम्हें समझ आ रहा है क्योंकि आज भी है। लेकिन की बात मानी जाएगी क्योंकि जो है, उसकी वैल्यू एक्सी से ज्यादा आ रही है क्या आप यह अल्फा कैलकुलेट कर पाएंगे क्या ये निकाल पाएंगे यहां पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे जो ओवरऑल आपने वैल्यू लिखी है आई नॉट इन टू जेड ये जेड कैलकुलेट करने का तरीका ये लिखा हुआ है बस तुम्हें ये ट्रायंगल याद होना चाहिए मेरे भाइयों बस तुम्हें ये ट्रायंगल याद होना चाहिए अगर ट्रायंगल समझ में आ गया तो तुम्हारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी जैसे केस नंबर वन था ये अगर मैं वहीं पे केस नंबर टू लेता हूं सुनना ध्यान से केस नंबर टू क्या तुम समझ पा रहे होगे अगर मान लो तुम्हारे सामने सी की वैल्यू एक्सेल से ज्यादा होगी किसकी चलेगी जो ज्यादा ताकतवर है ताकतवर कौन होगा सी? आर के बारे में तो चर्चा ही नहीं करेंगे आर तो भैया सीधा है आर तो कह रहा है करंट तुम जहां जाओगे हम वहीं चले जाएंगे तो आर की तो बात ही नहीं कर रहे बात हो रही है यहां पे एक्सएल और एक्ससी की तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्स ज्यादा ताकतवर हो गया अगर एक्सी ज्यादा ताकतवर हो गया तो इस समय तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जब तुम ट्राइंगल ड्रॉ करोगे तो बेटर आर तो बिल्कुल सीधा देखो आर तो बिल्कुल सीधा बन जाएगा और यहां पे ये यह बनेगा नीचे की तरफ एक्ससी माइनस एक्सएल और ये रहा तुम्हारा Z। और यहां पे Z की वैल्यू लिखोगे द स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर यहां पर हम कहेंगे कि वोल्टेज लीड करेगा या करंट लीड करेगा तो यहां पर हम कहेंगे कि आई कौन लीड करेगा मेरे भाई कौन लीड करेगा मेरे भाई आई करंट या वोल्टेज वोल्टेज और यहां पर अल्फा की वैल्यू आपको समझ आ गई हो कुछ याद नहीं करना ऐसा कुछ है ही नहीं जो तुम्हें याद करना है और यहां पे जब पीक वैल्यू की बात करोगे तो लिखोगे आई नॉट इन जेड साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा या माइनस अल्फा माइनस ऑफ अल्फा भाइयों आराम से ठंडे दिमाग से सोचो मैंने क्या बताया जब आर एल और सी तीनों लगे हुए हैं सर्किट में तो यहां पर करंट वोल्टेज से लीड भी कर सकता है और करंट वोल्टेज से लैग भी कर सकता है और ऐसा भी हो सकता है कैसा कि करंट जो है और वोल्टेज जो है वो दोनों सेम फेज में आ जाए ऐसा कब होगा तुम सोचो अगर एक्सेल और एक्सी दोनों बराबर हो जाए मतलब ये समझ लो कि कोई डोमिनेट ही नहीं कर रहा एक्सेल कहेगा कि भैया तू लीड कर एक्सी कहेगा तू लैग कर और भैया दोनों तरफ से लग रहा है फोर्स और दोनों फोर्स बराबर तो फील आ रही होगी कि उस केस में वोल्टेज कहेगा ऐसा है ना तो हम आगे जाएंगे ना हम पीछे जाएंगे ना हम आगे जाएंगे ना हम पीछे जाएंगे ये तो वही वाली कहानी हो गई भैया दो भाई थे तीन भाई थे तीन भाई एक भाई एक भाई एक एक इधर इधर से से खींच खींच रहा खीच रहा है है दोनों खींच रहे हैं हैं दोनों बराबर फोर्स लगा रहे बेचारा जो बीच में खींच रहा था उसने कहा ऐसा है हम तो आर के साथ ही जाएंगे <laughs> हम तो आर के साथ ही जाएंगे मतलब सिंपल सी बात है जो वी है क्या वो करंट के साथ दौड़ेगा टिक 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 ये केस हम आगे जाकर के पढ़ेंगे बहुत ही स्पेशल केस होता है जब V और I सेम फेज में हो जाते हैं मतलब XL और XC दोनों बराबर हो जाते हैं जिसे हम आगे जाके पढ़ेंगे रेजोनेंस बोलते हैं लेकिन मेरे भाइयों एक बात बताना तुम्हें यहां से तुम्हें काफी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी क्या मैं यहां पर यह कह सकता हूं आज के बाद अगर मैं Z निकालना चाहता हूं Z तो मैं बोल सकता हूं पीक वैल्यू ये Z दे देगा यस और नो या इसी वाली वैल्यू को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अपॉन बिल्कुल सही है क्या तक किसी को कोई तकलीफ क्या जेड निकालने में कोई तकलीफ आएगी क्या किसी को आज के बाद ये ट्राइंगल बना लोगे बस मुझे ये बता दो ये ट्रायंगल कितने लोग हैं जो नहीं बना पाएंगे जो लोग बना लेंगे वो वन टाइप करें जो नहीं बना पाएंगे वो टू टाइप करें और जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं वो थ्री टाइप करें फटाफट से ऑप्शन दिए जा रहे हैं वन टू थ्री जो बना लेंगे जिनको समझ में आ गया जो कहते हैं सर क्या शानदार बताया आपने वो वन टाइप करें जो ये कहते हैं सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर बाउंस मार रहा है वो टू टाइप करें और जो कहते हैं कि सर ऐसा है हम इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं सब मोह माया है वो थ्री टाइप करें जल्दी बताओ भाई जल्दी क्या बात है <laughs> थ्री वाले बहुत लग रहे हैं <laughs> थ्री वाले सर मैं इन सब मोह माया से ऊपर उठ चुका हूं वेदांत वेदांत कह रहे हैं सर मुझे ये सब माया समझ नहीं आ रही है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये फोर वाले कौन से हैं बे फोर तो ऑप्शन ही नहीं था नन ऑफ टिक कर रहे तो, तो मैंने तो वन टू थ्री तीन ही ऑप्शन दिए थे चौथा ऑप्शन कहां से आ गया <coughs> बहुत अच्छा जिन लोगों का आंसर वन है उनके लिए धन्यवाद जिनका थ्री है उनके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद जो इन सारी मोह माया को त्याग ही चुके हैं जिन्हें इन सब मोह माया में पढ़ना ही नहीं है वो बिल्कुल वैसे हैं जो ये कहते हैं कि भैया एक्सेल एक्सी के बराबर कर दो क्यों एक्सेल को कभी एक्सी से ज्यादा करते हो क्यों कभी एक्सी को एक्सेल से ज्यादा करते हो क्यों नहीं ऐसा कर देते कि वोल्टेज और करंट की लड़ाई ही बंद हो जाए वोल्टेज कहे कि करंट मैं तेरे साथ ही चलूंगा ये जो संघर्ष हो रहा है जो आज यहाँ लड़ाई चल रही है फेज की क्या ये फेज की लड़ाई एक्सेल और एक्सी की वजह से चल रही है अगर ये एक्सेल और एक्सी नहीं होते तो कोई संघर्ष नहीं था सारा रायता इन एक्सएल और एक्सी ने ही तो फैलाया है और एक्सेल एक्सी से कितना ज्यादा है या एक्सी एक्सेल से कितना ज्यादा है ये डिसाइड करेगा कि करंट वोल्टेज से कितना ज्यादा लीड करेगा या फिर कितना ज्यादा लैग करेगा क्या भाइयों मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे हो जल्दी से देख लो तुम ये समझ लो कि सब कुछ पढ़ लिया है हम लोगों ने अब सीधे सवाल करेंगे आज एक भी सवाल सॉल्व नहीं किया मैंने जितना पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया अब सीधे दनादन सवाल सॉल्व करेंगे जल्दी बताओ तैयार हो तुम सब लोग कौन हिमालय जा रहा है वर्मा जी हिमालय जा रहे हैं क्या चलिए बहुत बढ़िया टाइम पास नहीं करते सीधे सवालों पर बढ़ते हैं आगे ठीक है देखो क्वेश्चन करोगे तो और क्लियर हो जाएगा कि क्या किया गया है ठीक है मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और साथ साथ सभी लोग सॉल्व करेंगे अपने भाई बंधु सभी लोग साथ साथ मेरी मदद करेंगे करोगे कि नहीं करोगे भाईयो देखो ध्यान से पढ़ो सवाल पढ़ो एक सवाल में पूरे सवाल का ऑपरेशन करके रख देंगे सारे अड़जे पुर्जे जितने भी हैं सब खोल के एक ही सवाल में रख देंगे सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे एक ही सवाल में बहुत बढ़िया देखिएगा ध्यान से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हुआ आर एल और सी आर की वैल्यू चालीस ओम एल की वैल्यू पॉइंट सेवन और सी की वैल्यू है दो सौ पचास माइक्रोफेराइड यहाँ पर आपने एक ए सी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है और ए सी सोर्स जो है वो आपको टू हंड्रेड रूट टू साइन ये दिया हुआ है ठीक है आपको यहाँ से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है सवाल को सॉल्व करते हैं जैसे कि सबसे पहले पार्ट में आपसे एक्सेल पूछा गया है. क्या पूछा गया एक्सेल पूछा गया अगर आपसे एक्सेल पूछा गया तो मुझे लगता है एक लाइन का सवाल है फॉर्मूला याद हो जाएगा एक्सेल की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल एक बात बताना यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या हंड्रेड होगी यस और नो इंटू एल एल की वैल्यू कितनी दी हुई है पॉइंट सेवन ये लो भैया मेरे हिसाब से सेवनटी आ गया यूनिट क्या होगी ओम ये तो समझ आ गया होगा वही यूनिट होगी जो रजिस्टेंस की होगी यस और नो बहुत बढ़िया ये एक्सेल आ गया एक्सी निकाल लो एक्सी क्या होगा वन अपॉन ओमेगा सी फार्मूला याद है वन अपॉन ओमेगा ओमेगा की वैल्यू हंड्रेड और सी की वैल्यू कितनी है दो सौ पचास माइक्रोफेरेड है तो टेन की पावर सिक्स ऊपर चला जाएगा ठीक है भाई काट लो भाई जो कट रहा है यहां से काटोगे तो मेरे हिसाब से चालीस आ गया ये लो भाई XL आ गया आगे आ गया नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया जेड नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया जेड जेड कैसे निकालोगे बी पार्ट में फॉर्मूला याद है क्या स्क्वायर रूट ऑफ आर का स्क्वायर आर की वैल्यू बताओ कितनी है चालीस प्लस एक्स एल ये रहा एक्स सी ए रहा तो एक्सएल माइनस एक्सी लिखेंगे है ना तो सत्तर माइनस चालीस और इसके होल का स्क्वायर यहां से मेरे हिसाब से पचास आ जाता है सही सोच रहे हैं कि हम लोग चालीस और तीस का स्क्वायर बिल्कुल ठीक है पचास आ जाएगा बहुत बढ़िया ये हो गया बी पार्ट समझ में आया यहाँ तक सी पार्ट देखिएगा सी पार्ट सी पार्ट में क्या पूछा है आई आर एम एस मुझे जल्दी से बताना आई आर एम एस निकालने का तरीका क्या होगा आई आर एम एस निकालने का तरीका होगा वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड याद आ रहा है फॉर्मूला वे आई बराबर वी बटे जेड लिखोगे कि नहीं वी आर एम एस की वैल्यू देखो कितनी आ रही है ये पीक वैल्यू है वी आर एम एस कितना आएगा पीक वैल्यू को रूट टू से डिवाइड मार दो क्या दो सौ आ जाएगा बहुत बढ़िया दो सौ बटे पचास क्या यहां से तुम्हारे पास चार एम्पियर आ गया

उसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो एक बात बताना अगर मैं आपसे डी पार्ट में वी आर पूछ रहा हूं आरएमएस वैल्यू सुनना ध्यान से आरएमएस वैल्यू अगर निकालना चाह रहे हो तो डायरेक्टली यहां पे ये लिखोगे आई आरएमएस मल्टीप्लाईड बाय आर खत्म नहीं आया समझ आई आरएमएस निकाल चुके हो चार था और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी चालीस। मेरे हिसाब से 160 आ जाएगा यस yes और नो no? इसी तरीके से अगर वी एल पूछा गया तो इसका मतलब आर एम एस करेंट कितना है यहां पर लिखोगे आई आर एम एस लेकिन जब एल की बात हो रही है तो यहां पर एक्स एल का मल्टीप्लाई करोगे अभी नालाई को XL टी शर्ट का साइज नहीं है ये देखो कवाड़ी हो रखे हैं आई आर एम एस इंटू एक्स एल सही लिख रहा हूं क्या तो चार इंटू सत्तर सत्तर है ना एक्सएल की वैल्यू तो चार इंटू सत्तर दो सौ अस्सी आ गया दो सौ अस्सी वोल्ट इसी तरीके से अगर मैं ये पूछू वीसी क्या लिखोगे आई आर एम एस इंटू एक्ससी आई आर एम एस की वैल्यू चार एक्सी की वैल्यू कितनी है चालीस मेरे हिसाब से वो भी वन सिक्सटी आ गए चेक करना भैया कैलकुलेशन चेक कर लो भैया आराम से देख लो देख लो कोई दिक्कत नहीं है सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर करके जाएंगे घर पे कुछ भी लेके नहीं जाना है यहां पे एक पार्ट और पूछ लिया जाता है कभी कभार मैं वो पार्ट आप लोगों से पूछ ही लेता हूं वो पार्ट क्या होता है एक पूछा जाता है नेट रिएक्टेंस रिएक्टेंस सिर्फ नेट तो इसका मतलब समझ जाना अगर ये सवाल कभी तुम्हारे सामने आ जाए जिसमें नेट रिएक्टेंस पूछा जाए तो इसका मतलब होता है नेट रिएक्टेंस का मतलब बताओ क्या होता है किसी को पता है क्या नेट रिएक्टेंस का मतलब होता है मोड ऑफ XL XC मतलब यहां पे तुम बोल सकते हो 70 चालीस जो तीस ओम लिखा हुआ ना ये रिएक्टेंस लिखा हुआ है ठीक है क्यों भाई अनुभव समझ आ रहा है नींद तो नहीं आ गई निपट गए होंगे आधी जनता तो निपट गई होगी एक नींद पूरी हो गई होगी नहीं नहीं क्या बात है भाई मैदान में टिके हुए हैं अभी तो लोग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये समझ में आया यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी भी अच्छा एक बात बताना अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ अभी अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ ये क्वेश्चन अभी बढ़ेगा आगे बढ़ेगा अभी तो बेटा बहुत पार्ट है इसके तुम्हें क्या लग रहा है क्वेश्चन खत्म हो गया एक सवाल को पूरा खोलना है भाई अभी तो ऑपरेशन करना शुरू किया है ये लो चार पार्ट और आ चुके हैं अल्फाबेट चेंज कर लेना ई e, एफ इसको एफ कर लो इसको एफ जी एच और ये आई इस बार सवाल थोड़ा और अच्छा हो गया है इस बार आपसे क्या पूछा जा रहा है करंट निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी देखो यार ये चीज़ें समझना थोड़ी सी जरूरी है मैं चाहूंगा थोड़ा पेशेंस फुली सुने अगर आप करंट निकालना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे करंट की पीक वैल्यू इन टू साइन ओमेगा टी अब ये पता नहीं प्लस माइनस क्या आएगा वो हमें पता नहीं अच्छा एक बात बताना तुमने अगर ये जो सिचुएशन ऊपर देखी इस सिचुएशन में तुम्हें एक बात बताओ एक्सएल ज्यादा आया है या एक्सी ज्यादा आया एक्स एल एक्सी से आगे आया है क्या ही दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वोल्टेज लीड करेगा वोल्टेज क्या करेगा? करेगा? तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इम्पिडेंस ट्रेंगल बनाओ तो तुम्हें दिख रहा है चालीस ये और ऊपर वाला ये बनेगा तुम्हारा सत्तर माइनस चालीस जो कि कितना हो गया तीस बात और ये हो गया तुम्हारा Z जो कि तुम निकाल चुके हो ये हो गया तुम्हारा पचास एक बात बताना इस लाइन के अलोंग कौन चलेगा जिसके अलोंग R है उसके अलोंग कौन चलेगा R के अलोंग कौन चलेगा जल्दी बताओ R के अलोंग करंट चलेगा कौन चलेगा बेटा करंट चलेगा ठीक है और Z के अलोंग कौन चलेगा हमेशा याद रखना जेड के अलोंग वोल्टेज चलता है नेट वोल्टेज ठीक है जो भी सोर्स का वोल्टेज होता है वो चलता है और इसके अक्रॉस करंट चलता है तो यहां पे तुम्हें साफ साफ समझ में आ रहा है कि करंट लीड करेगा या लैग करेगा लैग करेगा और अगर मैं पूछू कितना एंगल लैग करेगा तो मैं कहूंगा ये अल्फा एंगल अगर मैं तुमसे पूछू टेन अल्फा की वैल्यू बता दो भाई टेन अल्फा की वैल्यू लिखोगे तीस बटे चालीस जो कि यहां से तीन बटे चार यहां से देख के समझ में आ रहा होगा कि अल्फा की वैल्यू आ जाएगी सैंतीस डिग्री आ रही है क्या और एक बात बताना अगर मुझे पीक वैल्यू लिखनी है तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया आरएमएस वैल्यू निकाल ही चुके थे तुम तो। आरएमएस वैल्यू कितनी आई थी करंट की चार एम्पियर तो इसको रूट टू से मल्टीप्लाई कर लो या सिंपली कह सकते हैं कि इसकी जो पीक वैल्यू आई थी इसको किससे डिवाइड कर दोगे जेड से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि जब मैं करंट लिखूंगा तो देखना करंट का फंक्शन क्या लिखने वाला हूं करंट का फंक्शन लिखूंगा पीक वैल्यू फोर रूट टू समझना आगे साइन ओमेगा ओमेगा की वैल्यू क्या लिखोगे देख लो ऊपर ओमेगा की वैल्यू हंड्रेड दी हुई है तुम्हें टी प्लस या माइनस यहां आएगा माइनस थर्टी सेवन कितने लोग हैं जिनको ये बात समझ नहीं आई है जब भी कोई भी सवाल आए तो सबसे पहला स्टेप पता है तुम्हारा क्या होना चाहिए सबसे पहला स्टेप होना चाहिए तुम्हें करंट निकालना आना चाहिए जिसने करंट निकाल लिया ना वो अब कुछ भी कर सकता है क्योंकि हमने जो भी कंडीशंस पढ़ी हैं वो विद रिस्पेक्ट टू करंट पढ़ी है हमें पता है कि कौन चीज करंट से आगे जाती है कौन चीज करंट से पीछे जाती है अब तुम्हारे लिए इस सवाल के इन तीनों पार्ट को सॉल्व करना एकदम हलवा हो चुका है अब तुम बहुत आसानी से लिख सकते हो अगर मैं ये वाली पार्ट पूछू देखना एक लाइन में लिख दोगे जी क्या लिखोगे देखना वी आर लिखना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी पीक वैल्यू क्या लिखोगे करंट की पीक वैल्यू बाय रेजिस्टेंस तो वैल्यू कितनी आ गई वन सिक्सटी रूट टू साइन ये ही वो इकलौता है जिसने करंट का साथ दिया था यही वो है जिसने करंट के साथ बेवफाई नहीं करी थी यही वो है जो करंट के साथ चल रहा था यही वो है जिसका फेज वही था जो करंट का फेज था ये समझ में आया ये वैल्यू कैसे लिखी है ये वैल्यू आपको आई होप समझ में आ गई होगी ये मैंने लिखी है करंट की पीक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय आर आर की वैल्यू चालीस दी हुई है इसी तरीके से अब बताना कौन बताएगा एच पार्ट एच में बोला गया वी एल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी लिखना है अगर मैं वी एल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी लिखना चाहता हूँ तो देखिएगा सबसे पहले पीक वैल्यू लिखूंगा पीक वैल्यू क्या लिखूंगा फोर रूट टू इन टू एक्स एल की वैल्यू कितनी थी सत्तर तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू आ जाएगी टू एट्टी रूट टू वैसे भी तुम आर एम एस निकाल चुके रूट टू से मल्टीप्लाई करते जाओ साइन अब बताना ये क्या करेंट का साथ दे रहा था क्या ये करंट का साथ दे रहा था या करंट को छोड़ के भाग गया था करंट को छोड़ के भाग गया था कितना आगे गया था या पीछे गया था पीछे गया था कि आगे गया था अबे एल एल है L, ये आगे गया था कितना आगे गया था, प्याँ प्याँ गया था? टू गया था तो एक बात बताओ ये जो पाई बाई टू एड करोगे ये किस में एड करोगे करंट के फेज में एड करोगे तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जब तुम लिखोगे हंड्रेड टी तो माइनस थर्टी सेवन प्लस नाइनटी लिखोगे और ये वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी टू एंड्रेड टी प्लस डिग्री चीजें बता रहा हूं एक सवाल में सारी चीजें कवर कर रहे हैं क्लियर है बात अच्छा आई की बात कर लेते हैं इसकी पीक वैल्यू आपको पता ही चालीस इंटू कितना करंट तो फोर रूट टू था वन सिक्सटी रूट टू आ गया और वैसे भी निकाली चुके हो ना पीक वैल्यूज तो ये जो वैल्यूज है इनको रूट टू से मल्टीप्लाई कर लो जितनी भी वैल्यू तुम्हारे ऊपर निकल के आई है ये सारी तुम्हें क्या दे देंगी पीक वैल्यूज दे देंगी आगे बताना आगे फेज लिखूंगा ये कौन है क्या ये करंट के साथ चल रहा था या इसने करंट के साथ बेवफाई करी थी और अगर इसने करंट के साथ बेवफाई करी थी तो ये करंट के आगे था या करंट के पीछे था ये करंट के बेचारा पीछे रह गया था मतलब इवन करंट इससे आगे चल रहा था क्या याद आ रहा है कैपेसिटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था वो करंट से पाई बाय टू फेज पीछे चल रहा था तो यहाँ पे करंट के फेज में पाई बाय टू ऐड करोगे या सब्रैक्ट करोगे थर्टी सेवन तो था ही लेकिन माइनस के नाइनटी कर दूंगा मतलब मेरे सामने ये वैल्यू आने कींड्रेड टी माइनस वन ट्वेंटी सेवन जरा देखो पूरा सवाल का ऑपरेशन करके रख दिया है यहां तक कोई भाई बंधु जिसको गलती से भी समझ में आ रहा हो ये समझ लो सबसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हमने डिस्कस कर ली है जिसमें हमने देखा कि जो वोल्टेज है वो करंट से लीड कर रहा था और कितना एंगल लीड कर रहा था थर्टी सेवन डिग्री लीड कर रहा था चेक करो आराम से दो मिनट का ब्रेक है भाई दो मिनट का ब्रेक है चेक कर लो भाई मैं चाहता हूं कि आप लोग चेक कर लो भैया एक सवाल में पूरी पीएचडी कर ली हमने तुम्हारा पता नहीं पूरे एक सवाल में सारे एसी सर्किट के कॉन्सेप्ट को एक साथ मिक्स करके चूरन बना के खा गए भाई साहब और भाई रजनीगंधा क्या हाल है जल्दी बोलो भाई जल्दी दो मिनट का ब्रेक है भाई ब्रेक है आराम से देखो फॉर्मूले रिवाइज करो फटाफट क्योंकि अब अगला सवाल तुम्हारे सामने आएगा भाई रुकने वाला नहीं सवालों पे सवाल मिलते रहेंगे नीचे करो यार तुम लोग एडवाइस देते हो या धमकियां देते हो ये देखो वर्मा जी कर रहे हैं कि नीचे करो पेज जल्दी से एक सेकेंड यार डर लग जाता है यार तुम ऐसे मत किया करो यार प्यार मोहब्बत से बातें कर लिया करो तुम ऐसे मत करो यार बेटा ठीक है हमसे ऐसी क्या नफरत है आपको हाँ 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 सोनाक जैन को देखिए मुंह में रजनी गंदा और दिल में दुनिया इतनी मार लगाएंगे ना जैन साहब कि साला यही नागिन डांस करोगे कुछ करो ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा क्यों भाई हाँ यही नचाएंगे बता रहे हैं और बर्मा साहब पैसे उछालेंगे तुम्हारे ऊपर ज्यादा अगर तुमने बकवास करी तो चलिए चलिए माहौल सेट ऑल सेट तैयार हो आगे बढ़े भाई सोना नहीं है भाई मैदान में टिके रहना भाई आखिरी दम तक लड़ेंगे चलिए 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 अगले सवाल की तरफ़ बढ़ेंगे देखते हैं अब आप लोगों को कितना समझ में आया बहुत देर हो गई आप लोगों ने नेतागिरी ज़्यादा ही कर रहे हो जरा अभी पता चल जाएगा इस नेतागिरी का एक स्वाद हम भी चख लेते हैं ये सवाल मैं दे रहा हूँ लिख रहा हूँ सवाल देख देख करके यहाँ पर एक रजिस्टेंस आपके सामने है और एक कैपेसिटर है रजिस्टेंस है तीन ओम और कैपेसिटर जो है दैट इज़ वन बाय फोर्टी फेरेट ठीक है भाई और ये सर्किट इस तरीके से कनेक्टेड है और इस सर्किट में जो करंट चल रहा है उस करंट की वैल्यू दी हुई है कितनी फाइव साइन प्लस फाइव बाय सिक्स ये वैल्यू दी हुई है ठीक है दिखाई दे रहा है क्वेश्चन सभी को ठीक है आपसे पूछा जा रहा है फाइंड ए पार्ट एक्ससी बी पार्ट जेड सी पार्ट वी आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डी पार्ट वी सी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और ई पार्ट सोर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एज अ टाइम चलो चलो आंसर निकालना शुरू कर दो जय श्री राम तुम इतना जय श्री राम और इतने सारे नारे लगाते हो अच्छी बात है लेकिन राम भगवान के आदर्शों को फॉलो भी तो कर लिया करो सो तुमसे कुछ नहीं होता बस नारे लगाना तुमको आता है बताओ बताओ आंसर बताओ अगर ये सवाल तुम्हारे सामने आ जाता है यहाँ पे तुम्हें एक्सी की वैल्यू दी है वी आर वी एस ये और ये ये पूछा जा रहा है तुमसे एक्चुअली में दिया हुआ नहीं है सारे पार्ट सॉल्व करने हैं बहुत बढ़िया दो पार्ट सॉल्व कर चुके हो यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि पहले पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक्ससी निकालना है एक्ससी क्या होगा वन अपॉन ओमेगा इंटू सी सी की वैल्यू वन बाय फोर्टी तो फोर्टी डिवाइडेड बाई ओमेगा ओमेगा कितना है टेन मेरे हिसाब से पहले पार्ट का आंसर तो सभी का आ गया होगा जिनका भैया पहले पार्ट का आंसर नहीं आया है ना उम्मीद छोड़ दीजिए कहीं जाकर के बाबा को दिखाइए तभी चमत्कार हो पाएगा अब निकालते हैं जेड यार एक बात तो तुम्हें समझ में आई गई होगी यहाँ पे तो ये तो और भी आसान हो गया यहाँ तो बेचारा एल है ही नहीं यहाँ जेड निकालना है तो जेड में हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर तो ये दिखाई दे रहा है तुम्हारे सामने पांचों में आ जाएगा ये दो पार्ट तो हो ही गए होंगे बहुत ही आसान है अब आते हैं सी पार्ट पर सी पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है वी आर एज अ फंक्शन ऑफ टी ये कैसे निकालोगे वी आर लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे पीक वैल्यू पीक वैल्यू कैसे लिखोगे करंट की पीक वैल्यू कितनी है पांच तो करंट की पीक वैल्यू को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पांच इंटू तीन तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी पंद्रह साइन ये वो है जो कि करंट के फेज में चलता है मतलब आगे आएगा टेन टी प्लस फाइव बाई सिक्स यस और नो बहुत बढ़िया इसी तरीके से अगर मैं डी पार्ट सॉल्व करता हूं जिसमें अगर मुझसे यहां पर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा जाएगा तो उसको कैसे लिखूंगा पीक वैल्यू पीक वैल्यू कैसे लिखोगे करंट की पीक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्सी तो पांच इंटू चार क्या लिखोगे बेटे बीस समझ रहे हो साइन लेकिन एक बात बताओ ये करंट के साथ चलेगा करंट से आगे चलेगा करंट के पीछे चलेगा करंट के फेज में मुझे अभी प्लस पाई बाई टू करना है या माइनस पाई बाई टू करना है कैपेसिटर है या कैपेसिटर पीछे चलेगा कितना पीछे चलेगा पाई बाई टू पीछे चलेगा तो इसके फेज में जब आप लिखेंगे तो टेन टी प्लस पाई बाई सिक्स लेकिन यहाँ लिखेंगे माइनस के पाई बाई टू यस और नो तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे ये वैल्यू आ जाएगी आपके सामने ट्वेंटी साइन के पाई बाई थ्री दैट इज वी सी बहुत बढ़िया अब आते हैं हम यहां पर अगले पार्ट पर यह पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर हमें वी एस निकालना है तो हमें यहां पर यह समझना होगा कि सिर्फ आपके सामने कैपेसिटर है तो अगर आप यहां पर इम्पिडेंस ट्रैंगल ड्रॉ करोगे तो देखो आर तो आपके सामने यहां पर बन जाएगा तीन ओम और एक्स ही बनेगा नीचे की तरफ जो कि कितना आया था चार ओम और ये है तुम्हारा जेड जेड कितना आ गया पाँच ओम मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले कुछ बताया था शायद तुम्हें याद हो इस दिशा में कौन चलता है करंट चलता है याद आ रहा है करंट हमेशा इसका साथ देता है किसका आर और जेड के अलोंग कौन चलता है नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल वी अभी सवाल में देखो क्या दिया गया है क्या पूछा गया है और ये एंगल दिखाई दे ही रहा होगा त्रेपन डिग्री है तो मैं कहूंगा कि करंट दिया हुआ है और वी पूछा जा रहा है तो क्या करंट के फेज में मैं पाई बाई थ्री करूं हाँ सॉरी फिफ्टी थ्री एड करूं या फिफ्टी थ्री सब ट्रैक्ट करू बहुत बढ़िया फिफ्टी थ्री सब्ट्रैक्ट करेंगे यस और नो. तो जब मैं यहां पर ई वाला पार्ट सॉल्व करूंगा मेरे भाई तो ऑब्जर्व करना पीक वैल्यू लिखते हैं पीक वैल्यू लिखनी है तो आई आई की पीक वैल्यू कितनी है पांच इंटू जेड तो मेरे हिसाब से हो जाएगा पच्चीस साइन ओमेगा टी देट इज टेंटी प्लस थर्टी लेकिन प्लस थर्टी माइनस फिफ्टी थ्री डिग्री यस और नो तो यहाँ से बेटे ये तुम्हारे सामने आएगा ट्वेंटी फाइव साइन टेंटी माइनस ट्वेंटी थ्री डिग्री दिस विल बी योर आंसर ऑल डन मैंने तो सॉल्व कर दिया तुम चेक कर लो भाई मेरी तरफ से हो चुका है तुम चेक करो क्या तुम्हारे भी समझ में आ गया भारद्वाज साहब अगर सभी को समझ आ गया तो वन टाइप कर दो फटाफट और किसी ऑप्शन में डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो अभी अभी तो मैं बता दूंगा डाउट कोई दिक्कत नहीं है देख लो देख लो आराम से सभी लोग टाइप करें भाई जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट हैं प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू एक बार वन टाइप करें जिससे मुझे समझ में आए कि मैंने जो पढ़ाया उनमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया <laughs> क्यों भाई हो चलन तो चलन तो माहौल सेट है एकदम बहुत बड़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया क्या बात है सभी को समझ में आ गया लिखने का तरीका होता है आई नॉट इंटू जेड इंटू साइन करेंट का फेज उमेगा टी प्लस थर्टी करंट का फेज है लेकिन लैग लेक करेगा तो माइनस अल्फा आएगा बस यही तो किया है मैंने चेक करो चले भाई जय हिंद जय भारत आगे बढ़ा जाए माहौल एकदम तगड़ा लग रहा है अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ गया दांत निकालना बंद करो अगले सवाल को सॉल्व करो मात्र एक रुपए का सवाल है जल्दी से फटाफट जल्दी से बताओ भाई इस सवाल का जवाब आप बताइए क्या आने वाला है आपका जुनेजा साहब कैसे हैं आप और जनाब गोइंग स्टूडेंट्स लोगों से मिलकर के काफी अच्छा फील हो रहा है, गुड फील करंट इन द चॉक कॉइल पहले तो मैं आपको बता देता हूं मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं चौक कॉइल के कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको कभी भी बोला जाए कि आपको चौक कॉइल दिया हुआ है तो पहली बात तो ये समझ लेना चौक कॉइल का मतलब होता है इंडक्टर एक्चुअली में एक रियल इंडक्टर या इसी को बोल सकते हैं इंडक्टर प्लस रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन मतलब आपके पास अगर कभी भी चॉक कॉइल दियो ना तो आप ये समझ जाना तुम्हारे पास एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस है ये कहानी है तुम्हारे सामने और इस पूरे डिब्बे को तुम चॉक कॉइल बोलते हो ठीक है भाई इसको याद रखना ये तुम्हारे सामने जो बना हुआ है इसी को हम चॉक कॉइल बोलते हैं तो यहां पर आपसे बोला जा रहा है द करंट इन द चोक कॉइल इज फोर एंपियर बहुत बढ़िया शानदार आनंद आ गया व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट डीसी बैटरी दिस इज इंपॉर्टेंट मतलब आपसे ये कहना चाह रहा है जब इस चोक कॉइल को एक डीसी बैटरी से कनेक्ट करता है और वो डीसी बैटरी है 12 वोल्ट की तो इस सर्किट में जो करंट है वो आपको 4 एंपियर दिया हुआ है ठीक है बढ़िया फिर बोलता है कि जब इसे एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया जाता है क्वेश्चन पढ़ लिया सभी लोगों ने पढ़ तो लिया ना भाई क्वेश्चन जब इसे एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया जाता है जिस एसी सोर्स का ये बारह वोल्ट और ये फिफ्टी हर्ट्ज़ उसकी फ्रीक्वेंसी है तो इस केस में यहां पे जो करंट ऑब्जर्व किया गया वो करंट है टू पॉइंट फोर इस तरीके से दो अलग अलग सिचुएशन है एक बार चौक कॉइल डीसी सर्किट से कनेक्टेड है और एक बार चौक कॉइल ए सर्किट से कनेक्टेड है आई होप आप सिचुएशन समझ पा रहे होंगे देखो जब हम यहाँ पे डीसी सर्किट से करंट कनेक्ट करते हैं और जो हमें करंट दिया हुआ है इसका मतलब स्टडी करंट दिया हुआ है और स्टडी करंट का मतलब आप समझते होंगे देयर इज नो यूज ऑफ इंडक्टर मतलब पहली वाली इंफॉर्मेशन से मैं यहाँ आर की वैल्यू निकाल सकता मैं पे डायरेक्टली बोल सकता हूँ जो तुम v लिख रहे हो ये v बराबर आई इंटू आर है और यहां से तुम्हारे पास r की वैल्यू तीन ओम आ जाती है कितनी आ जाती है तीन दूसरे वाले सर्किट में जो करंट तुम्हें दिया हुआ है टू पॉइंट फोर लेकिन ये एसी सर्किट है और इस ए सी सर्किट में जरा गौर फरमाना जब तुम ट्वेल्व बराबर लिखोगे आई आई की वैल्यू टू पॉइंट फोर इंटू यहाँ पे तुम आर नहीं लिखोगे यहाँ पे तुम जेड लिखोगे इस गिवन सर्किट का तुम इंपिडेंस लिखोगे यस yes नो no. तो यहां से तुम्हें देख करके समझ में आ रहा होगा कि जब हम जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जेड की वैल्यू हमारे पास आएगी ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू पॉइंट फोर और यहां से देख के समझ आ रहा है फाइव ओम। और जेड क्या होगा इस सर्किट का स्क्वायर रूट ऑफ आर का स्क्वायर आर की वैल्यू कितनी है थ्री का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर तुम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो देख के दिखाई दे रहा है ये तुम्हारे सामने यहां से सी की वैल्यू आ जाती है और सी की वैल्यू निकल के आती है बेटे चार ओम सवाल पढ़ो जल्दी से क्या पूछा है सी नहीं सॉरी एक्सएल माफी चाहूंगा एक्सेल एक्सएल की वैल्यू चार ओम आ गई इंडक्टेंस पूछा है अभी आंसर नहीं आया ये तो एक्सएल है और एक्सेल किसके बराबर होता है ओमेगा इंटू एल के बराबर होता है एल पूछा गया एल ओमेगा कितना है क्या ओमेगा पचास है अभी घदो ओमेगा पचास नहीं है ओमेगा की वैल्यू पचास नहीं है भाई ओमेगा की वैल्यू होती है टू पाई इंटू एफ तो यहां पे टू पाई एफ करोगे तो हंड्रेड पाई आएगी ये वैल्यू तो जब तुम यहां एक्सएल की वैल्यू लिख रहे हो चार तो ये बराबर लिखोगे हंड्रेड पाई इंटू एल अब मेरे भाई यहां से एल की वैल्यू निकल के आती है जो यहां से वन बाय ट्वेंटी फाइव पाई हैं दिस विल बी द करेक्ट आंसर कितने लोग हैं जिनका ये आंसर आ गया था हाउ मैनी ऑफ यू क्या क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से हमने क्वेश्चन को अप्रोच किया क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई है यहां पे आपके पास दो अलग अलग इंफॉर्मेशन थी और उन दो इंफॉर्मेशन को यूज करके सवाल को सॉल्व किया है भाई ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज द पावर एनालिसिस तो अब हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक जहां से आपके पीवाई में सबसे ज्यादा सवाल देखने को मिलेंगे राम अग्रवाल पूछ रहा है सर डीसी में इंडक्टेंस का कुछ काम नहीं होता क्या बेटा एक्चुअली मैं डीसी सर्किट में इंडक्टेंस का काम तभी आता है जब करंट चेंज हो रहा हो और अगर आपको सिंपली करंट चार एम्पियर दिया हुआ है तो इसका मतलब है ये स्टडी करंट दिया हुआ है और आपको पता है स्टडी स्टेट आने के बाद ये जो इंडक्टर है इट विल बिहेव लाइक अ स्ट्रेट वायर तो स्टडी स्टेट आने के बाद इंडक्टेंस का कोई भी काम नहीं रहता इंडक्टेंस का काम तभी आता है जब करंट चेंज हो रहा हो ठीक है देखिए मान लीजिए आपके पास एक ए सोर्स है और उस ए सोर्स में जाने वाला करंट ये है ठीक मान लीजिए करंट ये है और यहाँ पे जो वोल्टेज है वी उसकी वैल्यू मान लेते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव अगर मैं आपसे पूछूं ये सोर्स कितना पावर सप्लाइड करेगा मुझे उम्मीद है आपको ये फार्मूला याद होगा वी इंटू आई किसी भी टी टाइम पे अगर पावर सप्लाइड बाय सोर्स निकालना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे वी इन आई कर देंगे लेकिन आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे ये पावर हर एक मोमेंट पे चेंज हो रही होगी क्योंकि यहाँ पे सर्किट में जो करंट और वोल्टेज है वो कांस्टेंट नहीं है वो लगातार क्या हो रहा है चेंज हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे वी का आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं जब हम वी का आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे ये टर्म बनेगा वी नॉट आई नॉट और यहाँ पे ये यह टर्म बनेगा तुम्हारे सामने साइन उमेगा टी इंटू साइन उमेगा टी प्लस फाइव क्या मैं बिल्कुल सही सोच पा रहा हूँ क्या यस और नो अब आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पे क्या करते हैं टू से डिवाइड करते हैं टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो तुम्हारे सामने ये टर्म बनेगा वी नॉट ये और यहाँ पे बनेगा टू साइन ऑफ

ए माइनस बी तो इसमें से इसको माइनस किया दैट इज पाई माइनस कॉस ऑफ टू ओमेगा टी प्लस फाइव ये टर्म तुम्हारे सामने आया पी यहाँ से ये जो मैंने वैल्यू निकाली है ये वैल्यू आपके सामने जो लिखी हुई है ये तुम्हारी इंस्टेंटेनियस पावर है मुद्दे की बात यह है कि आपसे कभी भी कोई भी इंस्टेंटेनियस पावर पूछता ही नहीं है मतलब तुम्हें यह फॉर्मूला याद ही नहीं करना क्यों नहीं क्योंकि आपको पता है कि ये पावर लगातार हर एक मोमेंट पे चेंज हो रही है एसी सर्किट में जब भी पावर बोला जाता है तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब एवरेज पावर होता है बाय डिफॉल्ट उसका मतलब क्या होता है एवरेज पावर होता है तो अगर हमें इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है देखो एवरेज पावर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा एवरेज पावर एवरेज पावर का मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक टाइम इंटरवल में जो टोटल एनर्जी सप्लाई हुई डिवाइडेड बाय टोटल टाइम मान लो एक टाइम इंटरवल में जो टोटल एनर्जी सप्लाई हुई वो हुई सौ जूल और टाइम इंटरवल है तुम्हारा दस सेकेंड तो सौ जूल बटे दस दैट इज द एवरेज पावर तो हमारा जो इंटरेस्ट है ना वो एवरेज पावर निकालने में रहता है अगर आप यहाँ पे एवरेज वैल्यू किसी भी फंक्शन की निकालना चाहते हैं तो आप एवरेज वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं इंटीग्रल ऑफ पी डी टी जीरो से टी डिवाइडेड बाई टी और ओवर अ वन टाइम इंटरवल बात कर रहे हैं तो इस स्मॉल टी को हटा करके कैपिटल टी लिख सकते हैं तो देखना यहाँ पर अगर हम एवरेज वैल्यू निकालना चाहें तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है वी नॉट आई नॉट बाई टू यहां पर हम लिखेंगे कॉस फाइव की एवरेज वैल्यू माइनस ऑफ कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव की एवरेज वैल्यू अगर थोड़ी बहुत मैथ्स आती है अगर तुम्हें थोड़ी बहुत मैथ्स आती है तो ये बात समझ में आ रही होगी कि कॉस फंक्शन की एवरेज वैल्यू एक इंटरवल में कितनी हो जाएगी जीरो और ये वाला टर्म तुम्हारा कॉन्स्टेंट आ रहा है प्रूफ समझ में आया या नहीं आया लेकिन अब जो रिजल्ट बताने वाला हूँ वो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से तुम बात समझ पा रहे हो कि अगर मैं एवरेज पावर कैलकुलेट करूंगा तो वो टर्म मेरे सामने बनेगा वी नॉट आई नॉट बाई टू कॉस फाइव वन ऑफ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जरा ध्यान से देखना इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है निगाहें स्क्रीन पर रखना टू को मैंने तोड़ दिया रूट टू रूट टू का मल्टीप्लाई कर दिया यहां पे वी नॉट और ये हो गया आई नॉट बाय टू इंटू कॉस ऑफ फाइव अगर आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो पीक वैल्यू को रूट टू से डिवाइड कर देते हैं तो ये आर एम एस बन जाता है और ये भी आर एम एस बन चुका है तो यहाँ पे तुम्हें समझ आ रहा होगा कि जो एवरेज पावर निकल करके आएगी वो निकल के आएगी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय कॉस फाइ कुछ याद हो या ना हो लेकिन ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि तुम्हें याद हो जाना चाहिए यहाँ पे ये जो टर्म दिखाई दे रहा है आपको कॉस फाइव इस कॉस फाई का एक नाम है और उस नाम को मैं आपको बताना चाहूंगा इसको बोलते हैं पावर फैक्टर फाइ क्या था जरा ऑब्जर्व करिएगा यहाँ पे देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फाइ था फाइव वो करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस था करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस था अगर आपको इम्पिडेंस ट्रैंगल याद है तो जरा ऑब्जर्व करिएगा मैं इंपीडेंस ट्रैंगल आपको याद दिलाना चाहूंगा मान लो कि ये आपका फाइ है ये आर है Z है अगर आपको इंपिडेंस ट्रायंगल याद है तो जल्दी से देख करके बताइएगा यहां पर ये Z और ये R अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पे cos phi की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं आपको अगर समझ में आ रहा है तो स्क्रीन में जल्दी से फटाफट टाइप करके बताइएगा क्या यहां पे cos phi बराबर मैं बेटे R बटे Z लिख सकता हूं ज बेस डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन क्या मेरे पास यहाँ से पावर फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी वन ऑफ अट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला सर इसको पावर फैक्टर क्यों बोला जा रहा है क्योंकि टर्म में आ रहा है इसलिए इसका नाम पावर फैक्टर पड़ गया है एक और बात बताएगा ध्यान से निगाह स्क्रीन पर रखेगा मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा अगर मैं आपसे पूछू आई आर एम एस की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं क्या आप आई आर एम एस की वैल्यू को वी आर एम एस अपॉन जेड लिख सकते हैं yes तो ये फॉर्मूला जो आपको दिखाई दे रहा है इसी फॉर्मुले को अगर आप इन सभी वैल्यूज को सब्सिट्यूट कर दें तो आपको शायद दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो मैंने एवरेज पावर आपके सामने लिखी है उसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वी आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस वल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ आई आर एम एस और आई आर एम एस की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी कितनी लिखी हुई है यहाँ पे वी आर एम एस बटे जेड मतलब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को अगर पुट करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ वी आर एम एस डिवाइडेड बाय जेड मल्टीप्लाइड बाय द कॉस फाइव और कॉस फाइव की वैल्यू है जरा ऑब्जर्व करिएगा मेरे भाई हो यहां पर यह बन जाएगा स्क्वायर और इसी एक्सप्रेशन को कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे कि वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय द जेड स्क्वायर और यहां से जो ये टर्म निकल करके आया ये तुम्हें क्या दे रहा है ये भी एवरेज पावर है मैं आपसे ये नहीं कहूंगा ये फॉर्मूला याद करिए ये तो बस मैंने आपको मैनिपुलेशन करके दिखाया है कई बार इस मैनिपुलेशन की जरूरत पड़ सकती है लेकिन मुझे एक बात बताइए क्या पावर फैक्टर सभी को याद हो गया क्या एक बात बताइए पावर फैक्टर सभी को याद हो गया है क्या ये पावर फैक्टर पे बोरी भर भर के सवाल पूछे गए इतने सवाल पूछे गए कि तुम्हें ही शर्म आ जाएगी एनटीए वालों पर कि एनटीए वालों थोड़ी तो शर्म कर लेते क्या एसी सर्किट में तुम्हें और कहीं सवाल नहीं मिले हर बार हर बार हर शिफ्ट में एक पावर फैक्टर का सवाल पूछा गया है इतने सवाल पूछे गए हैं कि तुम्हें फॉर्मूला याद भी नहीं होगा तो एन वाले तुम्हें फॉर्मूला याद करवा देंगे क्योंकि जब तक भी वाइक यूज को सॉल्व करोगे हर दूसरा सवाल ए में तुम्हें पावर फैक्टर का ही मिलेगा माहौल सेट है मेरे भाई तैयार हो क्या क्या ये फॉर्मुला सभी को याद हो गया वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टार मार्क कर देता हूं मैं आपको रिकमेंड करूंगा फॉर्मुला जरूर याद कर लीजिएगा दिस इज अवरेज पावर वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव एक और टर्म आपको यहां पे बता देता हूं जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है सवालों को सॉल्व करते समय और एक बार इवन क्वेश्चन भी पूछा गया था इसलिए मुझे लगता है वो बताना बहुत जरूरी है जरा सुनिएगा वो टर्म क्या है वॉटलेस करेंट उसको इस तरीके से बोलते हैं कि देखो यार करंट जो है ना करंट वो कैसे बोल रहे हैं आई आर एम एस कॉस फाई आई का कॉस फाई कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट पावर तो आई का जो दूसरा वाला कंपोनेंट है वो क्या होगा एक और सुनिएगा बात ध्यान से सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा निगाहें स्क्रीन पर रखिएगा जहां नजरें हटी वहीं दुर्घटना घटी यहां पर आई आर एम एस इनटू साइन फाई i rms into sin phi ये एक टर्म डिफाइन किया जाता है जिसको इन्होंने नाम रख दिया है वॉटलेस करेंट इसकी फील में मत जाइएगा बस फॉर्मूला याद रखिएगा आपका काम हो जाएगा मतलब हम यहां पे ये कह है सकते हैं करंट का वो कंपोनेंट जो कॉस phi के परपेंडिकुलर है मतलब साइन phi वाला कंपोनेंट जो है ये पावर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या वाटलेस वाटलेस मतलब नो कंट्रीब्यूशन लेस करंट पीछे वाली जनता माहौल सेट है एकदम सेट है भाइयों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी से बताओ फटाफट एकदम भाई सभी को समझ में आ गया तो वन टाइप करें माहौल बहुत तगड़ा हो रखा है भाइयों स्पीड बराबर इसी तरीके से चलेगी एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करते जाएंगे पीवाई क्यूज को सॉल्व करते जाएंगे दन दनादन -दन आगे बढ़ते जाएंगे और ये सेशन तब तक चलेगा जब तक वो ए सी को निपटा नहीं दे, दे देंगे और जब तक सारे भाई लोग एक साथ नहीं बोलेंगे कि सर क्या ऑसम सेशन था क्या अमेजिंग सेशन था क्या शानदार आपने ए सी पढ़ाया इतना शानदार ए सी पढ़ाया कि एक भी ऐसा पीवाई क्यू नहीं है जो हमसे सॉल्व ना हुआ हो चलन दो माहौल सेट है अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है मैं चाहूंगा निगाहें स्क्रीन पर रखिएगा क्वेश्चन को फटाफट से पढ़िएगा क्या दिया हुआ देखिएगा हाँ आदित्य बेटा क्वेश्चन का आंसर दो स्टाइल मत मारो यहां पे बता रहे हैं तुम्हें क्वेश्चन का आंसर बताओ पावर फैक्टर पूछा जा रहा है इंडक्टर कॉइल इंडक्टर कॉइल का मतलब समझ गए इंडक्टर और वही इंडक्टर कॉइल मतलब चौक कॉइल ठीक वाह एक्सेल भी बता दिया जेड भी बता दिया ओके इज कनेक्टेड विद सोर्स ऑफ वोल्टेज हंड्रेड वोल्ट पावर फैक्टर के भैया कह रहे हैं सर कल आपको सलीम सर याद कर रहे थे भाईजान को नमस्कार बोलिएगा सलीम भाई को वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड काफी लंबे समय से मुलाकात नहीं हो पा रही है भाई से क्वेश्चन समझ में आ गया मेरे भाई सबसे पहले क्या करना है किसी भी सवाल में इंपिडेंस ट्राइंगल ड्रॉ कर देने का इम्पिडेंस ट्रायंगल ड्रॉ कर देने का यहां पे आपको जेड दे दिया गया ये रहा भाई जेड जेड कितना है पचास ओम एक्सएल की वैल्यू कितनी है तीस ओम मुझे ऐसा लग रहा है आर की वैल्यू तो देखते ही पता चल गई चालीस ओम क्या भाई ये दो कौड़ी का सवाल है क्या है क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा इस ट्रायंगल में अगर ये वाला एंगल पूछ लूँ तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है क्या ये सैंतीस डिग्री एंगल है या नहीं है और तुमसे पहले सवाल में पूछा गया पावर फैक्टर ए पार्ट में बेटे पावर फैक्टर पूछा गया क्या पावर फैक्टर की वैल्यू कॉस्ट फाइव होती है बहुत बढ़िया मेहता साहब का चार हज़ार आंसर आ रहा है स फाइव की वैल्यू होती है आर आर की वैल्यू होती है चालीस बट ए जेड जेड की वैल्यू है पचास मेरे हिसाब से फोर बाई फाइवर ऑफ अट अब आते हैं बी पार्ट पर एवरेज पावर सप्लाईड बाई दोर्स ऑफ अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोर्स ने जो एवरेज पावर सप्लाई करी है उसका फॉर्मूला क्या लिखोगे वी आर एम एस ये रहा वी आर एम एस यार आई आर एम एस तो दिया ही नहीं है अब कैसे करोगे सवाल छोड़ दू क्या क्यों आई आर एम एस तो दिया ही नहीं है अभी नाला को जेड तो दिया है ना अगर जेड दिया हुआ है तो आई आर एम एस निकाल सकते हो अभी वही तो समझा रहा था पीछे वाले पेज पर तो आंसर मानसवी ने बताया है एक सौ साठ कृतिका गुप्ता ने भी एक सौ साठ बताया जा रहा भाई। है कन्या आंसर दे रही है कन्या बहुत सीरियस है कन्या बिल्कुल एकदम बहुत मेहनती होती है भाई तुम लंगूरो जैसी नहीं है वो तो बिल्कुल टाइम पास कर रहे हैं कन्याओं ने आंसर बताया तो एकदम सही बताया होगा कॉन्फिडेंस से साथ बोल रहा हूँ आग बंद करके लिख सकता हूँ एक सौ साठ ही आएगा आंसर क्या मेरी बात समझ में आ गई है आप लोगों को क्या यहाँ से तुम्हारे पास एवरेज पावर आ चुकी है अब यहाँ पर अगला सवाल सी पार्ट क्या पूछा गया सी पार्ट में पूछा है एवरेज पावर डिसिपिएटेड इन रजिस्टर हाउ विल यू कैलकुलेट दिस फैक्टर ये फैक्टर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे रजिस्टेंस में जो पावर डिसिपिएटेड होती है ध्यान से सुनना एवरेज पावर डिसिपिएटेड जो रजिस्टेंस में होती है मुझे उम्मीद है तुम्हें मैं फॉर्मूला याद होगा आई स्क्वायर इंटू आर लेकिन इसमें जो आई होता है ये आर एम एस वैल्यू होती है ये आई जो होता है वो आर एम एस वैल्यू होती है जल्दी से बताइएगा आई आर एम एस आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आ रही है ये तो हम निकाल ही चुके हैं सौ बटे पचास दो दो का स्क्वायर चार इंटू आर आर कितना था चालीस मैं ये सवाल कराने के पीछे मेरा एक ऑब्जेक्टिव है क्योंकि सी पार्ट का आंसर भी वही आएगा जो बी पार्ट का आंसर आ रहा था सी पार्ट का आंसर भी वही आएगा जो बी पार्ट का आंसर आ रहा था एक्चुअली मैं ऑन एन एवरेज पूरे साइकिल में पावर जितनी भी सोर्स ने सप्लाई करी है वो हीट लॉस में ही जाएगी कैसे भैया फोकस करो पढ़ाई पर मार पड़ेगी बता रहे हैं पापा की परी अभी बना देंगे तुम्हें परा यहीं पे नाले में दिखाई दोगे छोटी गंगा में डुबकियाँ मारते हुए देखोगे फिर बोलोगे कि छोटी गंगा बोल करके नाले में डुबा दिया क्या सभी का आंसर आ गया क्या इंटरेस्टिंग बात यह है कि एवरेज वैल्यू जब भी आप निकालेंगे तो जो पावर डिसिपिएट हुई है रजिस्टर में वही सोर्स की पावर सप्लाइड होगी आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं क्या आगे बढ़ा जाए भाइयों क्या भाई ये सवाल सॉल्व कर पाओगे चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पावर एनालिसिस इन एलसीआर सर्किट मैं अब थोड़ा डिटेल्ड में एनालिसिस करने वाला हूं और मैं चाहूंगा आप लोग यहां पे ध्यान से देखते रहिएगा थोड़ा सा स्पीड अप करूंगा लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा अभिनब बेटा तुम्हारी यही हरकतें नहीं तो तुम्हें तो हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे ना लाइक हमारे स्टूडेंट्स आंसर निकाल रहे हैं मेहनत कर रहे हैं तुम सारा यहाँ पे चैट में टाइप किए जा रहे हो ना लाइक तुम जैसों को तो बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे तुम डिजर्व ही नहीं करते हमसे पढ़ना बहुत बढ़िया जय एस्पिरेंट दो हजार तेईस ने एक बहुत शानदार सवाल पूछा कि सर हम यहाँ पर इस वाले सवाल में सुने का ध्यान से बढ़िया सवाल पूछा कि सर इस वाले सवाल में हमने वी स्क्वायर बाय आर क्यों नहीं लगाया कौन बताएगा इस बात का आंसर बेटा लगा सकते हो वी स्क्वायर बाय आर लेकिन याद रखो कि इसमें जब वी लिखोगे ना वी तो ये वी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस होना चाहिए ये जो वी है ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस होना चाहिए यही तो गलती करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस होना चाहिए ये और जो तुम्हें ये वी दिया हुआ है ना ये वाला वी ये तो सोर्स के अक्रॉस है और सोर्स और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम थोड़ी आएगा क्योंकि आप खुद ऑब्जर्व करो आपके पास एक इंडक्टर है बेटा और एक रेजिस्टेंस है और ये इस तरीके से कनेक्टेड है तो ये वी लिखो और ये वी है तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जो वी है वो ऑब्वियस सी बात है वी के बराबर थोड़ी ना होगा तो ये वाला V और ये वाला V अलग अलग होता है या तो तुम पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाल लो तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा ठीक है समझ गया बेटा समझ गया बहुत बढ़िया अब आते हैं पावर एनालिसिस इन एलसीआर सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहीं से मैं रेजोनेंस को पढ़ा दूंगा आपको पता भी नहीं चलेगा कब हम रेजोनेंस वाली कंडीशन में एंटर हो जाएंगे देखिएगा ध्यान से हम यहां पे करने क्या जा रहे हैं वो सुनेगा ध्यान से ये आपके पास इंडक्टर ठीक ये रेजिस्टेंस और ये रहा कैपेसिटर हमने यहां पे सोर्स कनेक्ट किया है क्या कनेक्ट किया है सोर्स कनेक्ट किया हुआ है और हम ये निकालना चाहते हैं कि इस सर्किट में जो पावर लॉस है या पावर सप्लाइड जो है वो कितना होगा तो बेटा ये बात तो तुम्हें तो समझ में आ ही रही होगी अभी थोड़ी देर पहले निकाला था वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस मल्टीप्लाइड yes no. बाय पे इसी वैल्यू को ऐसे लिखा जा सकता है मतलब यहाँ तक तो उम्मीद है समझ आ गया होगा मैं अब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से मैं यहाँ उमेगा को चेंज कर रहा हूँ मतलब जो सोर्स है ना उसकी फ्रिक्वेंसी को लगातार चेंज कर रहा हूँ और ये जो सोर्स पावर सप्लाई कर रहा है ना उसको मेजर करता चला जा रहा हूँ इसकी मैं पीक वैल्यू चेंज नहीं कर रहा पीक वैल्यू सेम रखी है मैंने लेकिन किसको चेंज चेंज कर कर रहा हूं? कर रहा हूं हूं ओमेगा को तो मुझे एक बात बताना जब तुम ओमेगा को चेंज करोगे तो तुम्हारा जेड चेंज होगा ना क्योंकि तुम जानते हो जेड जब तुम लिखते हो तो जेड जब लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर तो तुम्हें पता है एक्सएल और एक्ससी जो है वो किस पर डिपेंड करते हैं ओमेगा पे डिपेंड करते हैं तो तुम्हारा जेड चेंज होगा तो अगर मैं तुमसे यहां पर यह पूछूं कि मुझे पावर को मैक्सिमम करना है मुझे क्या करना है पावर को मैक्सिमाइज करना है पावर सप्लाइड सोर्स पावर सप्लाइड सोर्स जो है इसको क्या करना है मैक्सिमम तो ये मैक्सिमम कब होगी तो मैं समझ आ रहा होगा टर्म तो कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूं ये मैक्सिमम तब होगी जब जेड मिनिमम होगा जब तुम्हारी जो जेड की वैल्यू है वो मिनिमम होगी और एक बात बताना जेड तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ है देखो आर तो उमेगा पे डिपेंड ही नहीं करता आर तो उमेगा से इनडिपेंडेंट होता है लेकिन XL और उमेगा पे डिपेंड करते हैं तो मुझे एक बात बताओ जेड की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है जेड की मिनिमम वैल्यू मेरे हिसाब से तब आएगी जब एक्स बराबर एक्सी हो जाएगा आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे जैसे ही एक्सएल बराबर एक्ससी हो गया और ये किस उमेगा पे होगा ये भी निकाल सकते हो आप यहाँ पे ये कह सकते हो जब उमेगा रूट एल सी। मतलब ये वो उमेगा निकल करके आया है जिस उमेगा पर एक्सएल और एक्ससी दोनों बराबर हो जाएंगे और आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो अगर एक्सएल एक्सी के बराबर हो गया मतलब ये वो वाली कंडीशन होगी दोनों लड़के आपस में कटपिट के मर गए एक्सएल <laughs> ने एक्सी को काट पीट के फेंक दिया दोनों बराबर ताकतवर थे आपस में लड़ गए आपस में लड़ने से फायदा हो गया भैया फायदा क्या हो गया यहाँ पे जेड की मिनिमम वैल्यू जो थी वो तुम्हारे पास आर के बराबर आ गई मेरे भाई क्योंकि एक्सएल एक्सी के बराबर हो चुका है यस और नो यस और नो जरा ध्यान से सुनना ये जो तुमने फ्रीक्वेंसी निकाली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी है और इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेट फ्रीक्वेंसी अब मैं यहां से आपको रेजोनेंस का मतलब समान समझाने जा रहा हूं रेजोनेंस का मतलब समझते हो तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा ये फ्रीक्वेंसी तुमने इससे पहले कभी देखी थी जिन लोगों ने एलसी सी पढ़ा है उन्होंने कल देखा था ये वाली फ्रीक्वेंसी आई थी जिन्होंने एलसी सी पढ़ा है उनको याद आ रहा होगा कि ये वाली फ्रीक्वेंसी आई थी आई थी या नहीं आई थी हाँ अब देखेगा देखो दो चीजें होती हैं एक होता है सोर्स और एक होता है रिसीवर सोर्स वो है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है और रिसीवर वो है जो एनर्जी लेता है तो यहां पर ये रहा सोर्स जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा और ये है ये है सर्किट आपको दिखाई दे रहा होगा अगर तुम ध्यान से देखो तो ये तुम्हारे पास एक एलसी सर्किट दिखाई दे रहा है यस और नो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर मैं बात करूं तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वही होगी जो आपने कल पढ़ी थी तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमें आउटपुट मैक्सिमम मिले तो आउटपुट मैक्सिमम तभी मिल सकता है जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी और रिसीवर की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए जैसे फॉर एग्जांपल भाई लोग तुम मुझे सुन रहे हो तुम्हारे ज्ञान लेने की अपनी एक फ्रिक्वेंसी है मतलब तुम हर एक सेकंड में कितने कॉन्सेप्ट्स सीख सकते हो वो तुम्हारी अपनी एक एफिशिएंसी है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी और यहां पर मैं सोर्स जो आपको ज्ञान दे रहा हूं उसकी एक फ्रीक्वेंसी है अब आप सोचो कि आपका परफॉर्मेंस मैक्सिमम कब आएगा आप एग्जाम में कब फोड़ करके आओगे जल्दी से सोच करके बताओ आप एग्जाम में फोड़ के तब आओगे जब आपके सीखने की फ्रीक्वेंसी मतलब रिसीव करने की फ्रीक्वेंसी और मेरे ज्ञान देने की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए मैच हो जाए मतलब आपकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है और मेरी फ्रिक्वेंसी है मैच हो गई तो आप कहोगे सर अलग ही आनंद की अनुभूति हो गई आपका परफॉर्मेंस अपने आप इंक्रीज कर जाएगा यस और नो मानते हो मेरी बातों को इस बात को तो बिल्कुल वही कहानी मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं ये जो कहानी मैं समझा रहा हूं ना इसी फिनोमिना को रेजोनेंस बोला जाता है जैसे ही इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगी तो मैं समझ में आ रहा है यहां पे पावर मैक्सिमम हो जाएगी और आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे यहां पर ये रेजोनेटिंग रेजोनेटिंग कंडीशन कंडीशन की अगर मैं बात करूं, तो सुनना ध्यान से पे हमें बहुत सारी बातें समझ में आ जाती हैं क्या क्या सुनना एक्स एल बराबर पॉइंट है ना दूसरा पॉइंट अपन कह सकते हैं यहाँ पे जेड की जो वैल्यू है वो मिनिमम होती है और वो किसके बराबर होती है आर के बराबर होती है, है। साथ ही साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तुम्हारे पास पावर फैक्टर कितना होगा पावर फैक्टर जानते हैं आप आर बाई जेड लिखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा जेड की वैल्यू भी आर हो चुकी है तो पावर फैक्टर वन हो चुका है और यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा अगर कॉसफाई वन हो चुका है ये वो वाली कंडीशन होगी जहां पर आई एंड वी आर इन सेम फेज मतलब करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में आ चुके हैं क्योंकि एक्सएल और एक्सी दोनों आपस में लड़के निपट चुके हैं दोनों ताकतवर बराबर थे तो ये निपट गए हैं तो करंट और वोल्टेज क्या सेम फेज में आ चुके हैं क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं कि अगर कोई मुझसे पूछे फाई की वैल्यू क्या होगी तो फाई की वैल्यू जीरो होगी वी केयरफुल Power factor one होगा, लेकिन ये angle zero होगा इसमें confuse मत हो जाना। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि जेड की वैल्यू आर तो के बराबर हो गई है तो यहां पर जो पावर तुमने निकाली थी क्या वो वैल्यू तुम्हारे पास वी स्क्वायर बाय आर आ चुकी है क्या ये रेजोनेटिंग कंडीशन की ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ चुकी हैं क्या तो यहां से तुम्हें देख करके समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं यहां पे पावर सप्लाइड वर्सेज उमेगा का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ये ग्राफ कैसा बनेगा सुनिएगा ध्यान से मुझे एक बात बताना देखना ध्यान से क्या ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है तुम्हें अभी जग रहे हो या सो गए मुझे जल्दी से एक बात बताना वैन ओमेगा टेंस टू जीरो जब ओमेगा की वैल्यू जीरो होगी क्या मैं उस समय कह सकता हूं एक्सी टेंस टू इंफिनिटी होगा और अगर एक्सी टेंस टू इंफिनिटी हुआ कैन आई से दैट कि जो जेड की वैल्यू होगी दैट इज टू इंफिनिटी यस और नो और अगर जेड की वैल्यू इंफिनिटी हो गई तो आपको समझ में आ रहा है यहां पर डिनोमिनेटर में जेड स्क्वायर रखा हुआ है तो इंफिनिटी का स्क्वायर करोगे तो क्या मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि इस केस में तुम्हारी पावर जो आएगी वो जीरो आएगी हा या ना मतलब अगर तुमने उमेगा जीरो कर दिया तो पावर जीरो हो जाएगी ये बात क्लियर है क्या ये बात क्लियर है भाई एक और चीज पूछना चाहूंगा अगर तुम्हारा उमेगा बहुत ज्यादा हो जाए उमेगा बहुत हाई हो जाए मतलब ये मान लो उमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए अगर उमेगा इनफाइनाइट हो गया तो मैं कहूंगा इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल होता है उमेगा एल और उमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी पहुंच गई तो क्या मैं कह सकता हूं एक्सेल की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी और जनाब अगर एक्सेल इन्फिनिटी हो गया तो भी तो जेड आपका जो दिखाई दे रहा है क्या ये इंफिनिटी हो जाएगा और अगर जेड इंफिनिटी हो गया क्या यहां से दिखाई दे रहा है तुम्हारी इस केस में भी पावर जीरो हो जाएगी मतलब अगर उमेगा जीरो हुआ तो भी पावर सप्लाइड जीरो होगी और अगर उमेगा इनफाइनाइट हुआ तो भी पावर सप्लाइड जीरो होगी मतलब जीरो पर भी जीरो और इन्फिनिटी पर भी जीरो क्योंकि तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर जीरो हुआ तो एक्सी बहुत हाई हो जाएगा और अगर इंफिनिटी हुआ तो एक्सएल बहुत हाई हो जाएगा क्या यहां तक मेरे है है तो तो पर अगर मैं पावर का ग्राफ बनाता हूं, तो ये ग्राफ बनाता ऑब्जर्व ये जो है, वो उमेगा जीरो पे भी जीरो होगा और इन्फिनिटी पे भी जीरो होगा, इस तरीके का बनेगा और ये वैल्यू जहां पे मैक्सिमम होगी वो तुम समझ पा रहे हो वो तुम्हारी और ये पीक वैल्यू तुम निकाल चुके हो ये पीक वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आई थी क्या आर मैक्सिमम वैल्यू का प्रयास कर रहा हूं क्या ये समझ, में आ रहा है? क्या समझ में आ रही है क्या पावर फैक्टर समझ में आ रहा है यहां पर एक्सएल एक्ससी के बराबर हो चुका है बस ये बात तुम्हें याद रखनी है अच्छा एक और बात बताना अगर मैं यहाँ पे जेड का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं किसका ग्राफ जेड का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा जेड वर्सेस ओमेगा का तो शायद तुम्हें समझ पा रहे हो गेड की वैल्यू जीरो थी तो भी सॉरी ओमेगा की वैल्यू जब जीरो थी तो भी ये इन था ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा क्योंकि जब उमेगा जीरो था तो भी जेड इंफिनिटी को अप्रोच करेगा और जब उमेगा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो भी ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा और यहां पर ये वो वाली पॉइंट है जहां पे जेड की वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी और यहां पर ये ओमेगा आर हो जाएगा मैदान में टिके हो जागते रहो सोना नहीं है यस और नो मतलब तुम ये समझ पा रहे हो कि रेजोनेटिंग कंडीशन पर क्या जेड मिनिमम होता है अरे ये वही तो कंडीशन होती है जहां एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है आपस में यही इसीलिए तो कहते हैं अगर आपस में लड़ भिड़ के ये निपट गए तो इसमें सर्किट का फायदा हो गया सर्किट में पावर सप्लाइड अपने आप मैक्सिमम हो गई इन्हीं ने तो माहौल खराब कर रखा था ये लड़ मड़ के निपट गए आपस में और इनके निपटने के बाद तुम सोचो कि ये वी और आई कितने खुश हैं ये वी जो है वो अब आई के साथ आ गया है इन एक्सेल और एक्सी ने ही तो यहाँ पर बेवफाई फैलाई थी एक कह रहा था पाई बाई टू आगे चलेंगे एक कह रहा था पाई बाई टू पीछे चलेंगे ये आपस में निपट गए और आज आई और वी दोनों साथ साथ चल रहे हैं दोनों एक सेम फेज में आ चुके हैं क्या मेरे भाइयों को समझ आ रहा है तो तुम्हें यहां से देख करके एक बात और समझ में आ गई होगी जरा ध्यान से सुनना जय एडवांस में एक सवाल पूछा गया था बहुत ही दो कड़ी का सवाल था क्या था वो कि अगर उमेगा की वैल्यू उमेगा आर से ज्यादा हो गई उमेगा की वैल्यू उमेगा आर से ज्यादा हो गई मतलब तुम यहां पे पहुंच जाओगे इधर वाली कंडीशन में तो इसका मतलब एक्स एल जो है वो एक्स सी से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उमेगा ज्यादा होगा तो एक्सेल बढ़ेगा एक्सी घटेगा और अगर एक्सेल एक्सी से ज्यादा हो गया तो हम ये कह सकते हैं इस केस में यहां पर जो वी है वो लीड करेगा और अगर तुम्हारा ओमेगा ओमेगा आर से कम हो गया मेरे भाई तो एक्सेल की वैल्यू एक्सी से कम हो जाएगी तो इस केस में जो करंट है करंट वो लीड करेगा वोल्टेज को मतलब मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि अगर तुम इसके पीछे चले गए अगर तुम इस पॉइंट के पीछे चले गए तो यहाँ पर कौन लीड करेगा आई लीड करेगा यहाँ पे वी लीड करेगा और इस वाले पॉइंट पर कोई लीड नहीं करेगा मतलब ये वाली कंडीशन जो है इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो सर्किट है सर्किट वो आपको इंडक्टिव नेचर शो कर रहा है क्योंकि इंडक्टेंस जीत गया इंडक्टेंस कब जीतेगा जब उमेगा उमेगा आठ से ज्यादा होगा मेरे भाई ये उमेगा आठ समझ पा रहे हो क्या लिखा हुआ है दिस इज रेज़ोनेटिंग फ्रीक्वेंसी दिस इज रेज़ोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और अगर एक कम हो गया तो यहां पर यह कैपेसिटिव नेचर शो करेगा समझ लो पढ़ लो कोई तकलीफ है तो पूछ लो हा बेटा वी का मतलब वी आर एम एस है ये जितने भी वी लिखे हुए हैं बाय डिफॉल्ट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ये वी आर एम है क्लियर है बात निपटना नहीं है भाई मैदान में टिके रहना है आखिरी दम तक कोई सोएगा नहीं भाई पूरा निपटा के जाएंगे आज यहाँ तक क्या ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन <coughs> बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं माहौल को थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं ये रहा तुम्हारे सामने क्वेश्चन चलो बताओ क्या आंसर आएगा व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जय मीन्स दो हजार अठारह में पूछा गया ये सेम सवाल देखना बहुत सिंपल क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड द एवरेज पावर कंज्यूम बाय द सर्किट एंड दॉटलेस करेंट आर वॉट मुझे एक बात बताना एवरेज पावर क्या फॉर्मूला याद है तुम लोगों को एवरेज पावर वी आर एम एस हंड्रेड बाय रूट टू इंटू आई आर एम एस ट्वेंटी बाय रूट टू क्या मैं सही लिख रहा हूं और यहां पे लिखते थे कॉस फाइव एक बात बताना फाइव क्या होता था फेज डिफरेंस इन्होंने सब कुछ खुद ही बता दिया इन्होंने सब कुछ खुद ही बता दिया यहां पे तुम्हें दिखाई दे रहा है ये जो फेज डिफरेंस है ये कितना है पाई बाई फोर है तो कॉस फाइव कॉस फाइव की वैल्यू मतलब पाई बाय फोर पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है ख़त्म ही हो गया ये वैल्यू कट जाएगी आ जाएगा दस ये वैल्यू आ जाएगी वन थाउजेंड बाई रूट टू ये मेरे हिसाब से एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है ये रहा ये दस क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे पूछा गया ना वाटलेस करेंट दिखाई दे रहा है वाटलेस करंट दिख रहा है सभी को थोड़ी देर पहले बता रहा था वाटलेस करंट क्या होता है निकाल लेते हैं एक बार जरूरत तो पड़ी जाएगी वाटलेस करंट का मतलब क्या होता है आई आर एम एस इंटू साइन फाइव यही होता है ना बेटा आई आर एम एस कितना है ट्वेंटी बाई रूट टू इंटू साइन फाइव साइन फाइव फाइव की वैल्यू क्या लिखोगे पाई बाई फोर बताओ कितना आ गया ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टू कितना आ गया टेन ए विल बी द करेक्ट आंसर डायरेक्ट खत्म अगले सवाल पर आते हैं आई ट्रिपल ही दो हजार दस में पूछा गया सवाल पढ़ो फटाफट सवाल पढ़ो फटाफट और बताओ भाई कोई सोएगा नहीं भाई लगे रहो लगे रहो अभी तो क्या है ज्यादा नहीं बचा हुआ लगे रहो अंकिता बताओ बेटा इसका आंसर क्या आएगा देखना कैसे घुमा के सवाल पूछा गया <coughs> हाँ, दो हजार दस दो हजार दस तुम्हें बड़ी स्माइल आ जाती है भाई अक्षित शर्मा सर वाचिंग फ्रॉम आगरा क्या बात है भाई फ्रॉम माय होम टाउन हा जल्दी से देखना इना सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ लो देखो क्या बोला जा रहा है सुनना ऑन टेकिंग आउट द कैपेसिटेंस एक एलसीआर सर्किट में जब हम कैपेसिटेंस को बाहर निकाल देते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं जो करंट है ना करंट वो 30 डिग्री लैग करता है ठीक है मतलब वोल्टेज जो है वो 30 डिग्री क्या करता है लीड करता है फिर आगे क्या बोला जा रहा है ऑन टेकिंग आउट द इंडक्टर फ्रॉम द सर्किट लीड्स द वोल्टेज बाय 30 डिग्री मतलब जब तुम इंडक्टर को निकाल देते हो तो जो करंट है वो 30 डिग्री लीड करता है मतलब तुम एक बात समझ पा रहे हो यहां से तुम्हें कुछ समझ में आना चाहिए कि के बराबर होगा ना तभी ऐसा होगा के बराबर होगा होगा तभी ऐसा हो ये कहीं ना कहीं तुम्हें रेजोनेटिंग कंडीशन की तरफ घुमाना चाह चाह रहा है अभी दोनों बराबर ताकतवर होंगे तभी तो ऐसा होगा एक कह रहा है थर्टी डिग्री लेग एक कह रहा है थर्टी डिग्री लीड खत्म हो गया पावर डिसिपिएटेड इन एलसीआर सर्किट दो कौड़ी का सवाल दो कौड़ी का सवाल तुम्हें तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे तो सीधे सीधे एक्सएल और मैक्सिमम पावर ही हो गई तो तो मतलब ना यार और मैक्सिमम पावर सीधे थोड़ी देर पहले एक बात और समझा दी थी जो भी वी दिया होता है वो आर दिया होता है याद है तो यहाँ पे क्या करोगे दो का स्क्वायर मतलब दो सो बीस ये लो भैया आंसर आ गया कितना आ रहा है आंसर देख लो भाई आंसर शुड बी बाईस इंटू बाईस आधा कर दो चार सौ चौरासी का तो मेरे हिसाब से आंसर शुड बी ए देख रहे हो रेजोनेटिंग कंडीशन का सवाल है लेकिन घुमा के पूछा है सीधा नहीं पूछा भाई उन्हें मैक्सिमम पावर वी स्क्वायर बाय आर सीधे सीधे एक लाइन का सवाल दो सौ बयालीस वाट चेक करो फटाफट समझ में आया कि नहीं आया <coughs> और करें सवाल चलो भाई जे एडवांस पे आ जाते हैं जे एडवांस 2017 में देखिएगा सवाल पड़ेगा समझने की कोशिश करिएगा और आंसर दीजिएगा क्या रहा है शिवम पूछ रहा है सर आपसे हो गया था क्या अभी नालायक मुझसे नहीं हुआ होगा क्या इतने हलवा सवाल नहीं होंगे मुझसे सिलेक्शन कैसे होगा फिर भाई का हाँ हाँ मेरा सही हो गया था चलो अगर ऐसे भी सवाल सही नहीं करूंगा तो सही कौन सा करूंगा टफ तो वैसे भाई को नहीं आते थे आसान सही करके आया था चलो चलो बताओ ये देखो ये भी एलसीआर सर्किट का ही क्वेश्चन है एलसीआर एलसीआर तीनों दिखाई दे रहे हैं ओके okay, ठीक है एल की वैल्यू दी हुई है सी की वैल्यू दी हुई है आर की वैल्यू दी हुई है पढ़ते हैं द फ्रीक्वेंसी एट विच द करेंट विल बी इन फेस विद द वोल्टेज इज इनडिपेंडेंट ऑफ आर कहना क्या चाह रहा है करंट और वोल्टेज जो सेम फेज में होते हैं वो आर की वैल्यू से इंडिपेंडेंट होते हैं बिल्कुल सही बात है क्योंकि आपने निकाल निकाली रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो तो वैसे भी एल और सी पे डी डिपेंड करता है आर तो कहीं होता ही नहीं है इसका मतलब ए ऑप्शन क्या है करेक्ट है यस और नो चलो आगे बढ़ते हैं ओमेगा टेंस टू जीरो द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम्स नियरली जीरो क्या ये सही है या गलत है आपको एक बात पता होनी चाहिए जब सर्किट में करंट जाता है वो कितना होता है वी बाई जेड आर एम एस वैल्यू की बात करूं और अगर ओमेगा की वैल्यू टेंस टू जीरो हो जाएगी क्या तुम समझ पा रहे हो जेड तुम्हारा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और अगर बेटा जेड इंफिनिटी को अप्रोच करा क्या करंट टेंस टू जीरो हो जाएगा यस और नो तो मेरे हिसाब से बी भी, भी सही है एट ओमेगा इज मच मच ग्रेटर देन ये द सर्किट बिहेव लाइक अ कैपेसिटर ओमेगा बहुत हाई होगा तो एक्सेल की वैल्यू बहुत हाई होगी एक्सेल विल बी ग्रेटर देन एक्सी क्योंकि ओमेगा बढ़ाने पर एक्सेल बढ़ता है लेकिन एक्सी घटता है तो अगर एक्सेल बहुत हाई हुआ तो ये कैपेसिटर सर्किट की तरह बिहेव करेगा या इंडक्टिव सर्किट की तरह इंडक्टिव की तरह बिहेव करेगा लेकिन इन्होंने बोला इट बिहेव लाइक अ कैपेसिटर तो सी ऑप्शन विल विल बी बी करेक्ट और और इनकरेक्ट इनकरेक्ट इट यस नो अब क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट द करेंट विल बी इन फेज विद वोल्टेज इफ ओमेगा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है करंट वोल्टेज के फेज में रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे होता है क्या रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जा सकती है निकाल के चेक कर लेते हैं उमेगा वन अपॉन रूट एल सी क्या एल की वैल्यू दी हुई है चेक करो टेन की पावर माइनस सिक्स इन टू सी सी की वैल्यू कितनी है टेन की पावर ये भी माइनस सिक्स है मेरे हिसाब से यहां से ये वैल्यू टेन की पावर सिक्स आ रही है तो इसका मतलब सही है गलत है गलत है ये लो भाई डी भी गलत आंसर क्या आ गया ए एंड बी दिस विल बी द करेक्ट आंसर देख लो भाई नहीं आया अभी भी समझ क्लियर है अप्रोच कर पाओगे सवालों को टफ है या आसान है टफ है या आसान है भाई आंसर विल बी ए एंड बी यस बिल्कुल चलिए कितने लोगों का सही था हाउ मैनी ऑफ यू जिन्होंने सही आंसर टिक किया था ग्रेट चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूं सुनिएगा ध्यान से दैट इज वेंड विथ कैलकुलेशन वेंड विथ कैलकुलेशन ऑफ आर एल सी सर्किट

तुमने पावर का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनाया था तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी वी स्क्वायर बाय आर तुम्हें एक बात समझ में आ रही होगी इस ग्राफ को देख करके मैक्सिमम वैल्यू के अलावा कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू पावर की दो फ्रिक्वेंसी पर अचीव होगी अगर मैं तुमसे यहाँ पर यह कहूँ कि जो पावर सप्लाइड है ना वो वी स्क्वायर टू आर है जो पावर सप्लाइड है वो कितनी है वी स्क्वायर टू आर है मतलब हाफ हो जाए तो इसके करस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी या दो फ्रीक्वेंसी मिलेंगी इसके करस्पॉन्डिंग आपको दो फ्रीक्वेंसी मिलेंगी और यहां पे हाफ पावर के करस्पॉन्डिंग जो दो फ्रीक्वेंसीज मिली हैं इनके बीच का ये जो गैप है दैट इज डेल्टा उमेगा और आप समझ पा रहे होंगे डेल्टा उमेगा को मैं लिख सकता हूं उमेगा टू माइनस उमेगा वन पता इसी को बैंडविड्थ बोलते हैं और कैलकुलेशन अगर हम करें कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूं मेन्स का टॉपिक है सीधे बता रहा हूं ठीक है पीडीएफ भेज दूंगा कैलकुलेशन देख लेना एक लाइन में हो जाएगा ओमेगा टू माइनस उमेगा वेन की ये जो वैल्यू है ये बाय होती है याद रखना चाहे तो ऐसे याद रख सकते हैं इंडक्टिव सर्किट का जो टाइम कॉन्स्टेंट होता था उसका जस्ट उल्टा है टाइम कॉन्स्टेंट था बाय वो टाइम था ये फ्रीक्वेंसी है तो ये उसका उल्टा हो जाएगा दैट इज एल बाय आर मतलब ये बैंड विथ जो है वो इतनी होती है और इंटरेस्टिंग बात एक और बता देता हूँ आपको यहां पर अगर ये रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है ना वो बराबर ओमेगा आर स्क्वायर के आता है ये भी फॉर्मूला याद रखिए मतलब अगर कोई पूछे ओमेगा वन ओमेगा टू क्या है ओमेगा वन एंड ओमेगा टू क्या है तो कुछ लोग इनको बोलते हैं हाफ पावर एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हाफ पावर एंगुलर यस और नो आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि जो पावर होती है वो पावर क्या होती थी वी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इन आर स्क्वायर और कहीं ना कहीं मैं इस वैल्यू को इसके बराबर कर रहा हूँ किसके बराबर वी स्क्वायर अपॉन टू आर के बराबर तो आप ऑब्जर्व करिएगा यहाँ पे टू आर से टू आर कैंसिल आउट हो जाएगा हाँ सॉरी ये ऊपर आर आया करता था नॉट आर स्क्वायर तो यहाँ पे तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो जेड स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं आप टू आर स्क्वायर बोल रहे हैं इसका मतलब है कि तुम कहीं ना कहीं ये बोलना चाह रहे हो कि जो जेड की वैल्यू है वो किसके बराबर है रूट टू आर के बराबर है और जेड की वैल्यू रूट टू आर आ रही है तो आप खुद सोचो कि जेड की वैल्यू एक्चुअली में होती क्या है जेड की वैल्यू होती है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और आप ये कह रहे हो कि ये वैल्यू रूट टू आर आ रही है ये वैल्यू रूट टू आर तभी आ सकती है जब ये वाली वैल्यू जो है वो आपकी आर के बराबर हो जाए सोच के देखो ये वाली वैल्यू आपकी आर के बराबर हो जाए तो यहां पर आप ये बोल सकते हो दो फ्रिक्वेंसी आपको मिलेंगी एक बार मिलेगा एक्सएल माइनस एक्ससी बराबर या तो प्लस आर हो जाए या फिर मैं कहूंगा कि एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू किसके बराबर हो जाए माइनस आर के बराबर हो जाए इस केस में ऐसा होगा ज्यादा दिमाग मत लगाना फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि प्लीज इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा ये फार्मूला काफी जगह यूज होगा दैट इज बैंड विथ ये जो लिखा हुआ है ना डेल्टा ओमेगा, इसको हम बैंड बोलते हैं दिस इज डिफरेंस मतलब ये बैंड कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि इस ग्राफ की जो थिकनेस है या इस ग्राफ की जो शार्पनेस है वो क्या है दैट बैंड लिख लेना इस बात को आई होप ये आपको दो इक्वेशन समझ में आ गई होंगी। अगर आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आप यहां तक पहुंच जाओगे यहां पे आप समझ पा रहे होंगे कि एक्सएल माइनस एक्ससी बराबर प्लस आर मतलब पहली वाली इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं एक्सेल की वैल्यू क्या लिखोगे बताओ ओमेगा टू एल माइनस एक्सी एक्सी की वैल्यू क्या लिखोगे ओमेगा टू सी बराबर प्लस आर पहली इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन क्या लिखोगे माइनस आर माइनस आर होने का मतलब ये है देखो ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी ओमेगा टू पर क्यों क्योंकि आपको पता है जब आपकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर से ज्यादा होगी तो एक्सएल डोमिनेट करता है तो उस केस में एक्सएल ज्यादा आएगा अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर से कम है तो कौन डोमिनेट करता है एक्सेल या एक्सी तो उस केस में एक्सी डोमिनेट करता है तो यहां पर दूसरी इक्वेशन आप यहां पर लिखोगे वो लिखोगे ओमेगा वन एल माइनस वन अपॉन ओमेगा टू सी बराबर माइनस ऑफ आर दिस इज इक्वेशन नंबर वन और दिस इज इक्वेशन टू अगर मैथ्स आती है तो दो इक्वेशन को सॉल्व करके तुम वहां तक पहुंच सकते हो जिन भाई लोगों को समझ में नहीं आया हो उन्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉट इज बैंडविड्थ वो जिन पे पावर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ होता है उस समय उन फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है उसे बैंड बोलते हैं और दैट इज आर बाय क्या सभी को याद है यस और नो अब आते हैं यहां पे नेक्स्ट टर्म पर एंड दैट इज क्वालिटी फैक्टर क्वालिटी फैक्टर इन ए सर्किट सबसे पहले फॉर्मूला बताऊंगा क्योंकि फॉर्मूले पर आपसे डायरेक्ट जय में एक से दो बार सवाल पूछा गया है यहां पर क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपके सामने आता है रेजोनेट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर है आपकी रेजोनेट फ्रीक्वेंसी और ये डेल्टा ओमेगा जो लिखा हुआ ये है बैंडविड्थ सोनाक्स जैन वॉट इज दस ऑफ रेजोनेंस बेटा अभी आ जाएगा समझ में थोड़ा सा ठंड रखो बेटा मालूम है पढ़ करके आयो तो ज़्यादा लीड मत करो नहीं तो अभी एक्स आकर के टांग खींच के ले जाएगा पीछे और लैक कर जाओगे ठीक है रेजोनेट फ्रीक्वेंसी तुमने आई होप अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कितनी होती है वन अपॉन रूट एल सी और वेंडविट तुम्हें पता ही है अभी हम निकाल चुके हैं वेंडविट की वैल्यू कितनी आई थी आर बाय एल कितनी आई थी आर बाय एल अगर इस वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो आपको यहां पर एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा होगा इसको सिंपलीफाई करने पर कैसे लिख पाओगे वन अपॉन आर आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू क्योंकि ये टॉपिक स्पेशली फॉर जेई मेन्स है में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि इस क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए या तो आप ये याद रखिए या आप ऐसे याद कर सकते हैं अब ये क्वालिटी फैक्टर आपको क्या बताता है वो समझना क्वालिटी फैक्टर कहीं ना कहीं किसी भी गिवन ग्राफ की शार्पनेस के बारे में आपको बता रहा होता है सर मतलब लेट्स सी देखते हैं अभी आ जाएगा समझ में हाँ यहां पे ओमेगा वन आएगा बिल्कुल ये वाला टर्म ओमेगा वन हो जाएगा सही सोच रहे हो हाँ भाई आवाज आ रही है मेरी क्लियर क्या मेरी बुलंद आवाज आप सभी को सुनाई दे रही है नहीं है किसी को जैसे कि ध्यान से देखना इस पर मैंने आपको क्यों बताया कि क्वालिटी फैक्टर आपको क्या बताता है क्वालिटी फैक्टर अबाउट शार्पनेस ऑफ अ रेजोनेटिंग कर्व जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे दो कर्व बनाता हूँ यहां पर एक कर्व जो मैंने बनाया वो कर्व कुछ इस तरीके का था लाइक दिस ठीक है और दूसरा जो मैंने कर्व बनाया यहां पर वो कर्व कुछ इस तरीके का था लाइक दिस ठीक ये दो अलग अलग कर्व ड्रॉ किए गए हैं ये है कर्व नंबर वन और ये वाला जो है वो है कर्व नंबर टू और आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि इन दोनों ही कर्व में इनकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है लेकिन अब मुद्दा यह है अगर दोनों की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है तो इसका मतलब है, LC दोनों का सेम है लेकिन अगर मैं आपसे यह पूछूं यहां पर किसकी क्वालिटी बेटर होगी तो देखो तुमने क्वालिटी का फॉर्मूला अभी पढ़ा था रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बेंड ब्रथ तो बैंड ब्रथ किसकी ज्यादा है तुम ऑब्जर्व करना दूसरे वाले ग्राफ की बैंड क्या ज्यादा आ रही है पहले वाले ग्राफ के कंपैरिजन में अगर मैं पूछता हूं डेल्टा ओमेगा टू क्या डेल्टा ओमेगा वन से ज्यादा आ रहा है क्या दूसरा वाला ग्राफ जो है वो तुम्हें थोड़ा ज्यादा वाइड दिखाई दे रहा है और पहला वाला कर्व जो है वो थोड़ा सा तुम्हें शार्प दिखाई दे रहा होगा तो तुम सोचो कि अगर तुमने रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम करके जिसकी बैंडविर्थ ज्यादा होगी क्या उसकी क्वालिटी कम होगी तो मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि क्वालिटी पहले वाले की दूसरे वाले से बेहतर होगी और तुम्हें यहां से यह भी समझ में आ गया होगा अगर क्वालिटी बेहतर है तो इस फॉर्मूले से देख करके समझ में आ रहा है कि क्वालिटी इज इंडिपेंडेंट सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर तो इसका मतलब किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा पहले वाले का या दूसरे वाले का यहां पर मैं बोल सकता हूं दूसरे वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इस चीज को आपको याद रखना है तुम्हें तो यह बात समझ में आ रही होगी जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी इस ग्राफ की शार्पनेस बढ़ती चली जाएगी ये ग्राफ उतना ही शार्प होता चला जाएगा जैसे जैसे मैं क्वालिटी बढ़ाता चला जाऊंगा और जैसे और क्वालिटी बढ़ाने का तरीका क्या है क्वालिटी बढ़ाने का तरीका है रजिस्टेंस को चेंज करो आप जैसे जैसे रजिस्टेंस कम करते जाओगे उस एलसीआर सर्किट की क्वालिटी बेहतर होती चली जाएगी Yes or no. इस देखिएगा जेई मेन्स में जो सवाल पूछा गया था वो मैं आपको दिखाता हूं एक बार डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल था जिसको फार्मूला याद है वो डायरेक्ट सॉल्व कर सकता है देखो ये रहा सवाल जेई मेन्स 2020 में, में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल यहां पे आपके सामने आया था ये रहा आपसे पूछा गया क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट बताओ फार्मूला बेस्ड है या नहीं है तो मैं साफ साफ दिखाई दे रहा है क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या था वन अपॉन आर इन स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई सी जिसको फॉर्मूला याद है सॉल्व कर देगा बताओ क्या आंसर आ रहा है आंसर बता दो जल्दी से यहाँ देख पा रहे हो दिस वैल्यू इज वन बाय हंड्रेड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ प्लीज बी केयरफुल सभी को सेम यूनिट ऐसा यूनिट में पुट करना अपॉन सी सी की वैल्यू टू इंटू टेन की पावर माइनस ये आ रहा है तो यहाँ से चालीस हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा जरा ऑब्जर्व करिएगा वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ 40 इंटू 10 की पावर थ्री वन बाय 100 यहां से टू into 10 की पावर टू बाहर आ गया दो आ रहा है आंसर आंसर विल बी टू सभी का दो आंसर आ रहा है ये लो डायरेक्ट हो गया सोचो आराम से देखो कोई समस्या है तो पूछो कुशवा साहब क्या क्लियर है सभी को क्वालिटी का फॉर्मूला मुद्दे की बात अगर मैं बताऊं वैसे तो मैंने क्वालिटी फैक्टर को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है अगर आप आप में से किसी ने वो लेक्चर देखा था जो मैंने अभी टॉप गन्स बाय अन अकेडमी पर लिया था डैम्ड ऑक्सीशन एनी वन ऑफ यू जिसने देखा हो एक यूट्यूब चैनल है अपना टॉप गन्स बाय अन अकेडमी जिस पर जनरली मेरे लेक्चर आते रहते हैं उस पर मैंने डैम्ड ऑक्सीशन बहुत डिटेल में पढ़ाया था तो वहाँ पर क्वालिटी फैक्टर की एक्चुअल डेफिनेशन को मैंने बताया है और बहुत डिटेल में डिस्कशन किया भी है अगर किसी को एक्चुअल में क्वालिटी फैक्टर का मतलब समझना हो तो उस लेक्चर में जाकर के देख लेना लेकिन इधर अपन को क्वालिटी फैक्टर को ज्यादा डिटेल में समझना ही नहीं है ठीक है तो तुम्हें क्या क्या याद रखना है एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है भाई पहला फॉर्मूला और दूसरा आपको क्वालिटी फैक्टर का ये फार्मूला याद रखना है। अगर सिर्फ ये दो फॉर्मूले भी याद रह जाते हैं तो आपसे मेंस लेवल के सवाल हो जाएंगे ओके क्लियर है आगे बढ़ू क्या कहना है क्या सीन है ऑल इज वेल कुछ लोग मैदान में अभी भी टिके हुए हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लगभग दो दो से क्या तीन घंटे होने वाले हैं कुछ देर में ओके नाइस आगे बढ़े बेटा बहुत बढ़िया अंकित सिंह को फॉर्मूला भी याद है पाए ले ग्रेट चलिए अब हम यहां पे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज ट्रांसफॉर्मर ये है यहां का लास्ट टॉपिक का ट्रांसफॉर्मर <coughs> दो मिनट का ब्रेक ले लू क्या भाई अगर इजाजत हो तो दो मिनट का ब्रेक ले लू सर स्क्रीन ऐसे ही रखा करिए अच्छा लगता है ओके okay, नाइस nice. चलिए नोट करते रहिए जब तक फॉर्मूले एक बार एक बार ऐसा करो दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ ओवर थ्रू करो फिर स्टार्ट करते हैं ठीक हेलो हेलो हाउ भाई हाउस द जोस रहे हो कि निपट गए आगे भाई आगे चले चले आगे बढ़े भाई जनता निपट गई निपट गई अभी ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई खत्म कर लो ट्रांसफार्मर पे भी सवाल पूछा जाता है वेलकम मेहता साहब तैयार हो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर देखिए ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर बेसिकली देखे तो होंगे तुमने गली मोहल्ले में बड़े से डिब्बे लगे रहते हैं बड़ा सा डिब्बा लगा होता है ट्रांसफार्मर का बहुत शानदार यूज है और ट्रांसफार्मर का एसी सर्किट्स में यूज़ किया जाता है दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्मर्स का यूज़ करके हम जो हीट लॉसेज है ना उनको कम कर सकते हैं एक बात बताओ इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो तुम्हारे घर में तो हो नहीं रहा वो कहीं पर पावर यूनिट लगी होगी वहां हो रहा है फिर वहां से वायर से चल कर के ये तुम्हारी शहर तक पहुंचती है अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हम जहां पर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वहां से हम अगर डायरेक्टली भेज देते हैं तो बहुत सारे हीट लॉसेज होते हैं तो हम उन हीट लॉसेस को मिनिमाइज करना चाहते हैं और उन हीट लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम इस ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं तिवारी सर इलेक्ट्रो कब पढ़ाएंगे नहीं पढ़ा रहे बेटा तिवारी साहब यहाँ स्पैम मत मारो यार है ना पढ़ा देने दो यार अभी हमें क्यों टाइम पास कर रहे हैं? तो हम क्या चाहते हैं कि उन लॉसेस को कम किया जाए अब उन लॉसेस को कैसे कम करेंगे उनके बारे में हम यहां पे चर्चा करने वाले हैं तो मैं सबसे पहले बता दूं इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है ना वो वर्किंग प्रिंसिपल पेड्रोलोगे नहीं भाई पेड्रोल नहीं पढ़ाएंगे ठीक है पेड्रोल में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जो ये एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक तो देखिएगा यहां पर यह आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर आपके पास दो कॉइल्स होती है एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी यहाँ प्राइमरी में हम इनपुट देते हैं और सेकेंडरी में हम आउटपुट लेते हैं ठीक दिस इज अ सॉफ्ट आयरन कोर दिस इज अ और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स बने होते हैं प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स बने होते हैं उन नंबर ऑफ टर्न्स को हम एन पी से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स बने होते हैं उनको हम एन एस से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक एन पी क्या है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल और एन एस क्या है नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी बाइंडिंग ये नंबर ऑफ टर्न अलग अलग रखे जाते हैं अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा क्या रीजन होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में एन एस ज्यादा होता है और स्टेप डाउन में एन पी ज्यादा होता है ठीक यहां पर क्या होता है कि हम यहां से करंट फ्लो कराते हैं और यहां पे ये एसी सर्किट है एक और बात याद रखना ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ एसी सर्किट के लिए ही वर्क करता है क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस तो जब इस कॉइल में करंट जाएगा तो उसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा अब तुम सोचो जब इस कॉइल में करंट चेंज होगा तो इस कॉइल से भी करंट चेंज होगा सॉरी जब तो इस में करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा फ्लक्स तो बगल में अगर कोई कॉइल रखी हुई है तो क्या उसमें यहां पर एक ई एम एफ इंड्यूज होगा ठीक है तो यहां पर ऑब्जर्व करिएगा अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्लक्स कितना लिंक होगा प्राइमरी कॉइल में तो मैं वहां पर लिखूंगा अगर एक से जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो फाई है और इसमें नंबर ऑफ टर्न एनपी है तो मैं लिख सकता हूं एनपी फाइव और नो और अगर मैं पूछू, में कितना तो आप कह सकते हैं हो कितना होगा नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल इंटू फाइव अगर आप मुझसे पूछे फाइ क्या है मैं यहाँ पर किसी भी तरीके के एनर्जी लॉसेस को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ये यह मान करके चल रहा हूँ जितनी नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन्स यहाँ से निकलेंगी वो सारी की सारी फील्ड लाइन्स यहाँ जाएंगी मतलब हम यहाँ पर एक आइडियल ट्रांसफार्मर की चर्चा कर रहे हैं जो हंड्रेड परसेंट एफिशियंट है तो यहाँ पर तो मैं ऑप्शन हो रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पर फ्लक्स का रेशियो निकालू तो ये आ जाएगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन आप अगर मुझसे पूछें कि पहले वाले प्राइमरी कॉइल में कितना ई एम एफ इंड्यूज होगा तो मैं कहूंगा कि यहां पर इसको डेरिवेटिव कर देते हैं फेरा डेला तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एनपी इंटू डी फाइव बाई डी इसी तरीके से एस की वैल्यू पूछेंगे तो लिखूंगा डी फाइव बाई डी टी तो ये वैल्यू ये आ गई पहली इक्वेशन यहां से जरा ध्यान से देखना यहां पे जो ई एम एफ इंड्यूस होगा प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन उसका रेशियो वही होगा जो नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो होगा मतलब यहां पे जो ई इंड्यूस हो रहा है किसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में जरा इसका रेशियो देखो क्या ये एनपी एन एनएस के बराबर आ रहा है ठीक है अब मैं बात कर रहा हूं आइडियल ट्रांसफार्मर की आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब जिसमें हम ये मानकर के चल रहे नो लॉसेज नो लॉसेज ऑफ एनर्जी नो एनर्जी लॉसेज तो हम ये मानकर के चलेंगे इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर और अपन ये मानकर के चल रहे हैं, लोड वगैरह यहां पर मतलब रेजिस्टेंस उसका जीरो है तो इनपुट पावर हो जाएगी वी इंटू आई वी की वैल्यू लिखूंगा ईपी इंटू आई पी और इसको लिखूंगा ई एस इंटू आई एस तो तुम अगर ऊपर वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को कंबाइन कर दो तो तुम्हें पता है बस यही याद रखना ये वाला रेशियो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे इंड्यूस हुआ है उसका जो रेशियो आएगा वो करंट के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा और करंट का जो रेशियो है वो यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो के बराबर होगा ओके तक क्लियर है भाई सभी को अभी मैं समझाऊंगा पूरा वर्किंग बताऊंगा किस तरीके से वर्किंग करता है तो पहले तो आप यह समझ लीजिए इसका पर्पज क्या इसका है इसका पर्पज है इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज एज पर अवर रिक्वायरमेंट जैसे कि ध्यान से देखना ट्रांसफॉर्मर दो तरीके के होते हैं पहला ट्रांसफार्मर जो होता है पहला दैट इज स्टेप अप स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं किस में सेकेंडरी कॉइल में वो प्राइमरी से ज्यादा होते हैं तुम्हें एक बात पता है अभी ऊपर बताई थी तुम्हें ईपी अपॉन ईएस की वैल्यू किसके बराबर थी नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो एनपी अपॉन एनएस और अगर एनएस की वैल्यू एनपी से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकेंडरी कॉइल है मतलब जब तुम्हारा आउटपुट है जहां तुम आउटपुट ले रहे हो वहां ये वैल्यू ज्यादा आएगी मतलब स्टेप अप को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इस केस में वोल्टेज जो है वो इंक्रीज हो जाता है मतलब यहां पे आपने इनपुट दिया था और यहां तुमने आउटपुट लिया था तो अगर नंबर ऑफ टर्न तुम्हारे सेकेंडरी में ज्यादा होंगे तो इनपुट में जितना ई आया और आउटपुट में जो ई आया उसमें आउटपुट वाला जो ई होगा वो इनपुट वाले से ज्यादा होगा इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया स्टेप अप नाम पड़ गया स्टेप अप इसी तरीके से दूसरा वाला जो ट्रांसफॉर्मर होता है दैट इज स्टेप डाउन स्टेप डाउन में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है तो यहां से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ईएस की वैल्यू क्या हो जाएगी ईपी से कम हो जाएगी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर पता है कहां पे यूज करते हैं अब सुनना कहानी सुनोगे बिजली बनी कहां पे पावर यूनिट अब उस बिजली को वहां से भेजना है ठीक है तो जब भेजना होता है तो पता है वहां क्या किया जाता है एकदम से उसका वोल्टेज बढ़ा दिया जाता है अब वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा तुम खुद सोचो वोल्टेज बढ़ा देने से उसका जो करंट है क्योंकि तुम्हें पता है पी इनपुट बराबर पी आउटपुट अगर तुमने वहां पे एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज कर लिया तो उससे क्या होगा उससे ये वैल्यू बढ़ जाएगी ये वैल्यू बढ़ गई तो ये वैल्यू घट जाएगी तो करंट कम हो गया तो जो वायर्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे यहां पहुंचेगी उसमें जो करंट होगा वो कम रहेगा और करंट जब कम रहेगा तो वहां पर हीट लॉसेस आईस पर आर वाले क्या होंगे कम होंगे अब ये घर पे पहुंची घर पे पहुंचने से पहले आपके वहां पे जो बिजली घर होंगे वहां पे पहुंचेगी अब वहां पे जब पहुंची तो वो था उसका वोल्टेज था ग्यारह हजार वोल्ट अब ग्यारह हजार वोल्ट आपके घर में सीधे सप्लाई तो करनी जाएगी क्योंकि सीधे अगर घरों में सप्लाई कर दी गई तो तुम्हारे घर में जितने भी अप्लायसेज लगे हुए हैं वहां पर धुआं धुआं हो जाएगा क्योंकि जो अप्लायसेज लगे हुए हैं वो दो वोल्ट पे काम करते हैं और ग्यारह वोल्ट इतनी हाई वोल्टेज अगर तुम्हारे घर में पहुंच गए तो तुम्हारा घर राख हो जाएगा पूरा तो फिर क्या करते हैं आपने देखा होगा गली मोहल्लों के बाहर भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो उस वोल्टेज को डाउन करते हैं वो स्टेप डाउन करते हैं वहां पे आप क्या करते हैं वहां पर जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं आपके प्राइमरी वाले में वो ज़्यादा रखते हैं और सेकेंडरी वाले में कम रखते हैं और इस तरीके से ये कहानी आगे की तरफ बढ़ती है इस पर जेई एडवांस में अपने गरीब भाइयों के लिए एक सवाल दिया और उन्होंने पूरे ट्रांसफार्मर की वर्किंग को भी एक्सप्लेन किया है जैसे कि ध्यान से देखना जय एडवांस में दो में ये सवाल आया था तुम्हारे सामने क्या ये सवाल तुम सभी को दिखाई दे रहा है क्या जरा देखो ध्यान से और इस पैराग्राफ को पढ़ो एक्चुअली में उनको पता है अपने भाई बंधु बहुत गरीब है तो उन्होंने पूरी ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग को एक्सप्लेन किया है इस कॉम्प्रिहेंशन में और फिर उसके बाद उन्होंने ट्रांसफॉर्मर पर दो सवाल आपसे पूछे तो मैं चाहूंगा इस कॉम्प्रिहेंशन को एक बार आप लोग रीड करो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर किस तरीके से वर्क कर रहा होता है देखो तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एट अ थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल पावर हर एक सेकेंड में पावर प्लांट पे जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी हो रही है छ सौ किलो वॉट और कितने वोल्टेज पे हो रही है चार हजार विच इज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू अ प्लेस लेकिन इसको कहाँ भेजना है जहां ये प्रोड्यूस हो रही है वहां से बीस किलोमीटर दूर भेजना है अवे फ्रॉम द पावर प्लांट फॉर द कंज्यूमर यूजेस क्या ये समझ में आया इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड आईदर डायरेक्टली या तो आप इसको डायरेक्टली भेज सकते हो या फिर विद केवल ऑफ लार्ज करेंट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एट दू एंड एंड का मतलब समझ रहे हो जहां आपका पावर प्लांट लगा हुआ है जहां पर आपका पावर प्लांट लगा हुआ है वहां पर तुम यूज करो स्टेप अप और अपने शहर में तुम क्या यूज करोगे स्टेप डाउन पहले वोल्टेज को अप करोगे और फिर जब सिटी में पहुंच जाएगा तो वोल्टेज को डाउन करोगे पढ़ो आगे पढ़ो इन दिस मैथड यूजिंग द ट्रांसफॉर्मर डिसिपिएशन द लॉसेस ऑफ एनर्जी इज मच स्मॉलर इन दिस मैथड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज यूज पढ़ो जल्दी पढ़ो अंग्रेजी पढ़ो ये पैराग्राफ पढ़ लिया ट्रांसफॉर्मर खत्म हो जाएगा देख रहे हैं कितने अच्छे लोग हैं आईटी वाले कितने अच्छे हैं जानते हैं अपने भाई लोग इतने गरीब हैं कि पूरे ट्रांसफार्मर की वर्किंग बता रहे हैं भाई कि ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है और फिर उसके बाद सवाल पूछ रहे हैं वाह ऐसे लोगों का तो धन्यवाद करना चाहिए कितने अच्छे लोग हैं यार ये आई आई वाले लोग मतलब एडवांस वाले लोग कितने प्यारे लोग हैं मतलब पूरी वर्किंग को इतने आसान शब्दों में समझा रहे हैं और फिर भी ऐसे नालायक होंगे जो ये सवाल देख के छोड़ के आगे होंगे मैं जानता हूं कुछ लोगों ने तो इस सवाल पढ़ के ही देखा होगा ओ इतना बड़ा पैराग्राफ अंग्रेजी में लिखा है वो भी चलो छोड़ देते हैं ये तो हमारे लिए है ही नहीं हाँ बताओ भाई आंसर बताओ थर्टींथ कंज्यूमर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कंज्यूमर एंड का मतलब अपने शहर में इज यूज टू सप्लाई पावर टू द कंज्यूमर एट अ स्पेसिफाइड लोअर वोल्टेज इट इज रीजनेबल टू एज्यूम दट पावर केवल इज प्योरली रजिस्टिव एंड ट्रांसफॉर्मर आर आइडियल विद अ पावर फैक्टर यूनिटी जैसा कि मैंने पहली बताया था हम आइडियल ट्रांसफार्मर्स की बात कर रहे हैं हम ये मान करके चल रहे हैं कि प्योरली रजिस्टिव सर्किट है ठीक है और साथ ही साथ पावर फैक्टर यूनिटी मतलब हम ये मान करके बात कर रहे हैं कि करेंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है ऑल द करेंट एंड वोल्टेज मैं आर एम वैल्यूज बताइए भाई पहले वाले पार्ट का आंसर क्या आ रहा है दैट द रेशियो ऑफ ऑफ अ अ नंबर टर्न्स इन इन प्राइमरी अ स्टेप अप अप ट्रांसफार्मर स्टेप ट्रांसफार्मर में ये रेशियो 1/10 है इसका मतलब समझ में आ रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में तुम ये कहोगे कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी का ये रेशियो 1/10 है और ये बराबर लिखोगे ईपी अपॉन ई लेकिन मुझे लगता है ईपी की वैल्यू तुम्हें साफ साफ दी हुई है इनपुट वोल्टेज कितना है वहां पे चार हजार ई एस यहां से तुम्हारे सामने ई एस की वैल्यू निकल के आ रही होगी कितनी एक दो तीन चार चालीस हजार लेकिन क्या बोला जा रहा है पावर जब कंज्यूमर को भेजनी है कंज्यूमर को जब भेजनी है तो कितनी यूज करनी है दो सौ तो वहां पर जाकर के तुम अब स्टेप डाउन यूज करोगे तो जो पहले वाले का आउटपुट है वो दूसरे वाले का इनपुट हो जाएगा यस और नो तो जब ये वहां पे पहुंचेगा तो तुम्हें आउटपुट में कितना देना है 200 देना है तो अब तुम कहोगे कि मुझे आउटपुट में 200 देना है और इनपुट कितना है चालीस हजार बराबर आउटपुट मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी यही पूछा गया उल्टा पूछा गया बस इसका मेरे हिसाब से ये रेशियो तुम्हारे सामने एक बटे दो सौ आ रहा है क्या मैं सही सोच रहा हूं क्या तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आंसर विल बी ए हो गया खत्म समझ में आया कॉन्सेप्ट इसी तरीके से अगर हम दूसरे वाले को देखें इफ अ डायरेक्ट ट्रांसमिशन मेथड देन पावर डिसिपिएशन ये बढ़िया सवाल लगा हमको एक बात बताना तुम तो, तुमने जब यहां पर स्टेप अप कर दिया तुमने पावर आउटपुट पावर तो पी है लेकिन तुमने जब इसको चालीस हजार कर दिया तो यहां पे जो करंट है वो अपने आप कम हो जाएगा और पावर की वैल्यू कितनी दी हुई थी तुम्हें 600 सौ किलो कितनी दी हुई थी 600 किलो मतलब 600 सिक्स हंड्रेड इंटू की पावर थ्री तो देखो जब तुम ट्रांसफार्मर यूज करोगे तो तुम्हारे वायर में जो करंट जा रहा होगा वो कितना जा रहा होगा जीरो जीरो काट लो सारे एक दो तीन चार और यहाँ पे दो जीरो कट जाएंगे तो ये सिक्सटी बाई फोर मेरे हिसाब से जो करंट चल रहा होगा ये पंद्रह एमपी चल रहा होगा अब तुम सोचो अगर तुम ये यूज नहीं करते तो कितना चलता करंट सोचो तो तुम्हारे सामने ये वैल्यू चार होती इन आई बराबर और ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि 600 सौ किलोवर्ट तो ये तो तुम्हारे सामने होता सिक्स इंटू टेन की पावर थ्री तो तुम्हारे सिर्फ तीन ही जीरो कट पाते तो या पे आई की वैल्यू जा रही है इससे पावर डिसीपिएशन इफ अ डायरेक्ट ट्रांसमिशन इज यूज्ड इसका रेजिस्टेंस आपको ये दिया हुआ पावर डिसिपेशन परसेंटेज ट्रांसमिशन बताओ कितना आंसर आ रहा है आई स्क्वायर आठ से लॉसेस का वो परसेंटेज निकाला जा सकता है रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा बीस किलोमीटर है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा पॉइंट फोर इंटू ट्वेंटी तो यहां पे पॉइंट फोर खत्म हो गया ये आठ आ गया क्या आंसर आ गया भाई तुम लोगों का कितना आ रहा है आंसर परसेंटेज निकालना है परसेंटेज डायरेक्ट ट्रांसमिशन में परसेंटेज आता एक सौ पचास का स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू आर और उस वाले केस में कितना आता पंद्रह का स्क्वायर इंटू आर आंसर विल बी बॉम्बे थर्टी बताया जा रहा है भाई क्लियर है क्या तो इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं सभी को क्लियर हो गया क्या ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग समझ में आ गई भाई चलिए ठीक है तो यहां पर इसी के साथ ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा खत्म होता है अब मैं जल्दी से फटाफट अब आपको बता देता हूं मैथ्स के वो वाली चीजें जो मैंने शुरुआत में स्किप कर दी थी आपको याद होगा मैंने एवरेज करंट और आरएमएस करंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में चर्चा नहीं करी थी तो मैं अब फटाफट से उन टॉपिक्स को कवर कर देता हूं दैट इज प्योर मैथमेटिक्स और उसमें हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा दस से पंद्रह मिनट लगेंगे क्या तैयार हो सभी लोग तो आर करंट और एवरेज करंट कैसे निकाला जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं जल्दी से आते हैं लौट करके देखेगा हाँ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपके सामने फंक्शन दिया हो मान लो आपके सामने करंट दिया हुआ है ठीक और ये जो करंट है करंट ये एज अ फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है और आपसे ये बोला जाए कि भैया ये बताओ कि एवरेज करंट क्या होगा तो देखो एवरेज किसी भी फंक्शन की वैल्यू निकाली जा सकती है आप अगर इसकी एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम या इंटीग्रल ऑफ डी टी दिस इज अ स्टैंड फॉर्मूला जो कि तुम्हें पता होना चाहिए किसी भी एवरेज वैल्यू को निकालने का अब तुम्हें शायद ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जब मैंने इंटीग्रल ऑफ आई डी टी लिखा है ये इंटीग्रल ऑफ आई डी टी क्या दे रहा है तुम ऑब्जर्व करो अगर मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर आई वर्सेज टी का ग्राफ बनाता हूँ और ये ग्राफ मैंने ऐसे बनाया और सपोज मैं जिस इंटरवल की बात कर रहा हूँ वो इंटरवल मैंने लिया टी वन से टी टू तो तुम्हें शायद समझ में आ रहा होगा कि न्यूमिरेटर में जो टर्म लिखा हुआ है इंटीग्रल आई डी टी वो एरिया अंडर द कर्व है और ये एरिया अंडर द कर्व आपको क्या बता रहा है दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो मतलब एवरेज वैल्यू निकालनी है किसी भी इंटरवल में तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं उसे क्या अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो यस और नो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करके उसकी एवरेज वैल्यू तक पहुंच सकते हैं और अगर हमें ग्राफ दिया हो तो तो बहुत ही आसान है क्योंकि अगर i वर्सेस t का ग्राफ दिया हुआ है तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो तो सीधे सीधे ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको क्या बोल दोगे तुम इसको लिख दोगे एरिया अंडर द कर्व तो एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन क्या यहां से तुम्हारे पास एवरेज करंट आ जाएगा भाई यस और नो अब बात करते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जितना एवरेज करंट आया ना अगर तुम उतना ही डीसी करंट फ्लो करा दो क्या फ्लो करा दो डीसी करंट फ्लो करा दो तो इस गिवन टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा मेरा कहने का मतलब क्या है जैसे कि अगर मैं यहां पर डीसी करंट डीसी करंट का मतलब है कांस्टेंट करंट अगर मैं ये कहता कि मान लो यार मेरे पास एसी सर्किट की वजह डीसी सर्किट होता तो उस डीसी सर्किट में मैं कितना करंट फ्लो कराऊं सो दैट कि उसका एरिया अंडर द कर्व या हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो सेम आ जाए अगर कोई ये सवाल आपसे पूछ ले जैसे यहां पे लिखा हुआ ना मीन एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट इज इक्वल टू द डीसी करंट ड्यू टू विच सेम चार्ज फ्लो तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि कितना कराऊं अगर मैं यहां पे डीसी करंट फ्लो कराता हूं तो कितना कराऊं कि सेम चार्ज फ्लो कर जाए तो मैं कहूंगा कि उसकी वैल्यू वही होगी जो एवरेज वैल्यू है मतलब सो दैट कि दोनों का एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाए सेम हो जाए क्या हम इस तरीके से किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं मेरे भाई जल्दी हाँ या ना में जवाब देना ठीक है भाई क्लियर अब मैं बात करता हूँ एक मिनट बैटरी लगा लो डिस्कनेक्ट हो रहा है अब मैं बात करता हूं कि अगर हमें किसी भी फंक्शन की आरएमएस वैल्यू निकालनी है आर एस वैल्यू कैसे निकाला जाता है उसका मैं सबसे पहले आपको तरीका बताता हूं जैसे ये मान लो कोई एक फंक्शन दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और मुझसे बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू बतानी है जीरो से दो में तो हम सबसे पहले पता है क्या करेंगे इस फंक्शन का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर y स्क्वायर y कितना आ गया फोर टी देखना नाम का मतलब समझना मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू फिर हम इस स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे मतलब अब मुझे इसके बाद इस स्क्वायर का एवरेज निकालना है मतलब वाई स्क्वायर का एवरेज निकालोगे और वाई स्क्वायर का एवरेज निकालने का तरीका भी बताया था कैसे करोगे इंटीग्रेशन ऑफ फोर टी स्क्वायर कहाँ से कहां तक इंटीग्रेट करोगे जीरो से दो तक डिवाइडेड बाई टाइम टाइम कितना दो क्लियर है मेरी बात तो यहां से तुम्हें तो समझ में आ रहा है टू और टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो दैट इज टी क्यू बाई थ्री और लिमिट दो से जीरो कितना आ गया ये सोलह बटे तीन यस और नो यस और नो जल्दी बताओ फटाफट क्या यहां तक किसी को समझ में आया कि नहीं आया पहले स्क्वायर करना है याद रखना गलती नहीं करनी स्टेप बाय स्टेप चलना है पहले फंक्शन का स्क्वायर करो और स्क्वायर का एवरेज निकालो जब तुम्हारा स्क्वायर का एवरेज निकल गया तो अब आप इसकी आरएमएस वैल्यू इस तरीके से लिख सकते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ दैट वन मतलब सिक्सटीन बाई थ्री जो तुमने निकाला है उसका स्क्वायर रूट कर दो मतलब आंसर विल बी फोर बाय दिस विल बी दर एम एस वैल्यू दिस विल बी दर एम एस वैल्यू इस तरीके से हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं कुछ लोग यहाँ पे गड़बड़ करते हैं देखना क्या करते हैं वो पहले वाई का एवरेज निकालेंगे सुन सुन सुनना वाई वाई का एवरेज निकालेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे अभी गधे हो रहे हो क्या का एवरेज निकाल के उसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर रहे हो तो वो तो तुम वाई एवरेज ही निकाल के बैठ गए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में पहले स्क्वायर रूट लेना है ये गलती नहीं होनी चाहिए मेरे भाई और नो yes no? क्या इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन की एवरेज या आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो तो देखना ध्यान से सीधे हम सवाल ही करते हैं जैसे मान लो मैंने तुम्हारे सामने क्वेश्चन दिया आई बराबर मान लो ये दिया हुआ आई नॉट साइन ओमेगा टी ठीक अब मैं आपसे कहूं फाइंड एवरेज वैल्यू इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू बता दो फॉर ए पार्ट वन साइकिल और बी पार्ट फॉर हाफ साइकिल का मतलब समझ में आ रहा है और का का मतलब, मतलब मतलब इसका time period कितना होगा अगर आपसे इस केस में यहां पे आपसे एवरेज वैल्यू पूछी जा रही है क्या आपको नहीं लग रहा है? ये मैथ्स का सवाल है इसमें फिजिक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो है आपको सिंपली अगर एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है ए पार्ट में तो आप इस तरीके से लिखेंगे आई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी और इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे जीरो से टू पाई बाय उमेगा डिवाइडेड बाय टू पाई बाय उमेगा क्या ये तुम्हें एवरेज वैल्यू देगा यस और नो क्या ये तुम्हें एवरेज वैल्यू देगा भाई और तुम्हें अगर पता हो तो तुम्हें वैसे समझ भी आ रहा होगा साइन ओमेगा टी इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस के कॉस ओमेगा आएगा और उसमें वैल्यू पुट करोगे तो चेक करो ये वैल्यू तुम्हारे सामने जीरो आ जाएगी और वैसे भी दिखाई दे रहा था जीरो आनी चाहिए थी वैसे भी समझ में आ रहा था कि जीरो आनी चाहिए थी क्योंकि आपने ग्राफ पढ़ा हुआ है तो साइन का कर बताना कैसे बनता है जब तुम साइन का कर बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा लाइक like दिस तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ऊपर वाला टर्म जो होता है वो होता है एरिया अंडर द कर्व तो तुम्हें समझ में आ रहा है जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है येस और नो तो वन साइकिल में टोटल एरिया अंडर द कर्व क्या हो गया जीरो तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो लेकिन वहीं पर अगर मैं हाफ साइकिल की अगर बात करता हूं हाफ साइकिल की बात तो यहां पे हाफ साइकिल में हमें अपने इंटीग्रेशन की लिमिट्स को चेंज करना पड़ेगा हाफ साइकिल में मैं यहां पर क्या लिखूंगा आई नॉट और इंटीग्रेट करूंगा इसको साइन उमेगा टी डी को जीरो से पाई बाय उमेगा और डिनोमिनेटर में आएगा पाई बाय उमेगा तो आपको समझ में आ रहा है हाफ साइकिल में जीरो नहीं आएगी क्योंकि हाफ साइकिल में सिर्फ ऊपर वाला एरिया ही आएगा तो अगर आप हाफ साइकिल की बात करें तो ऑब्जर्व करना ये वैल्यू आएगी उमेगा आई नॉट पाई माइनस साइन इंटीग्रेट किया तो ये आ गया कॉस ओमेगा टी लिमिट लगा दो पाई बाय उमेगा से जीरो एक मिनट इसको इंटीग्रेट किया है, तो डिनोमिनेटर में उमेगा भी आ गया होगा ये कैंसिल आउट हो गया होगा तो माइनस आई नॉट बाय पाई और इसको वैल्यू को पुट करोगे तो माइनस वन माइनस वन तो मेरे हिसाब से टू बाई पाई इंटू आई नॉट आ जाता है यस और नो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है भाई टू वाले तो निपट चुके हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन जो लोग टिके हुए हैं देखो मैं निपटा के तो पूरा ही जाऊंगा चाहे तुम निपटो या मत निपटो पढ़ा के पूरा जाऊंगा क्या इस तरीके से हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी टाइम इंटरवल में हाँ ना अब देखना अगर मैंने यहाँ पे एवरेज वैल्यू पूछी यहाँ पे आपसे सी पार्ट पूछता हूँ सी पार्ट की फाइंड आर वैल्यू फाइंड आई आर एम एस ऑफ दैट फंक्शन तो अब तुम्हें तो समझ में आ रहा होगा आर एम एस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तुम उस फंक्शन का स्क्वायर करोगे तुम उस फंक्शन का स्क्वायर करोगे यस और नो बताओ आरएमएस निकालना है तो तुम लिखोगे आई स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखोगे आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इस आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है मतलब मैं लिखूंगा आई नॉट स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी और अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस आई आर एम एस को तुम चाहे हाफ साइकिल में निकालना या फुल साइकिल में निकालना तुम्हारा आंसर सेम आने वाला है ये करोगे क्या बात कर रहे कॉन्कर टू वाले मैदान में टिके हुए हैं बहुत बढ़िया है। तो देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर और टी को तुम तो इंटीग्रेट कर सकते हो ये अब फटाफट तुम तो अपने आप से कर लेना ये बात तो हमने बहुत देर से करी है इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू तुम्हारे सामने यहाँ पर आई नॉट बाई टू आ जाएगी या आपको पता भी होगा कि साइन स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू होती है वो वन बाई टू होती है इसको याद रखना ये कई बार तुम्हारी मदद करेगा तो आपको पता है आई आर एम एस निकालना है तो आई आर एम एस अगर कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर तो ये वैल्यू आ जाएगी आई नॉट बाय टू ठीक है तो देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट बता रहा हूं जिनको तुम याद रख करके आरएमएस वैल्यूज बहुत जल्दी निकाल सकते हो वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या है सुनना पहला पॉइंट अगर वाई बराबर कुछ सी दिया हुआ है सी है कोई कांस्टेंट तो इस केस में अगर तुम एवरेज वैल्यू निकालोगे कोई फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो उसकी एवरेज वैल्यू भी सी ही आ जाएगी दूसरा पॉइंट अगर मान लो y बराबर तुम्हें दिया हुआ है C X, तो इस केस में अगर तुम एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं सी को कॉन्स्टेंट को बाहर रखो एक्स की एवरेज वैल्यू निकाल लो राम अग्रवाल पूछा है सर और कितना बाकी है दस मिनट और लगेंगे बेटा दस मिनट का टाइम और लगेगा बेटा वहीं पर अगर मान लो कोई फंक्शन लिखा हुआ है y तो यहां से तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहां पे y की अगर एवरेज वैल्यू निकालोगे तो ये लिखेंगे y1 की एवरेज वैल्यू प्लस वाई की एवरेज वैल्यू यस और नो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं ठीक है इसी तरीके से याद रखना कि अगर तुम्हारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी है या फिर तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है तो इनकी एवरेज वैल्यू वन बाई टू होती है फॉर अ वन साइकल फॉर वन साइकल जैसे कि इसका कैसे यूज कर सकते हैं वो भी सुन लेते हैं जैसे मान लो तुम्हारे सामने ये फंक्शन दिया हो सुनना ध्यान से आई बराबर लिखा हुआ है थ्री प्लस फोर साइन उमेगा टी ठीक है ये फंक्शन दिया हुआ है तुम्हें और तुमसे क्या बोला जा रहा है फाइंड आई एवरेज ए पार्ट और बी पार्ट पूछा जा रहा है आई आर एम एस फॉर अ वन साइकिल फॉर वन साइकिल मतलब वन टाइम पीरियड देखो मैथ्स या फिजिक्स तो है ही नहीं इसमें आपसे तो बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकालो आर एम एस वैल्यू निकालो तो देखो पहला पार्ट अगर तुम सॉल्व करोगे अगर पहले वाले पार्ट में तुम एवरेज निकालना चाहते हो तो कैसे लिखोगे पहला वाला टर्म कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट का एवरेज तो थ्री हो जाएगा अभी बताया था प्लस फोर और साइन ओमेगा टी का एवरेज साइन ओमेगा टी का एवरेज तो जीरो होगा अभी ऊपर तुमने सॉल्व किया था तो यहाँ पर ये यह वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री आ जाएगी मतलब ए पार्ट का आंसर तो तुम थ्री लिख सकते हो और वहीं पे बी पार्ट अगर तुम सॉल्व करोगे आई आर तो पहले मैं कहूंगा इसका स्क्वायर कर लो तो I स्क्वायर कितना हो जाएगा नाइन प्लस सिक्सटीन साइन स्क्वायर ओमेगा टी यस और नो टू ए बी तीन चौक बारह चौबीस साइन ओमेगा टी अब मैं कहूंगा I स्क्वायर का एवरेज निकालना तो नाइन प्लस सोलह साइन ट्वेंटी फोर साइन ओमेगा दिख रहा होगा कि ये वाली वैल्यू तो जीरो नो yes no? और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू ओवर अ वन साइकिल क्या होती है वन बाई टू तो यहाँ पे तुम डायरेक्टली लिखोगे नाइन प्लस सोलह इन एक बटे दो और ये वैल्यू आ जाएगी सत्रह आया ना तो यहाँ से देखने पर तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर आई आर निकालना है तो आई स्क्वायर का एवरेज निकाल चुके हो उसका स्क्वायर रूट कर दो दैट इज रूट सेवेंटीन क्या मेरी बात समझ में आ रही है भाइयों टफ थोड़ा ना होता है अगर ये प्रॉपर्टी याद रहती है तो इन अप्रोच इन सवालों को आप जल्दी अप्रोच कर सकते हो ये प्योर मैथमेटिक्स है फिजिक्स तो इसमें कुछ भी नहीं है इसी प्रोफाइल में मैं यहाँ पर एक और सवाल आपको देता हूँ एक मिनट कहा गया हाँ ये रहा कभी कभार आपके सामने ग्राफ के क्वेश्चन भी आ जाते हैं ये रहे ग्राफ वाले सवाल जैसे कि तुम्हें दिखाई दे रहा हो यहाँ पे करंट इस तरीके से वेरी हो रहा है और आपसे बोला जाए एवरेज करंट निकाल दो या और आरएमएस करंट करेंट निकाल दो क्या पूछा जाए एवरेज करंट निकाल दो और आरएमएस करंट निकाल दो तो देखो एवरेज निकालना तो बहुत आसान है ओवर टाइम पीरियड क्या सभी को दिख रहा है, ये है तो एवरेज निकालने का तरीका क्या होगा बताओ एवरेज निकालने का तरीका तो बहुत ही आसान होता है सीधे सीधे एरिया अंडर द कर्व जैसे कि अगर आपसे ए पार्ट पूछा जाए कि एवरेज बता दो इस करंट का तो मैं कहूंगा एरिया निकाल लो हाफ बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाय द फोर तो यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है एट डिवाइडेड बाय फोर कितना आ गया टू एम्पियर लेकिन हाउ विल यू फाइंड द इफेक्टिव करंट इफेक्टिव करंट कैसे निकालोगे उसके लिए तुम्हें यह इक्वेशन लिखनी पड़ेगी यहां पे जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना करंट करंट इस करंट की तुम्हें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और फिर उस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट मारोगे एक बात बताना अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार ये एंगल अल्फा है तो टेन अल्फा की वैल्यू बताना कितनी आ गई चार बटे दो क्या दो आ गई बेटा तो मैं यहां पर इस इंटरवल की बात कर लेता हूं जब टी की जो वैल्यू है ना वो दो से चार जीरो के बीच में है ये वाला इंटरवल तो यहां पर तुम समझ पा रहे हो कि आई बराबर लिखूंगा मतलब वाई बराबर एम एक्स और एम की वैल्यू है टू इंटू टी तो यहां पर तुम्हें मैं यहां पर एडवाइस करूंगा कि आई बराबर टू टी फंक्शन की तुम सबसे पहले वैल्यू निकालो जीरो से दो में अब जीरो से दो में कैसे निकालोगे आई स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा फोर टी स्क्वायर या नो अब इस आई स्क्वायर का एवरेज निकालोगे भाई एवरेज कैसे निकालोगे फोर इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी टाइम कितना टाइम पहले दो सेकेंड जीरो से दो तो. तो yes no. तो मेरे साथ से ये वैल्यू तो हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट भी करी थी ये वही सेम फंक्शन है सोलह बटे तीन इंटरेस्टिंग बात ये है कि तुमने जो जीरो से दो में निकाली है ना वही जीरो से चार में आएगी क्योंकि अगर तुम आई स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखना ये ग्राफ कैसा बनने वाला है ऐसा बनेगा पैराबोला फिर उसके बाद ये इस तरीके से बनेगा और ये बार बार इसी तरीके से रिपीट होता रहेगा देखो मैं यहां पे एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं जो कि तुम्हारी काफी मदद करने वाली है अगर ये मैथ तुम्हें आती है तो मुझे कहीं ना कहीं आई स्क्वायर का एवरेज निकालना था और तुम्हें यहाँ पे एक सिमेट्री दिखाई दे रही है कि अगर इतने का एरिया अगर मुझे पता है और मान लो ये ए है तो इसका भी ए होगा इसका भी ए होगा इसका भी ए होगा तो मुझे अगर इसका एवरेज निकालना है तो मैं सिर्फ इतने का एवरेज निकाल लू वही तो पूरे का एवरेज आ जाएगा क्योंकि हर सेकंड के बाद ये सेम एरिया कवर अप कर रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम पहले चार सेकंड की बात करते तो चार सेकंड में आई स्क्वायर का एवरेज क्या लिखते ऊपर लिखते टोटल एरिया टोटल एरिया कितना लिखते ए या टू ए टू ए टाइम टाइम क्या लिखते चार और वहीं पर अगर मैं पहले दो सेकंड में आई स्क्वायर का एवरेज निकालता तो पहले दो सेकंड में एरिया कितना आया है ए डिवाइडेड बाय टाइम टाइम कितना दो तो देखो ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू में कोई अंतर थोड़ी है तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो देन कि तुम्हें वो फंक्शन बार बार तोड़ करके लिखो तुम एक बार फंक्शन को तोड़ करके लिख लो और पहले इसका एवरेज निकाल लो जो इसका एवरेज आएगा वही पूरे फंक्शन का एवरेज आएगा बात सो गए कि जग रहे हो तुम माहौल एकदम शांत हो गया भाई ना पढ़ने वाले लोग जा चुके हैं कोई है लग रहा है सब सो गए चलो कोई बात नहीं <coughs> लेकिन भाई टिका हुआ है मैदान में आखिरी दम तक जो कमिटमेंट किया था वो पूरा कर रहा हूं मैं मैंने बोला था पूरा पढ़ा करके जाऊंगा जागते रहो भाई जागते रहो अब मुद्दा ये आता है कि सर वॉट इज द मीनिंग ऑफ दैट मतलब ये आपने जो आर एम एस पढ़ाया इसका एक्चुअल फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मतलब इसकी फील नहीं आ रही कि आर एम एस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो मैंने कहा कि ये भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आप लोगों को कि आर की इंपॉर्टेंस क्या है तो देखो मैं आर की आपको इंपॉर्टेंस बता देता हूँ हाँ दिख गए जिंदा हो जिंदा हो दिख गए बस 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 बेटा हाँ। मेहता साहब आखिरी दम तक टिकते हैं ये बात तो सही है जैसे कि ध्यान से सुनना मान लो ये रेजिस्टेंस होता तुम्हारे पास और एक बात सुनना ध्यान से बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ इसमें एसी सर्किट अगर जा रहा हो सॉरी एसी करंट जा रहा होता और मैं तुमसे पूछता कि इसमें टी टाइम में कितना हीट लॉस होगा तो तुम कैसे निकालते इंटीग्रल ऑफ आई स्क्वायर ए सी आर डी टी और इसको इंटीग्रेट करते फ्रॉम टी टू टू टी वन किसी भी टाइम इंटरवल में हीट लॉस निकालना होता तो ऐसे निकालते और मान लो इस रेजिस्टेंस के अंदर ये एसी करंट की बजाय यहां पर डीसी करंट जा रहा होता क्या जा रहा होता डीसी करंट जा रहा होता तो अगर डीसी करंट जा रहा होता तो हीट लॉस कैसे लिखते तो देखो डीसी ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के केस में तो सीधे सीधे लिख देते आई स्क्वायर ऑफ डीसी इंटू आर इंटू टाइम इंटरवल और टाइम इंटरवल कितना टी टू माइनस टी वन ऐसी तो लिखोगे ना हीट लॉस आई स्क्वायर आर इंटीग्रेट इधर इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि करंट वेरिएबल है अगर करंट कांस्टेंट है तो ऐसे लिख दूंगा अगर मैं कहता हूं कि ये वाला हीट लॉस और ये वाला हीट लॉस बराबर है अगर मैं कहता हूँ कि एच वन की वैल्यू एच टू के बराबर है तो क्या मैं इन दोनों को बराबर कर दूँ अगर तुम इन दोनों को बराबर करोगे तो ज़रा ऑब्जर्व करना तो मैं कुछ बहुत बढ़िया शानदार चीज़ समझ में आ जाएगी जैसे ही मैंने बराबर किया मैंने यहाँ लिखा आई स्क्वायर ऑफ डी सी करेंट इन टू आर इंटू टी टू माइनस टी वन बराबर यहां पे आर्थ इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया अंदर बचा आई स्क्वायर ए सी डी टी फ्रॉम टी टू टू टी वन ये आठ से आठ कैंसिल आउट हुआ यहाँ से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि आई डी सी की वैल्यू अगर मैं पूछूँ तो ये क्या निकल करके आ रहा है आई स्क्वायर ए सी डी टी अपॉन टी टू माइनस टी वन और तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो वही है जो आर एम एस की डेफिनेशन थी सर गिव टिप्स फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम अभी देंगे बेटा टिप्स रुक जाओ क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा ये डीसी करंट जब तुमने यहां से कैलकुलेट किया तो ये वही आ रहा है जो आरएमएस करंट आ रहा था देखो आराम से देखो आपने आरएमएस को ऐसे तो डिफाइन किया था कि पहले स्क्वायर करो स्क्वायर का एवरेज निकालो उसका स्क्वायर रूट करो तो अगर कोई पूछे कि आर को आप कैसे सोचते हैं तो मैं कहूंगा आर करंट वो डीसी करंट है कि अगर वो डीसी करंट सेम टाइम इंटरवल के लिए फ्लो करा दिया जाए तो जितना हीट लॉस उस एसी सर्किट में होगा एग्जैक्टली exactly उतना ही हीट लॉस इसमें होगा इसलिए हमारे लिए करंट बहुत होता है आपने देखा था जब जब हम पावर एनालिसिस कर रहे थे भी आ रहा। यहां पर जो तुम्हारे सामने डेफिनेशन थी देखना मैं दिखा देता हूं मैंने डेफिनेशन लिखी हुई देखो पढ़ो इस डेफिनेशन को पढ़ो वैल्यू ऑफ अ गिवन एसी सर्किट कैन बी डिफाइंड एज अ कॉन्स्टेंट करेंट विच प्रोड्यूस द सेम हीट इन रेजिस्टेंस इन द सेम ड्यूरेशन क्यों मेरे भाइयों कुछ समझ पा रहे हो क्या आपको आर एम एस करेंट की फील आई कि क्या है अगर कोई मुझसे यह कहता है कि इस सर्किट में आर एम एस करेंट की वैल्यू तीन एम्पियर है तो मैं क्या कहूंगा कि अगर तुम तीन एम्पियर का डीसी करंट फ्लो करा दोगे ना तो सेम टाइम इंटरवल में हीट लॉस सेम आएगा ठीक है भाई सो हाउ द और इसी के साथ मैदान में जो लोग आखिरी तक टिके रहे उनको मेरी सलामी और हम लोगों ने यहां पर लगभग साढ़े तीन घंटे के अंदर एसी सर्किट पूरा बाइंड अप कर दिया वैसे तो मैंने सारे टॉपिक्स को पूरा कवरअप करने की कोशिश करी है लेकिन ये कवर तब होगा जब आप लोग जाकर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जितने भी फॉर्मूले बताए गए हैं, उन फॉर्मूलों को दोबारा से पढ़ें और सिंपल सा अगर आप ध्यान से देखें तो एसी सर्किट में मैंने सिर्फ यह बताया इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है इंडक्टर और कैपेसिटर आपस में लड़ाई करते रहते हैं बीच में ऐसा भी माहौल बनता है जब एक्सएल एक्सी आपस में के निपट जाते हैं और उस कंडीशन को हम रेजोनेंस बोल देते हैं ठीक है भाई सेशन so कैसा लगा आनंद आया या नहीं आया एक अलग ही अनुभव हुआ या नहीं हुआ जीवन में ये पल बहुत याद आएंगे तुम्हें यार जब आज से पांच साल बाद कहीं बालकनी में बैठे होगे और सोच रहे होगे अपने जीवन के बारे में तो जब तुम सन 2023 को याद करोगे और चिल्ड सर्दी जहां पर दो मीटर आगे की सड़क दिखाई नहीं दे रही है उस सर्दी में जब लोग मोबाइल फोन पर चैट कर रहे हैं लोग गेम खेल रहे हैं अपने भाई लोग यहाँ पे क्लास अटेंड करके एक एक दिन में तीन तीन घंटे की नॉन स्टॉप क्लासेस अटेंड करके चैप्टर को निपटा रहे हैं बस यही असली सुकून है। सुकून है इससे बड़ा कुछ भी नहीं है पीडीएफ में फॉरवर्ड कर दूंगा भाई ठीक है क्वेश्चन कैसा रहा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बता के जाना तुम नालायक हो यार कमेंट नहीं करते हो तुम्हारे लिए भाई इतनी मेहनत करता है आज सुबह जब मैं आया तो यहाँ पे यूट्यूब की टीम है वो कह रही सर सेशन कैसा रहा मैंने कहा सर बहुत बढ़िया रहा उनने कहा सर कमेंट्स तो आए नहीं मैंने कहा सर मेरे बच्चे पढ़ाई पे फोकस करते हैं वो कमेंट वमेंट इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं लेकिन कह रहे नहीं सर ये लग ये सब चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं तो हमने कहा ठीक है यार बोल दूंगा लेकिन तुम भी जानते हो तो ठीक है द सेशन आई होप तो बढ़िया रहा होगा चले भाई इसी के साथ इजाज़त मिलेगी कि नहीं पता नहीं घर में आज एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी <coughs> बेटी तो हमारी सो चुकी होगी <coughs> निमित फोर्स और डैम डॉक्सिलेशन बेटा ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी जिसको फोर्स और डैम डॉक्सिलेशन पढ़ना हो वो टॉप गन्स टॉपगन बायडमी का जो चैनल है उस पर जाकर के लेक्चर देख सकता है मैंने वहां पे काफी डिटेल में पढ़ा दिया है पूरा लाल फूल नीला फूल भाई यहाँ पे कमेंट नहीं करने हैं कमेंट बॉक्स में जाके करने हैं पिछले तीनों वीडियो पे मुझे कमेंट्स चाहिए कि लेक्चर वन लेक्चर टू और ये और प्लीज कोटा पल्स बाय अन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा क्योंकि आगे भी इसी तरह की सीरीज क्योंकि मैदान में कब तक टिकना है जब तक जी एडवांस का एग्जाम नहीं हो जाता आग लगाते रहेंगे और इसी तरह की शानदार सीरीज कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली सीरीज अपने भाई बंधुओं के लिए लाते रहेंगे तो आपको अगर चाहिए कि इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें वो आपको मिल जाएंगे और आपको बता दूं अभी ये सीरीज खत्म नहीं हुई है अभी ये सीरीज आगे और चलने वाली है अभी और इसमें आग लगने वाली है हमारी टीम के और भी बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो इस सीरीज को आगे ज्वाइन करने वाले हैं जिसमें आपका मॉडर्न फिजिक्स सेमी कंडक्टर फ्लूड मैकेनिक्स जैसे हाई स्कोरिंग टॉपिक्स फॉर जेई मेन्स हमारे टीम के मेंबर्स आगे इसी सीरीज में कंटिन्यू करेंगे तो कोई भी भाई अगर शॉर्ट इंटरवल में अप टू द जेई मेन्स फर्स्ट लेवल कवर करना चाहता है तो इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकता है इसी के साथ मेरा इस सीरीज से अलविदा क्योंकि तो मुझे इस सीरीज में सिर्फ दो ही चैप्टर्स पढ़ाने थे ई और ए और मैं उसे आप सभी के समक्ष कवर अप कर चुका हूं उम्मीद है कि आप जिस उम्मीद के साथ इस सेशन को अटेंड करने आए होंगे जिस उम्मीद से आपने क्लासेस अटेंड की होंगी उस उम्मीद को कुछ हद तक तो शायद मैं फुलफिल कर पाया हूँ मैंने कोशिश पूरी करी काफ़ी चैलेंजिंग होता है इतने कम इंटरवल में इतना सारा कंटेंट डिलीवर कर पाना लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है और अगर आप भी इसी तरीके से प्रयास करते रहेंगे संघर्ष करते रहेंगे मैदान में टिके रहेंगे दस बार गिरेंगे ग्यारहवीं बार उठेंगे और लड़ते रहेंगे तो यही है जीवन का असली सुकून और यही है जीवन की असली जंग क्योंकि या तो जीत होती है या फिर इंसान सीखता है भाई तो गुड नाइट टेक केयर लव यू ऑल मुलाकात फिर होगी टॉपगंस बायडमी पर और भी शानदार इसी तरीके के सीरीज और भी शानदार ऐसे टॉपिक्स जहां पर आपको होती है दिक्कत तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है जब तक जे एडवांस के एग्जाम में हम आग नहीं लगा देते ठीक है भाई चले गुड नाइट टेक केयर और बताइए भाई सात्विक कुमार ऑल इज वेल मॉडर्न कब स्टार्ट करोगे सर मॉडर्न कल से स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा मॉडर्न आपके नए सर आएंगे वो कंटिन्यू करेंगे अपनी टीम में अपनी टीम बहुत शानदार है बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है चाहे आप किसी से भी पढ़ लीजिए ऑल आर द टॉप फैकल्टीज तो चल रही है मॉडर्न फिजिक्स कल आपकी शुरू होने वाली है चलो भाई गुड नाइट टेक केयर कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक ये देखो बताओ यार शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को यार मतलब लाइक ही नहीं किया यार सेशन हाथ है, है। प्रखर मेहता सर आपने एरर पे प्रॉमिस किया है हाँ देखो छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो मैं कवर कराऊंगा वो मैं कवर कराता रहूंगा टॉप गन्स पर उसके लिए तुम टेंशन मत लो टॉप गन्स पे एक दो दिन में आपके पास आ जाएगा शेड्यूल ठीक चलिए ओके थैंक यू सो मच अलविदा मुलाकात फिर होगी अगले सेशन में